जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ लो तुम, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। कंपटीशन एक्ट 2002 व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो अब फाइनली जब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो इतना बोलना चाहूंगा, आजकल एग्जामिनेशन वेटेज थोड़ा सा कम हो गई है, कंसिस्टेंट चार नंबर का आता है हर बार, इट इज फोर मार्क्स। एलाइड लॉज में ऐसे ही है ना, एलाइड लॉज में सारे चैप्टर ऐसे ही हो गए हैं, बिकॉज चैप्टर्स देर आर 10 chapters एंड वेन यू आर हैविंग 30 marks इट विल बी लाइक दैट ओनली। एक टाइम था जब कॉम्पिटिशन एक्ट यूज टू बी कमिंग इन द एग्जाम काइंड ऑफ 8 marks 10 marks, 8 number 10 number का आता था कंसिस्टेंट। फिर जब वो अलाइड लॉज में नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ा दिए उन्होंने, ऑब्वियसली एक्ट बहुत सारे कर दिए, तो इसलिए सबका वो मार्क्स वेटेज अकॉर्डिंगली उतना हो गया। तो कॉम्पिटिशन एक्ट एवरी टाइम कम्स इन द एग्जाम, एवरी टाइम, इट नेवर, ऐसा कभी नहीं होता कि मिस हो जाए, आता हर बार है, लेकिन आता 4 number का है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो पहली चीज यहाँ पर चैप्टर शुरू करते समय बोलना चाहूंगा 3 शब्द, जागो ग्राहक जागो। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसके पीछे है, कहीं ना कहीं दैट इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट। और दो बातें और बोलूंगा, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 शुरू करने से पहले एक टाइम था जब इंडिया में MRTP एक्ट 1969 था, MRTP एक्ट 1969 खत्म किया तो उसकी जगह कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 शुरू किया। MRTP एक्ट 1969 कहता था एवरी मोनोपोली इज बैड, और हम मोनोपोली एस्टैब्लिश होने ही नहीं देंगे। फिर जब कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आया तो ये कहता है मोनोपोली इज नॉट बैड, मोनोपोली एस्टैब्लिश करना कोई बुरी बात नहीं है, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड। तो अगर आज की तारीख में कोई अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है तो कॉम्पिटिशन एक्ट मना नहीं करता है। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है वी प्रोहिबिट द मिस यूज ऑफ मोनोपोली, वी प्रोहिबिट द मिस यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। तो कुल मिलाकर कहानी यही है, दिस इज द होल स्टोरी एंटायर स्टफ इन देयर, कि मोनोपोली इज नॉट बैड, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड इन दैट केस। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, अब इस लाइन पे काम करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और ये थ्योरी कहां से आई, ये मोनोपोली इज नॉट बैड, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड, WTO एग्रीमेंट, बेसिकली फंडा कहां से आया, WTO एग्रीमेंट से आया। MRTP एक्ट 1969 इंडिया में रहा 40 साल, MRTP एक्ट 1969 टू 2009 इंडिया में रहा। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 फाइनली जो इंडिया में शुरू हुआ 2009 में शुरू हुआ, कहने के लिए नाम क्या है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 नाम क्यों है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिया 2002 में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया 2002 में, लेकिन 2002 में इम्प्लीमेंट नहीं किया, एनफोर्स नहीं किया। एनफोर्स कब किया, 7 साल बाद, आफ्टर 7 years, एंड दैट इज इन द ईयर 2009। तो फाइनली हम कहते हैं इट इज ओके, दैट इज, जैसे कंपनीज एक्ट के साथ तो आजकल क्या हो रहा है भाई, बिट्स एंड पीसेस में आ रहा है ना आजकल, कंपनीज एक्ट 2013 भी क्या हो रहा है, इट वाज साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 30 अगस्त 2013, फिर पहले एक सेक्शन आया, फिर 98 सेक्शन आए, फिर एक और आया, फिर 182 आया, तो बिट्स एंड पीसेस में एनफोर्स हो रहा है। ऐसे ही कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के साथ भी हुआ था, इट हैपन देयर ऑल्सो, कि पहले कुछ 2-4 sections नोटिफाई हो गए, फिर बाद में थोड़े से और आए, फिर लेकिन जो मेन सेक्शन है ना कॉम्पिटिशन एक्ट के, सिर्फ 4 sections है जिनको सॉलिड ग्रिप करना है, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 4 sections सॉलिड ग्रिप करना है, तो सारे कॉन्सेप्ट वो 4 sections के अंदर कवर हो जाते हैं। बाकी आगे की कहानी तो मैं कहता हूँ लॉलीपॉप है, लड्डू है, लॉलीपॉप वाला काम है आगे। फिर उसके बाद सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स दम नहीं है चैप्टर के अंदर, 4 sections है जिसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट है, 3, 4, 5, 6। और जब इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट विजय माल्या, वी टॉक अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, वी टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स, वी टॉक अबाउट अजय देवगन, वी टॉक अबाउट जब तक है जान, सन ऑफ सरदार, लड़ाई हुई थी एंड दैट मैटर वेंट टू MRTP कमीशन, वी टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। तो चैप्टर में प्रैक्टिकल लाइफ केसेस बहुत सारे होते रहे हैं। एंड ऑन दैट नोट, व्हेन आई एम गेटिंग स्टार्टेड, तो शायद मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बात की थी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जब टाटा ऑयल मिल्स कंपनी का टेक ओवर किया था, एंड दैट वॉज टॉमको, टाटा ऑयल मिल्स कंपनी, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर उस वक्त 3 soaps बनाया करती थी, लक्स, लाइफ बॉय एंड डव। और टाटा ऑयल मिल्स कंपनी एक सोप बनाया करती थी, हमाम सोप। और जब ये टेक ओवर किया था तो इट वॉज लाइक कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने टाटा ऑयल मिल्स कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया, अमलगमेट कर लिया, तो सिंगल कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, इट विल कंट्रोल 72% ऑफ द सोप मार्केट ऑफ इंडिया।
तो मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज हुए कि सर ये मोनोपोली एस्टैब्लिश मत होने दो. तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा क्यों, मोनोपोली इज नॉट बैड, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड, कि अगर कंपनी ने अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया अमलगमेशन के बाद, मोनोपोली क्रिएट होने के बाद अगर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया तो हम कहेंगे मिस यूज ऑफ मोनोपोली है, तब की तब देखेंगे. बट नाउ द पॉइंट इज मोनोपोली इज नॉट बैड, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड. और जब हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में 11th 12th क्लास में आपने पढ़ा है, लार्जर द स्केल ऑफ प्रोडक्शन लेसर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जाती है उसमें प्रॉफिट एलिमेंट अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उतना ही रखती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम हो जाएगा, तो कंज्यूमर का फायदा है, कस्टमर का फायदा, ये अच्छी बात है. लेकिन अगर मान लो सोप को 200 रुपीज पर सोप कर देते हैं बाद में 250 रुपीज पर सोप और 500 रुपीज पर सोप, तो फिर क्या है, फिर नहाना बंद कर देंगे और क्या, लोग मतलब पानी से नहाएंगे जो भी है बट सोप यूज नहीं करेंगे. तो मिस यूज ऑफ मोनोपोली जब होगा तब की तब देखेंगे. लेकिन अमलगमेशन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम अमलगमेशन के लिए मना क्यों करें, लेट द अमलगमेशन टेक प्लेस. और फाइनली वो अमलगमेशन हुआ और सक्सेसफुल हुआ. उसके बाद वो अमलगमेशन होने के बाद अब ऑब्वियसली नाउ हमाम सोप हम इधर नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं देखते, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र साइड पे ज्यादा है उनकी मार्केट. दूसरा केस जो ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ दैट वाज विजय माल्या के, जब अच्छे दिन चल रहे थे, दैट वाज 2005 की बातें कर रहा हूँ मैं अब आपसे, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2005. तो 2005 में एंड फरवरी 2005 जून 2005 की बात बता रहा हूँ आपको, दैट विजय माल्या वाज नंबर वन लिकर मैन ऑफ इंडिया दैट टाइम, एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज वाज नंबर वन लिकर कंपनी ऑफ इंडिया, शॉवेलिस कंपनी वाज नंबर टू लिकर कंपनी ऑफ इंडिया, एंड नंबर वन लिकर कंपनी ऑफ इंडिया यूनाइटेड ब्रेवरीज मैन्युफैक्चरिंग मैकडावल नंबर वन एंड बैकपाइपर, दो ब्रांड्स हुआ करते थे उनके उन दिनों में. और शॉवेलिस कंपनी जो नंबर टू कंपनी थी छाबड़िया फैमिली, किशोर छाबड़िया फैमिली दैट इज शॉवेलिस कंपनी, उनके तीन ब्रांड्स हुआ करते थे, रॉयल चैलेंज, व्हाइट मिस्चीफ एंड सम डायरेक्टर स्पेशल. सुने हुए नाम कभी, बटवा दो और भी कुछ नहीं, चलो एनी हाउस मुझे लगा सारे बॉर्न वीटा बूस्ट वाले बच्चे बैठे हैं. खैर जो भी है, नाउ द पॉइंट इज कि मामला फिर से वही मुंबई का मामला था और फिर से मामला कोर्ट में गया. और वहां जब हुआ कि नंबर वन लिकर कंपनी ऑफ इंडिया इज मेकिंग द टेक ओवर ऑफ नंबर टू लिकर कंपनी ऑफ इंडिया, अगर दोनों कंपनीज एक बन गई, सिंगल कंपनी बन गई, तो नियर अबाउट 65% ऑफ लिकर मार्केट विल कम इन द हैंड्स ऑफ वन मैन इन इंडिया एंड दैट इज विजय माल्या, अगर ये टेक ओवर हो गया सक्सेसफुली. और उस केस में वेल विजय माल्या ने जब अटैक किया था शॉवेलिस कंपनी पे, या कहना चाहिए यूनाइटेड ब्रेवरीज ने, तो 0% स्टेक था पहले से उस अदर कंपनी में, कहना चाहिए एक्वायरर कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड टारगेट कंपनी वाज शॉवेलिस कंपनी. जब अटैक शुरू किया तो 0% स्टेक था, लेकिन जब खत्म हुई कहानी तो 79.5% एक्वायर कर लिया था. तो वन कंपनी एक्वायरर कंपनी एक्वायरिंग 79.5% शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, और सक्सेसफुल टेक ओवर हुआ, दैट हैपेंड इन द एंड. हॉस्टाइल टेक ओवर था, इट स्टार्टेड एज हॉस्टाइल, इट एंडेड अप एज फ्रेंडली टेक ओवर, लास्ट में खत्म होते होते वो फ्रेंडली टेक ओवर के तरीके से खत्म हुआ फाइनली. एंड शुरू जब हुआ था तो हॉस्टाइल टेक ओवर की तरह हुआ था कि जबरदस्ती अटैक कर रहे हैं और एक्वायर कर रहे हैं. खैर फाइनली मामला वही एमआरटीपी कमीशन में गया, खैर उन दिनों में तो 2005 में, क्योंकि तब तक कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है वो 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ, एमआरटीपी एक्ट था. और एमआरटीपी एक्ट में तो कहते थे मोनोपोली इज बैड, लेकिन एमआरटीपी कमीशन ने सरप्राइज जजमेंट दे दिया. एमआरटीपी कमीशन ने कहा कि अब एमआरटीपी एक्ट तो जा ही रहा है ना, और कॉम्पिटिशन एक्ट धीरे धीरे आ ही रहा है, तो लेट अस गो विद द न्यू फिलॉसफी. एमआरटीपी कमीशन ने जवाब दिया, लेट अस गो विद द न्यू फिलॉसफी, मोनोपोली इज नॉट बैड, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड. और अगर अमलगमेशन हो रहा है तो होने तो अच्छी बात है, मोनोपोली क्रिएट होती है तो होने तो, जब मिस यूज होगा मोनोपोली का तब देखेंगे. और फाइनली अमलगमेशन वॉज अप्रूव्ड एंड द टू कंपनीज बिकेम वन, यूनाइटेड स्पिरिट्स यूएस और यूनाइटेड स्पिरिट्स ओवर देयर. एंड देन आल से आज की तारीख में कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये दो बड़ी बड़ी मोनोपोलीज एग्जिस्ट करती हैं, एक तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स इन द लिकर सेक्टर और दूसरी तरफ वो सोप सेक्टर में, वी आर हैविंग दैट हिंदुस्तान यूनिलीवर. और आप कह सकते हैं 65% हिंदुस्तान को आज विजय माल्या पिलाकर रात को सुला देते हैं, और 70% इंडिया को सुबह हिंदुस्तान यूनिलीवर नहला धुलाकर जगा देते हैं, काम पे भेज देते हैं. तो दैट इज हाउ इंडिया इज गोइंग ऑन. एंड तो मतलब सिर्फ एक लाइन वो अपने दिमाग में सेट करनी है, मोनोपोली इज नॉट बैड, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड, सेक्शन 4 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के हिसाब से अगर हम चलते हैं. लेकिन लेकिन जो सेक्शन 4 है वो अपनी जगह पर है, जो कंपटीशन एक्ट का प्रीएम्बल है जहां से लॉ शुरू होता है, वहां तो कहते हैं हम चाहते हैं
एक्ट का प्रियम्बल कहता है हम चाहते हैं कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर हों और ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर एक जैसा प्रोडक्ट बनाएं। उससे फायदा क्या होगा, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर एक जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे कॉम्पिटिशन की वजह से क्या होगा, प्राइसेस रीजनेबल रहेंगे, एक लिमिट में रहेंगे या रिड्यूस होंगे कॉम्पिटिशन की वजह से। और हर कॉम्पिटिटर मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करेगा। तो कॉम्पिटिशन तो अच्छी बात है। तो पहली लाइन जो है, वेल व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कॉम्पिटिशन एक्ट का प्रीएम्बल, जो पहली लाइन है उसका मेन फंडा ही है पॉइंट नंबर वन में, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस व्हिच आर हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। हम तो चाहते हैं कि कॉम्पिटिशन ज्यादा से ज्यादा हो, पॉइंट नंबर वन ही यही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कॉम्पिटिशन एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता है, ये एक्ट क्यों बनाया गया, पर्पज क्या है, और एक्ट में अथॉरिटी का नाम जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नॉर्दर्न वी से एन एक्ट टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंदी में क्या कहेंगे, आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति। हाँ, तो देश की आर्थिक उन्नति को जो भी है प्रगति, उन्नति, विकास, उसको ध्यान में रखते हुए क्या एस्टैब्लिश करना है, एक कमीशन एस्टैब्लिश करनी है। और उस कमीशन का पूरा नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली एंड ब्रांचेस मे बी आउटसाइड दिल्ली एज वेल, इन मुंबई, अहमदाबाद। सो आई विल से टॉकिंग अबाउट दैट। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि इंडिया में, मतलब देश की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए क्या एस्टैब्लिश करना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और आजकल जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में मेन जज हैं, ऑनरेबल जज मिस्टर अशोक चावला, एग्जाम के लिए नहीं लेकिन अपनी खुद की नॉलेज के लिए, ऑनरेबल जज जो मेन जज हैं, टॉप मोस्ट चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑनरेबल जज मिस्टर अशोक चावला। और जजेस भी हैं, चार जजेस और हैं, टोटल पांच जजेस हैं आज की तारीख में, एज ऑफ टुडे, आई विल से फेब 2015 की बात बता रहा हूं आपको, आगे नंबर कम ज्यादा हो जाएगा मुझे नहीं मालूम, बट एज ऑफ टुडे ऑन 8th फेब 2015 कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज हैविंग 5 जजेस, 1 मेन जज, ऑनरेबल जज मिस्टर अशोक चावला, बाकी 4 जजेस और हैं वहां पर आज की तारीख में। तो टोटल 5 जजेस इन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड देन वी से बेसिकली, मतलब एक्ट करना क्या चाहता है, एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस व्हिच आर हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया। सेक्शन 3 में हम बात करेंगे, सेक्शन 3 कहता है 9 प्रकार के एग्रीमेंट साइन करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट है दे हैव द एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इंडिया। एडवर्स का मतलब नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इंडिया। तो सेक्शन 3 में 9 एग्रीमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है और वो कहते हैं कि ये 9 एग्रीमेंट आप साइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक आपको बताने के लिए बता देता हूँ, टाई अप सेल। टाई अप सेल मतलब अगर आप मेरा एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको मेरा दूसरा प्रोडक्ट जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, तभी मैं आपको फर्स्ट प्रोडक्ट दूंगा, वरना मैं आपको अपना, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट भी नहीं दूंगा। अगर आपको मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट चाहिए तो आपको मेरा सेकंड प्रोडक्ट जबरदस्ती साथ में परचेज करना पड़ेगा। इट इज नॉट बाय वन गेट वन फ्री, यू हैव टू बाय बोथ द प्रोडक्ट्स। अगर आप मेरी एक सर्विस हायर कर रहे हैं तो जबरदस्ती आपको मेरी दूसरी सर्विस भी हायर करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको अपनी फर्स्ट सर्विस दूंगा। अगर मुझे मालूम है कि मेरी एक सर्विस बहुत अच्छी क्वालिटी की और दूसरी सर्विस उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और एक सर्विस के लिए तो कंज्यूमर्स बहुत है लेकिन दूसरी सर्विस के लिए कंज्यूमर्स नहीं है, अब वो उसको कहते हैं टाई अप सेल्स। क्या कहते हैं? टाई अप सेल्स। स्कूल्स में तो नॉर्मली बहुत होता है, एक बार बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो अब आपको यूनिफॉर्म, कॉपीज, बुक्स, डायरीज, एवरीथिंग यू हैव टू टेक फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ, होता है। और अलग समर यूनिफॉर्म, विंटर यूनिफॉर्म, हाउस यूनिफॉर्म, स्कूल्स के ऊपर केसेस होते हैं, फिर स्कूल्स केसेस हारे भी हैं तो, और इट हैज बीन हैपनिंग अराउंड। आई विल से अभी ज्यादा डिटेल में और नहीं जाऊंगा, बट एट द मोमेंट यस इट इज हैपनिंग। और अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ सुनने के लिए मिले कि एक टीचर कहता है कि अगर आप मुझसे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको मेरा दूसरा सब्जेक्ट भी जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो टाई अप सेल्स, दैट इज समथिंग रॉन्ग। देन वी से टू प्रमोट, लेकिन अगर कॉम्बी पैकेज टाइप है, मतलब लेट मी क्लैरिफाई, कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, और दोनों प्रोडक्ट मार्केट में इंडिविजुअली अवेलेबल है और उनका कॉम्बी पैक अवेलेबल है लेकिन वो डिस्काउंटेड है। अब कंज्यूमर के पास तीनों ऑप्शन है, वो चाहे तो प्रोडक्ट ए ले, चाहे तो प्रोडक्ट बी ले, और चाहे तो कॉम्बी पैक ले बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। दिस इज नॉट टाई अप सेल, ये टाई अप नहीं है।
जहां सेपरेट प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी और सिर्फ कॉम्बी पैक ही अवेलेबल है, वो अब जबरदस्ती वाली बात है कि आपको एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, वहां कंप्लेंट फाइल हो सकती है। लेकिन जहां प्रोडक्ट अलग अलग इंडिविजुअली भी अवेलेबल है और कॉम्बी पैक भी अवेलेबल है, वहां पर आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। देन वी से नेक्स्ट वन, टू प्रमोट एंड सस्टेन द कॉम्पिटिशन मार्केट। तो कॉम्पिटिशन एक तो चाहता है कि कॉम्पिटिटर ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा उतनी ही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऊपर जाएगा और उस वजह से प्राइस रीजनेबल रहेगा, प्राइस डाउन रहेगा। अगर किसी की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो फिर वो अपनी मर्जी से ऊटपटांग प्राइसेस बढ़ाता जाता है। पॉसिबल होता है ऐसा? तो किसी की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो वो ऊटपटांग प्राइसेस फिर अपने इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मोनोपोली है और कस्टमर मुझे छोड़कर जाएगा नहीं कहीं। दैट्स व्हाई वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है उसकी वजह से ऊटपटांग प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। देन वी से थर्ड वन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ऑब्वियसली जागो ग्राहक, जागो। और कई बार कैंपेन्स होते हैं सयानी रानी एंड सो ऑन। हाँ, वैसे अलग से मैं कहूंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो रेमेडीज मिलती हैं वो अलग हैं, जो रिलीफ मिलते हैं वो अलग हैं, और जो कंपटीशन एक्ट में जो रिलीफ मिलते हैं वो अलग हैं। तो मतलब कंज्यूमर उधर भी प्रोटेक्ट हो रहा है, कंज्यूमर इधर भी प्रोटेक्ट हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में जो रिलीफ मिलते हैं वो अलग प्रकार के हैं और यहाँ जो रिलीफ मिलते हैं वो अलग प्रकार के हैं। दोनों के टाइप्स अलग हैं, वहां तो छोटे छोटे रिलीफ है, यहाँ कुछ बड़ी बातें हो रही है। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट अल्टीमेटली। लेकिन दोनों एक्ट चाहते एक ही चीज है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड देन एंश्योर द फ्रीडम ऑफ द फॉरेन पार्टिसिपेंट्स इन द इंडियन मार्केट। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को इंडियन मार्केट में आने का मौका मिले, फ्री एंट्री इन द इंडियन मार्केट। एंड यही हम चाहते हैं, मैनी सेलर्स मैनी बायर्स। सो मैनी सेलर्स मैनी बायर्स, तो मोनोपोली क्रिएट ना हो। और हम तो जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, पॉइंट नंबर फोर को मैं कहूंगा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया, और फॉरेन पार्टिसिपेंट्स भी इंडियन मार्केट में आए और पार्टिसिपेट करें। एंड बराक ओबामा ऑल्सो वी कीप इनवाइटिंग नाउ, उनके भी इंडिया में दो चक्कर तो लग गए, एक पहले लगा था, एक पहले जब बनने वाले थे एंड अब एक बार अब। और देन वी आर सेइंग तो ही हैज बीन टू टाइम्स इन इंडिया। अब हम जापान भी जाते हैं, उनको भी कहते हैं मेक इन इंडिया, चाइना जाते हैं उनके प्रेसिडेंट को बुला लेते हैं। तो आजकल ऑब्वियसली वी आर इनवाइटिंग एवरीबडी, कम टू इंडिया, मेक इन इंडिया, सेल एनी वेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट मेक इन इंडिया। देन फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, सो और इंसिडेंटल देयर टू, मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब ऊपर वाले जो चार पॉइंट हैं उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ भी मिसलेनियस, ऊपर वाले चारों पॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ कुछ भी मिसलेनियस है तो वो भी यहां पर आ जाता है, दैट इज देयर। सो वेल आई विल से, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कॉम्पिटिशन एक्ट का पर्पस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, उसके प्रीएम्बल से कहानी समझ में आती है और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अब कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स में ले जा रहा हूँ, स्कूल टाइम के कॉन्सेप्ट्स में, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सब कुछ, मोनोपोली डुओपोली एंड ओलिगोपोली। मोनोपोली वी से वन सेलर मैनी बायर्स, डुओपोली टू सेलर्स मैनी बायर्स, एंड ओलिगोपोली few sellers and many buyers। And then we say oligopoly के अंदर हिंदुस्तान में दो example बड़े live हैं, हमेशा बार बार देखने के लिए मिलते रहते हैं। एक है airline companies जो है वो cartel बनाती है, cartel का मतलब group, तो airline companies का cartel बनता है, और दूसरा है cement companies का cartel बनता है इंडिया में, जो बड़ा normal है। और ये दोनों ही cases हिंदुस्तान में बार बार हुए हैं, कई बार हुए हैं। अब एयरलाइन कंपनी जब कार्टल बनाती है तो क्या होता है, वो पांच छह बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज मिल जाती हैं आपस में, कंपटीशन खत्म कर देते हैं और सबके एयर फेयर सेम हो जाते हैं। उसको कहते हैं प्राइस कार्टल बनाया, सबके प्राइसेस सेम, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन। एंड जेट एयरवेज, आज से पहले तो किंगफिशर भी थी, अब तो नहीं है, चलो इंडिगो, गो एयर, स्पाइस, अभी आज से एयर विस्टारा द न्यू एंट्री एयर, अगर इंक्लूडिंग दैट मैं तो कहूंगा पहले एयर इंडिया भी थी, अब सारी एयरलाइंस अगर मिल जाती हैं आपस में और सब कहते हैं कि दिल्ली टू मुंबई एयर फेयर इज सेम, 12,000 रुपीज पर टिकट, बी इट मॉर्निंग फ्लाइट और बी इट इवनिंग फ्लाइट, सबके प्राइसेस सेम है। और फिर क्या करते हैं, हर एक महीने बाद 10% इंक्रीज, सारी एयरलाइंस एक साथ इंक्रीज करती हैं। अल्टीमेटली कॉस्ट किसके ऊपर आ रही है, बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर। क्या और उनकी आपस में क्या है? कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है उन पांचों एयरलाइंस का या उन छह एयरलाइंस का, क्या है, ओरल एग्रीमेंट है। क्या हम उस ओरल एग्रीमेंट के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया?
कोई सबूत तो है नहीं हमारे पास कि उनके बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट है, लेकिन प्राइसेस तो सेम है। तो चाहे रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, लेकिन पांचों या छहों एयरलाइंस के प्राइसेस तो सेम है। और जब मैं वेबसाइट खोलता हूँ makemytrip.com, खोली होगी आपने भी कभी ना कभी, एक्सपीडिया या ट्रेवलोसिटी जो भी वेबसाइट्स है, कितने लोगों ने कभी ना कभी वो मेक माई ट्रिप वगैरह एक्सेस की हुई है, कोई ना कोई वेबसाइट जस्ट टू बुक द एयर फेयर और एयरलाइन टिकट। चलिए आल से 80% हैंड्स कमिंग अप ऑलमोस्ट। तो मैं कहूंगा उस केस में फिर क्या कहानी है कि जब हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, वो पांच एयरलाइंस के सबके वो लोगो भी बने होते हैं, टेबल बनी सामने, चार्ट आ जाता है। तो आपने वो डेस्टिनेशन डाला दिल्ली टू मुंबई एंड देन डेट डाली कि किस डेट पे आपको ट्रेवल करना है, तो आपके सामने चार्ट आ गया। और उसी वक्त वो आ जाता है कि सभी एयरलाइंस के अलग अलग वेल टाइमिंग्स भी आ जाते हैं फ्लाइट के, बुक्स बुक द सीट्स, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल अवेलेबल एंड बुक सीट, वहीं क्लिक किया और क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया। और देख रहा होता है कि कौन सी एयरलाइन का फेयर कम है, कौन सी एयरलाइन का फेयर ज्यादा है। और एक दिन आप सुबह उठकर कभी किसी दिन क्लिक करते हैं और देखते हैं सबके फेयर एक जैसे हैं, ये कैसे हो गया मैजिक, एंड एवरी फ्लाइट द फेयर इज सेम। उसका प्रिंट आउट ले लो, बस उसका प्रिंट आउट ले लो और वो प्रिंट आउट की कॉपी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में फाइल कर दो। यही सबूत है कि उनके बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आर यू गेटिंग दैट? तो उसके लिए आपको कोई, उनके बीच में आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है उसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं भी है, तो क्या ओरल एग्रीमेंट भी अगर है तो क्या हम लोग सीसीआई में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस। और हुआ है, पास्ट में केसेस हुए हैं, और वहां आकर फिर वो अजीब अजीब से आर्गुमेंट देते हैं कि सर हमारे एयर फेयर सेम नहीं है, देखने में सेम है लेकिन एक्चुअली कैसे फर्क है? ना ना ना, एक पर्टिकुलर एयरलाइन कहती है आकर कि सर हम इस फेयर के अंदर मील्स साथ में फ्री में दे रहे हैं, विच इज कॉस्टिंग 250 रुपीज। दूसरी एयरलाइन कहती है सर हम तो मील ऊपर से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, सैंडविच का 200 रुपीज या जो भी है। ये देखो ना, फर्क हो गया ना फिर, 200 ज्यादा और 200 कम। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फिर ऐसे आर्गुमेंट सुनता नहीं है, फिर वो कहते हैं जी मोटा मोटा तो आपका सबका सेम कर ही लिया ना आप लोगों ने, दैट इज हियर। और जो कहां 7,000 और कहां 5,000 की टिकट का डिफरेंस दिखता है, वहां पर अगर सबका 12,000 इक्वल हो गया है तो वो 200 रुपए ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, डिफेंसेस दिए जाते हैं। और दूसरा सीमेंट कार्टल, मैं कहूंगा 2-4-5 बड़ी कंपनीज के नाम बता सकते हैं, अंबुजा, L&T और अल्ट्राटेक, बांगर सीमेंट, बिनानी, जेके, बिरला सीमेंट, जेपी, श्रीराम सीमेंट, काफी है, काफी है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, देन लफार्ज, हाँ, देन टॉकिंग अबाउट दैट, तो कुल मिलाकर अगर वो 10 बड़ी कंपनीज जो इंडिया में है अगर वो मिलकर एक कार्टल बना लेते हैं कि सबका सीमेंट प्राइस बैग इज सेम, 380 रुपीज पर बैग, 50 किलो का बैग है और 380 रुपीज पर बैग या 430 रुपीज पर बैग, सबका प्राइस सेम, और फिर हर 2 महीने में प्राइस बढ़ाते हैं, बर्डन किसके ऊपर आएगा? कंज्यूमर के, जिसको घर बनाना है, घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो बर्डन उसी के ऊपर आएगा। सो आई विल से दिस इज समथिंग हैपनिंग अराउंड, एंड आई विल से दिस इज सीमेंट कार्टल व्हेन वी टॉक अबाउट दैट। तो कुल मिलाकर इंडिया में देखने के लिए मिले हैं, ओलिगोपोली हो जाती है, और इसी को नाम क्या देते हैं? कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन। ये जो कार्टल है इसको एक नाम देते हैं कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन, एक नाम देते हैं प्राइस कार्टल, की सबके प्राइसेस सेम हो गए, दैट इज अ ग्रुप फॉर्म। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, व्हेन वी टॉक अबाउट द MRTP एक्ट, और या मैं तो कहूंगा बचपन की बातों में ले जा रहा हूँ आपको वापस 11th-12th क्लास में समझने के लिए। मार्केट में इकोनॉमिक्स में कभी 11th-12th क्लास में बताया गया था कि दो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, एक तरफ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और एक तरफ है मोनोपोली। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब वही मैनी सेलर्स मैनी बायर्स एंड फ्री एंट्री फ्री एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, फ्री एंट्री इन द मार्केट फ्री एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। और मोनोपोली में दैट इज वन सेलर मैनी बायर्स, वन सेलर एंड मैनी बायर्स। अब होता क्या है, मान लो कि एक छोटा सा कॉम्पिटिटर है यहाँ पर जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% है और वो चाहता है कि मेरा मार्केट शेयर बढ़े, तो वो क्या करता है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करता है। RTP की फुल फॉर्म क्या है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करता है। और एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस है विच रिस्ट्रिक्ट्स द कॉम्पिटिशन, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर कम करे और अपना मार्केट शेयर बढ़ाए। अभी वो छोटे स्केल पे शुरू होता है क्योंकि उसका मार्केट शेयर सिर्फ कितना है? ओनली 2% ऑफ द एंटायर मार्केट इन इंडिया, ओनली 2% ऑफ एंटायर मार्केट इन इंडिया। मैं कहूँगा 2% भी वैसे तो बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है अगर पूरे इंडियन मार्केट शेयर का 2% भी किसी के हाथ में है। बट आई विल से इन एनी केस, अब यहां पर वो किस तरीके की प्रैक्टिस शुरू करता है,
एक्सक्लूसिव डीलिंग विद द शोरूम ओनर्स, एक्सक्लूसिव डीलिंग विद द शोरूम ओनर. और शोरूम ओनर्स को क्या बोलता है कि अगर आप अपने शोरूम में मेरी कंपनी का प्रोडक्ट रखना चाहते हो तो आप मेरी राइवल कंपनी का प्रोडक्ट अपने शोरूम में नहीं रख सकते, एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर माय प्रोडक्ट, ताकि अगर कंज्यूमर शोरूम के अंदर आता है तो उसे और किसी कंपनी का प्रोडक्ट नजर नहीं आना चाहिए. और जब वो ये प्रैक्टिस शुरू करता है तो पता चलता है धीरे धीरे 2 साल में 3 साल में उसका मार्केट शेयर अब बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते कहीं इट रीचेज द लेवल ऑफ 27%. एक लेवल आ गया एंड टोटल मार्केट शेयर 2% से बढ़ाते बढ़ाते वो कहां तक ले गया, 27% ऑफ द टोटल मार्केट इन इंडिया. नाउ एट दिस स्केल अभी वो भूख बढ़ गई है, भूख शांत नहीं हुई है, भूख और बढ़ गई है और मार्केट शेयर बढ़ाना है. और फिर अभी वो प्रैक्टिस चली रही है, जो भी शोरूम्स हैं वो मेरे एक्सक्लूसिव शोरूम्स होने चाहिए, अब तो मेरी रेपुटेशन भी बढ़ गई है, प्रोडक्ट की सेलिब्रिटी भी बढ़ गई है. और वही प्रैक्टिस आगे भी कंटिन्यू करती है तो हम उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस. जब तक छोटे स्केल पे चल रहा था तब हम कह रहे थे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जब वो बड़े स्केल पे आगे बढ़ता है तो हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस. और पता चला कि मार्केट शेयर करते करते ही रीचेज द लेवल ऑफ 60%, ही रीचेज द लेवल ऑफ 60% मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस ही इज कैरिंग ऑन. और अब हम कहते हैं द ट्रेड प्रैक्टिस वंस अगेन विच रिस्ट्रिक्ट्स द कॉम्पिटिशन. अगर आप देखोगे मैं दोनों तरफ शब्द एक ही यूज कर रहा हूं, दिस इज द ट्रेड प्रैक्टिस विच रिस्ट्रिक्ट्स द कॉम्पिटिशन, लेकिन स्केल चेंज हो गया है. पहले कह रहे थे स्मॉलर स्केल, नाउ इट इज बिगर स्केल. अल्टीमेटली दूसरे कॉम्पिटिटर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनका मार्केट शेयर कम हो जाए और मेरा एक्सक्लूसिव शोरूम ऑल ओवर इंडिया बढ़ते जाएं. तो जो भी फ्रेंचाइजी मांगने के लिए आता है मेरे पास, जो भी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप मांगने के लिए आता है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप मेरी कंपनी के प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो तो आप राइवल कंपनी के प्रोडक्ट में डील नहीं करोगे. तो अपना मार्केट शेयर बढ़ाता जा रहा है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, क्वालिटी की वजह से नहीं विजिबिलिटी की वजह से. अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, दूसरों की विजिबिलिटी डिक्रीज कर रहा है. एंड देन फाइनली वी से अब यहां पर भी रुकना नहीं चाहता, अल्टीमेटली चाहता तो वो क्या है कि एक दिन आएगा कभी ना कभी जब मैं 100% मार्केट कैप्चर कर लूंगा और दूसरे कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर दूंगा. इंटेंशन तो वहां तक पहुंचने की है. बट आई टेल यू वन थिंग, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू रीच देयर टू द 100% मोनोपोली लेवल ऑब्वियसली. देन टॉकिंग अबाउट दिस, अब एक चीज यहां पर बोलना चाहता हूं, जब हम छोटे मोटे लेवल पे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं छोटे मोटे लेवल पे तो हम उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है. जब हमारे पास ऑलरेडी 60% मार्केट शेयर है और फिर हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, तो उस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस. जब ऑलरेडी एक 60% लेवल मार्केट में मेरा एस्टैब्लिश हो चुका और फिर मैं अब औरों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं और अपना मार्केट शेयर और इंक्रीज कर रहा हूं, नाउ दैट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, की अब मैं फाइनल मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा हूं. आर यू गेटिंग दैट? अब एक शब्द यहां पर मैं बोल रहा हूं, एक लाइन एक सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनेगा. एवरी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इज नॉट मोनोपोली बाय नेचर. Every restrictive trade practice is not a monopoly by nature, but every monopolistic trade practice is restrictive by nature. Every monopolistic trade practice is restrictive by nature, but every small restrictive trade practice is not a monopoly or not monopolistic by nature. Getting that? Every MTP is RTP, but every RTP is not MTP. ये next page पे लिखा हुआ है सब कुछ. पेज नंबर 1 ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 1 पे ये बातें लिखी हुई हैं. तो कवर पेज से अंदर जाएंगे, पेज नंबर 7.1 यू विल बी फाइंडिंग दिस. एवरी एमटीपी इज आरटीपी. और इसका मतलब क्या है, इसको सही तरीके से बोलूं तो एवरी एमटीपी इज रिस्ट्रिक्टिव बाय नेचर. एवरी एमटीपी इज रिस्ट्रिक्टिव बाय नेचर, बट एवरी आरटीपी इज नॉट अ मोनोपोली. एवरी एमटीपी इज restrictive by nature, but every RTP is not a monopoly. Are you getting this point? बात समझ में आ रही है? Then, लेकिन किंतु परंतु, old MRTP Act में और new competition Act में एक फर्क आ गया. New competition Act में क्या किया? MTP और RTP दोनों को जोड़ दिया. MTP plus RTP दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़कर कहते हैं MTP plus RTP is equal to agreement having appreciable adverse effect on the competition in India. आज की तारीख में न्यू कॉम्पिटिशन एक्ट में अब ये दो कॉन्सेप्ट दो है ही नहीं, इन दोनों को जोड़कर एक सिंगल कॉन्सेप्ट बनाया. तो ओल्ड MRTP एक्ट में ये दो कॉन्सेप्ट थे, आरटीपी और एमटीपी. न्यू एक्ट में क्या किया, इन दोनों को जोड़कर एक सिंगल कॉन्सेप्ट बना दिया और अब क्या बोलते हैं,
MTP plus RTP is equal to the agreement having appreciable adverse effect on the competition in India. Appreciable adverse effect. Appreciable का मतलब something significant. Appreciable का मतलब कुछ बड़े level पर है. Appreciable का मतलब significant. अगर हिंदी में कहूं तो कुछ बहुत बड़े बड़े स्तर पर है. कोशिश कर रहा हूं, हिंदी बहुत साल हो गए नहीं लिखी है. बहुत बड़े स्तर पर है तो appreciable का मतलब कुछ significant है, कुछ बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है. और एडवर्स का मतलब नेगेटिव. एडवर्स का मतलब नेगेटिव. तो कुछ बहुत बड़े स्तर पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? कंपटीशन के ऊपर. तो ऐसा कोई एग्रीमेंट है विच हैज सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया. सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया तो हम कहेंगे दिस इज समथिंग रॉन्ग. और सेक्शन 3 कहता है इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन करना अलाउड नहीं है. अगर आप इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो सेक्शन 3 कहता है ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है. सेक्शन 3 कहता है ऐसा एग्रीमेंट अगर आप साइन कर भी लेते हैं तो इट इज वॉइड एब इनिशियो. पढ़ना है वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. एमआरटीपी एक्ट सेज सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सेक्शन 3 कहता है ऐसा. सेक्शन 3 दो बातें कहता है. पहली बात तो कहता है सेक्शन 3 ऐसा एग्रीमेंट साइन करो ही मत, ऐसा एग्रीमेंट क्रिएट ही मत करो. लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट क्रिएट कर लिया है तो एग्रीमेंट इज वॉइड. सो आई विल से दिस इज ऑल अबाउट व्हेन वी से शुरुआत कर रहे हैं कि अब एक जमाने में जो दो कॉन्सेप्ट थे 2009 से पहले, अब 2009 में जब सेक्शन 3 इंप्लीमेंट हुआ फाइनली तो वो दो कॉन्सेप्ट अब दो नहीं है, दोनों को जोड़कर एक सिंगल कॉन्सेप्ट बना दिया गया. And now when I'm dealing with that further, मैं कहूँगा पेज नंबर 7.1 पर वो आपको चार ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि कॉम्पिटिशन एक्ट के मेन चार मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं. What are the four main objectives of the Competition Act? And now just read through that very carefully. इसको पढ़कर ही समझ में आता है कि कॉम्पिटिशन एक्ट आखिर करना क्या चाहता है, अचीव क्या करना चाहता है. And the first thing that we are having, first box. तो पहले box में आ जाइए. To prevent the concentration of economic power in the hands of few persons to the common detriment or injury of the society. तो क्या prevent करना चाहते हैं, क्या ना हो, किस चीज को prevent करना चाहते हैं. We want to prevent the concentration of economic power. कि सारा पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में, गिने चुने लोगों के हाथ में इकट्ठा ना हो. तो हिंदुस्तान का सारा पैसा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में इकट्ठा ना हो, वो सारा पैसा स्कैटर होना चाहिए, आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. दैट इज देयर. एंड टू द कॉमन डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंट शब्द का मतलब इंजरी, जो साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है. डेट्रीमेंट शब्द का मतलब इंजरी. टू द कॉमन इंजरी ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज. एक जमाना था जब हम कहते थे, आज भी कहीं ना कहीं ये बात कुछ तो सच है, दोज वर द डेज ऑफ इंडिपेंडेंस. हिंदुस्तान आजाद हुए अभी 10 साल हुए थे मुश्किल से. और एक स्टेटमेंट कभी रिलीज हुई थी, दैट वॉज दैट ओनली 5% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल्स 95% वेल्थ ऑफ इंडिया. एंड 95% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल्स ओनली 5% वेल्थ ऑफ इंडिया. ये तो मैं कहूंगा 1991 के बाद से, जब ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और फिर इंडिया में बीपीओ बिजनेस आ गया, बीपीओ केपीओ एलपीओ और फॉरेन कंपनीज इंडिया में आना शुरू हुई, तो इंडियन मिडिल क्लास ने पहली बार कमाना शुरू किया. मे बी आस्क योर पेरेंट्स, 1991 से पहले पूरी लोकेलिटी में जहां 100 घर होते थे तो शायद 2 या 3 घरों में एक स्कूटर हुआ करता था, वेस्पा और व्हाटएवर, बजाज सुपर और बजाज चेतक, प्रिया गोल्ड. प्रिया तो आप लोगों ने नाम सुने हुए. हाँ, प्रिया गोल्ड बिस्किट नहीं है, प्रिया. हाँ, और एक लम्बरेटा नाम की चीज भी होती थी, लम्बरेटा. तो मतलब 1991 से पहले जो आपके पेरेंट्स ने जो इंडिया देखा है, व्हाट दे हैव सीन दैट इज, जिसमें
पूरी लोकेलिटी में अगर 100 घर हैं तो 10 घरों में टेलीविजन होता था, और संडे को उन्हीं 10 घरों में सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था रामायण देखने के लिए या महाभारत देखने के लिए। 4 बजे शाम को दूरदर्शन में एक अजीब सा वो अंडा सा घूमता हुआ आता था और साथ में उसकी ट्यून आती थी बड़ी अजीब सी, टोण ओण ओण ओण, तो वो इंडिया था, वो इंडिया था। 100 घरों में से 1 घर में कार होती थी और जब कोई बीमार हो जाता था उसी के घर जाते थे, हॉस्पिटल जाना है। आज हर घर में 2-2, 3-3, 4-4 कार्स हैं। तो इंडियन मिडिल क्लास हैज बिकम रिच ट्रू इन द लास्ट 20 ईयर्स। इंडियन मिडिल क्लास को आज की तारीख में बोलते हैं इस दुनिया में इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड। लेकिन ये ठीक है, पिछले 15-20 साल में हालात बदल गए हैं, पीपल आर वेयरिंग द ब्रांडेड क्लोथ्स विच वॉज नॉट हैपनिंग अर्लियर, बट स्टिल मैं कहूंगा आज भी टाटाज, बिरलाज, अंबानी और अदानी और वेल महिंद्रा फैमिली, कोटेक फैमिली, ऐसी कितनी फैमिलीज होंगी आज की तारीख में इंडिया में विच आर सुपर रिच। 50-100 फैमिलीज जिनके पास इतनी वेल्थ है कि वो अगर आज की तारीख में काम करना बंद भी कर दें तो उनकी 100 पुश्तें 200 पुश्तें बैठकर खाती रहेंगी और फिर भी बैंक अकाउंट में जो पैसा बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट फैक्टरी बढ़ता रहेगा, वो कभी खत्म होगा नहीं, इट विल नेवर हैपन। एंड आज भी हिंदुस्तान में ऐसा गरीब आदमी है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। बिहार, उड़ीसा, वेल मे बी सीमांध्रा विच आर द पुअर स्टेट्स, आज भी ऐसा हिंदुस्तान में व्यक्ति है। तो अमीर आदमी अमीर हो गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो गया एट टाइम्स, ऐसा हुआ है। जबकि तब से 1947 से लेकर आज तक जो सबसे ज्यादा काम होना चाहिए था वो किसके ऊपर होना चाहिए था? गरीब आदमी के ऊपर, कि उसको आजाद होने का क्या फायदा हुआ। और महात्मा गांधी का जो मंत्र था वो यही था कि मुझे इस देश के सबसे गरीब आदमी को खुशहाल करना है, बाकी हिंदुस्तान तो अपने आप खुशहाल हो जाएगा। दैट वॉज मंत्र ऑफ महात्मा गांधी जो हम भूल गए। ही हैड सो मेनी नाइस मंत्रास ही हैड गिवन, दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड महात्मा। बट नाउ द पॉइंट इज कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो जिंदा खुद रहे नहीं 1948 एंड ही वॉज किल्ड और मर्डर्ड और वट एवर दैट हैपन्ड। लेकिन अगर एक आदमी अगर नमक उठाने के लिए अगर सत्याग्रह कर सकता है, अगर साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए लड़ सकता है और हिंदुस्तान में आकर भी, आई टेल यू वन थिंग, इट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट वेन वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। किसी के बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा। अगर सोच के देखो, अगर पूरी दुनिया अगर ये फिलॉसफी फॉलो करने लगे, एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया सुधर सकती है। पूरी इस स्टेटमेंट में इतना दम है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। कुछ गलत बचेगा ही नहीं इस दुनिया में अगर ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट पूरी दुनिया कर ले तो। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं अपना लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 या 4 बार तो मैंने ट्राई किया हुआ है, नॉट रियली फिजिकली बट आई टेल यू वन थिंग, माई ओन नेबरहुड इन माई प्लेस वेयर आई स्टे इन पीतमपुरा, एंड आई एक्सपेरिमेंटेड विद माई ओन नेबरहुड दैट मैन इज फ्रॉम मरीन नेवी जिसको आप कहते हैं, एंड मर्चेंट नेवी, दैट मैन इज, एंड मर्चेंट नेवी वाले वो कुछ होता है, रात को खाना पीना उनका अलग ही टाइप का चलता होता है, एंड ऑल दैट। एंड ही केम वन डे टू माई हाउस डूइंग सम हलाबला, एंड देन आई वॉज स्टैंडिंग साइलेंट विद हिम कि हाँ सर आप जो बोलो बिल्कुल आप 100% ठीक हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हिज मदर हिज फादर केम टेलिंग सॉरी टू मी, एंड देन 2 दिन बाद अपने बेटे को पकड़कर लाए सॉरी बुलवाने के लिए। और आज तक वो बंदा वो मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाता, मैं सामने उसके सामने, वो 56 इंच तो नहीं है मेरा लेकिन जो भी है वो, मैं चौड़ा होकर चल रहा होता हूँ, बट वो बंदा आज भी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाता, एंड ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। And the only thing is, whatever he did wrong to me, I was keeping silent ki tere ko jo tamasha karna hai kar le. I could have called police on the spot. Bhai jo tera jo bhi designation navy mein hoga wo hoga, but once you are doing something wrong and everybody is watching around, pura mohalla dekh raha hai, and everybody appreciated in my locality, yaar you kept very cool that day. Aur uski wajah se wo banda aaj tak sharminda hai aur dobara uski chuni nikli hai. This formula works, and I tell you one thing, lage raho Munna bhai ne thoda sa sikhaya tha, लगे रहो मुन्ना भाई जब मूवी आई थी तो थोड़ा सा सिखाया था। मेरे हिसाब से हमें हर महीने एक बार वो मूवी देख लेनी चाहिए, इट विल इम्प्रूव यू एज अ पर्सन एंड इट विल इम्प्रूव द सोसाइटी ऑल्सो एज अ पर्सन। तो वो मैसेज जो है वो बहुत अच्छा मैसेज था,
महात्मा का नाम ऐसे महात्मा नहीं पढ़ा, देर वॉज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आज की तारीख में आपकी कार पे कोई स्क्रैच मार के चले जाओ, आप दो लगा दो उसको, फॉरगेट कि आपकी बॉडी पे कोई स्क्रैच करेगा, आपकी कार के ऊपर भी कोई स्क्रैच कर दे आपके सामने, आंखों के सामने, तो आप दो चार लगा दोगे, जबकि कार आपके साथ ऊपर नहीं जाने। लेकिन आपके बुरे कर्म जो है वो आपके साथ ऊपर जरूर जाने, अच्छे हो या बुरे हो। बट खैर, ऑल सेड एंड डन, तो मैं सिर्फ इतना ही, वापस घूम के चैप्टर में आ जाते हैं। तो मैसेज इज कन्वेड, वो महात्मा गांधी का कोई कसूर नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिलॉसफीज दी। हम लोगों का कसूर है कि इतनी जो मुश्किल से आजादी मिली, हमने उन मॉरल वैल्यूज को आज की तारीख में खो दिया है, हम भूल चुके हैं। फॉरगेट की मतलब, ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट भगत सिंह, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट बॉम्ब, उन्होंने बॉम्ब फेंका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर, किसी को मारने के लिए नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका और एक बंदा भी मरा नहीं। भगत सिंह ने बेसिकली जब बॉम्ब फेंका, इट वॉज अ हार्मलेस बॉम्ब, इट वॉज जस्ट टू रेज द वॉइस दैट वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस। 30 दिन या कहते हैं शायद उससे भी ज्यादा, व्हेन भगत सिंह ने भी जेल के अंदर रहकर कुछ नहीं खाया। आज की तारीख में मैं आपको, मतलब अगर मैं 3 दिन बोलूंगा कि आपको एक बूंद पानी नहीं पीना, 4th दिन तो आपका होगा इंडिया गया भाड़ में, मेरी जान बचाओ। ये वैल्यूज कहाँ है आज की तारीख में? है वैल्यूज, कहाँ है वैल्यूज? वो भगत सिंह वाली वैल्यूज कि मैं 30 दिन तक एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा और उसके बाद हिंदुस्तान को आजाद करवाए बिना आई विल गो, आई विल लीव माई बॉडी। वो लोग सनकी थे लेकिन वो लोग दीवाने थे, वो दीवाने थे तभी हिंदुस्तान आजाद हो गया। वो दीवानापन कहाँ है आज की तारीख में? बहुत कम लोगों में है, जिन बहुत कम लोगों में है, बहुत गिने चुने दो चार लोगों में ही है, दैट इज हियर। चलो, द पॉइंट इज, कुल मिलाकर कहानी ये है, कहानी ये, ईमानदार इंसान की इसलिए बेइज्जती मत करो कि वो चुप रहता है या वो शरीफ है, क्योंकि शराफत में भी बहुत स्ट्रेंथ है, शराफत में भी बहुत ताकत है, शरीफ रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बेईमान होना तो कमजोर की निशानी है, बेईमान होना तो 1 सेकंड का काम है, शरीफ रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। और कहते हैं शरीफ वही होता है जिसको बेईमान होने का कभी मौका मिला ही नहीं। द ऑनेस्ट मैन इज द वन हु नेवर गॉट द चांस टू बी करप्ट। द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट चांस टू बी करप्ट, यू बिकम करप्ट, देन व्हाट काइंड ऑफ ऑनेस्ट मैन यू आर? जिसको चांस मिले और फिर वो करप्ट ना हो, वो ईमानदार है। बाकी तो खैर, अभी अभी आप चैप्टर में वापस आ जाओ, कम बैक टू द चैप्टर। ये सारी बातें यहाँ एडिट में निकलवा देंगे हम बीच में से, एट द मोमेंट आई विल से। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि प्रिवेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, और हम चाहते हैं कि सब कुछ वो अडानी या अंबानी के हाथ में, लॉ में तो लिखा है कि सब कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में इकट्ठा ना हो, और ये देश की संपत्ति जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संपदा, अगर जमीन के अंदर कोयला है, जमीन के अंदर पेट्रोल है, तो वो हम सबका है, हम सबके लिए होना चाहिए और हम सब में बंटना चाहिए, उसका जो फायदा है, बेनिफिट है, वो सब तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों की जेब में जा रहा है और बाकी सब लोग सिर्फ उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। देन वी से और इसको रोकने के लिए दो बातें हैं, एक है डिवीजन ऑफ डोमिनेंट एंड टेकिंग, और डिवीजन ऑफ डोमिनेंट एंड टेकिंग जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ डोमिनेंट एंड टेकिंग? अगर कोई मोनोपोलिस्ट अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करता है, अगर कोई मोनोपोलिस्ट अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करता है, उस मोनोपोलिस्टिक कंपनी को क्या हम तोड़कर उसकी 2-3-4-5 छोटी छोटी कंपनीज बना सकते हैं? डिवीजन ऑफ डोमिनेंट टेकिंग। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, ऑर्डर पास करेंगे, अगर एक कंपनी अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल कर रही है तो उसको तोड़कर उसकी 4 छोटी-छोटी कंपनीज बना दो, या उसकी 100 छोटी-छोटी कंपनीज बना दो, ना मोनोपोली रहेगी ना मोनोपोली का मिसयूज होगा। तो ये पावर है उनके पास, और इसका एक बार इस्तेमाल अमेरिका में हुआ था। AT&T, अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीग्राफ, द नंबर वन बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, वॉज ब्रोकन इन टू टू बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, या जिसको कहते हैं फेड कोर्ट, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका पास द ऑर्डर कि AT&T को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, टेलीकॉम बिजनेस अलग कर दो और दैट इज द टेलीग्राफिक बिजनेस अलग कर दो, दैट इज अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफिक बिजनेस अलग कर दो, टेलीकॉम बिजनेस, और कंपनी वॉज ब्रोकन इन टू 2 पार्ट्स। बाद में माफिया मांगते रहे और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ब्रेक होने के बाद बिगड़ती गई दोनों कंपनीज की, और एक वक्त आया जब बहुत बुरी हालत में थे। दोबारा से रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को कि सर हम वादा करते हैं हम फ्यूचर में कभी मिसयूज ऑफ मोनोपोली नहीं करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी दोनों कंपनीज को जोड़कर फिर से एक बना दो। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका सेड तथास्तु कि जाओ आपको जोड़ देते हैं वापस, एंड देन फाइनली स्टार्टेड द कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग वंस अगेन, एंड AT&T इज इवन नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनीज इन द वर्ल्ड।
इवन टुडे, लेकिन एक टाइम था जब बहुत बुरी कंडीशन से निकल कर गए हैं वो लोग, एंड दे वर ब्रोकन इनटू टू। तो अमेरिका में तो होते हुए भी देखा कि AT&T को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। इंडिया में हमारे पास कोई लाइव एग्जांपल नहीं है, इंडिया में हम लोग देखते रहते हैं देखते रहते हैं। सेवरेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड इंटेकिंग, तो मैं कहूंगा यहां पर मुझे एग्जांपल देने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर आपको अभी आपने देखा वो एयरलाइन कार्टल, सीमेंट कार्टल। तो और यहां पर जब मैं बोलता हूँ सेवरेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग, मतलब एक नहीं है, बहुत सारी अंडरटेकिंग्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, और उनकी संधि है, उस संधि का संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद, इंटरकनेक्शन को तोड़ना है। सेवरेंस का मतलब संधि विच्छेद, तो जो उनका इंटरकनेक्शन है उसको खत्म करना है। और वो जो पांच एयरलाइन कंपनीज मिल जाती हैं और आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, संधि कर लेती हैं, उस संधि को तोड़ना है। अब मैं कहूंगा इन दोनों में फर्क क्या हुआ, डोमिनेंट अंडरटेकिंग तोड़ना है, डिवीजन ऑफ डोमिनेंट अंडरटेकिंग और सेवरेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग, दोनों में फर्क क्या हुआ? डिवीजन ऑफ डोमिनेंट अंडरटेकिंग में सिर्फ एक ही है, उस एक को तोड़ना है और एक की दो तीन चार बनानी है। और सेवरेंस में क्या है, पहले से पांच कंपनीज हैं, छह कंपनीज हैं, दस कंपनीज हैं, उनका जो आपस में कनेक्शन है उस कनेक्शन को तोड़ना है और उन सबको अलग अलग करना है। साथ में धमकी दे देते हैं कि कनेक्शन को नहीं तोड़ा और आप नॉर्मल कंपटीशन में वापस नहीं आए तो सबका लाइसेंस कैंसिल, फिर सबके एयरक्राफ्ट जमीन पे खड़े रहेंगे, हवा में तो फिर किसी का उड़ेगा नहीं। फिर अगर उड़ाना है हवा में तो फिर कनेक्शन को तोड़ो, और अपने जो नॉर्मल प्राइसिंग आपके चलते हैं एज पर योर कॉस्ट शीट, क्योंकि सबकी कॉस्ट शीट डिफरेंट है, एज पर योर कॉस्टिंग तो यू फ्लाई अकॉर्डिंगली देयर। और आजकल तो ऊपर से ही होता गया, जब लीन पीरियड होता है, आजकल सुना होगा आपने, आजकल एयरलाइन में पैसेंजर्स इतने नहीं हैं और आजकल लीन पीरियड चल रहा है तो टिकट्स के प्राइसेस काफी कम कर दिए जाते हैं इन दिनों में, तो चल ही रहा है, स्पाइस ने भी कम कर दिया। सो इफ यू आर फ्लाइंग इन 1500 रुपीज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट, 1500 रुपए के अगर आप एयर फेयर पे ट्रेवल कर रहे हो, ऊपर से टैक्सेस एक्स्ट्रा ऑब्वियसली, एविएशन फ्यूल चार्ज जो भी है एंड द टैक्सेस, वो 3-4 हजार के तो टैक्सेस हो जाते हैं। बट इन एनी केस वो 11,000 की टिकट अगर आपकी 6,000 पे आ जाती है, 7,000 पे आ जाती है, स्टिल इट मेक्स लिटल बेटर दैट वे स्पीकिंग। और अगर आप काफी एडवांस में बुक कर लेते हो एयरलाइन का, तो ये होता है ना, अगर आप 4 महीने बाद ट्रेवल करना है, बुकिंग आप अभी कर लेते हो तो 3,000 रुपीज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन दैट केस में भी। देन टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर आल से, तो कुल मिलाकर ये पहला आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट अब टेक्निकल होती जाएंगी बातें, अब टेक्निकल लेवल ऊपर जाता जाएगा, ध्यान से सुनेगा। टू प्रोहिबिट द एग्रीमेंट्स हैविंग द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, प्रोहिबिट करना चाहते हैं, ऐसा एग्रीमेंट साइन ही नहीं होना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट एंटर नहीं होना चाहिए विच इज हैविंग द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इंडिया। अच्छा, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को यहां पर ना एप्रिशिएबल वर्ड को गलत तरीके से लेते हुए देखा। एप्रिशिएबल का मतलब सर हम किसी चीज को एप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी की बड़ाई कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं। यहां पर एप्रिशिएबल का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सिग्निफिकेंट, कुछ बहुत बड़े स्तर पर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है ऑन द कॉम्पिटिशन इंडिया। तो यहाँ किसी की तारीफ नहीं हो रही है, किसी को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इट इज वी आर प्रोहिबिटिंग द एग्रीमेंट्स विच आर हैविंग द सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इंडिया। और सेक्शन 3 दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक तरफ सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 जिसमें कहते हैं फ्यू एग्रीमेंट्स विच आर डीम्ड टू हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इन इंडिया, और दूसरी तरफ कहते हैं फ्यू एग्रीमेंट्स विच आर required to be proved to have the appreciable adverse effect on the competition in India. तो एक तरफ deemed है, दूसरी तरफ कहते हैं required to be proved. अब ध्यान से सुनना, सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है, concept है. Few agreements, basically 4 agreements की list दी हुई है यहाँ पर. There is a list of 4 agreements जिसके लिए कहते हैं which is deemed to have the appreciable adverse effect on the competition in India. ये deem कौन करेगा? Deemed का मतलब presumed. अगर वो 4-5 एयरलाइन कंपनीज ने मिलकर अगर वो एग्रीमेंट क्रिएट किया है, और नीचे हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 में से 1 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, प्राइस कार्टल जो अभी हम बात कर रहे थे, सीमेंट कार्टल या एयरलाइन कार्टल, तो इसमें ये प्रज्यूम कौन करेगा? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, या वहां जो जज साहब बैठते हैं, ऑनरेबल जज मिस्टर अशोक चावला, मिस्टर अशोक चावला वो प्रज्यूम करेंगे कि अगर आपने इन चारों में से कोई एक एग्रीमेंट किया है तो उसका ऑटोमेटिकली नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इंडिया तो होगा ही होगा। तो अगर कंज्यूमर आया है, उसने कंप्लेंट फाइल की सर ये प्राइस कार्टल बना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली जज साहब प्रज्यूम कर लेंगे कि कार्टल बनने का मतलब ही क्या, अगर पांच कंपनीज, अगर पांचों कॉम्पिटिटर कंपनीज कंपटीशन छोड़कर आपस में दोस्ती कर लेती हैं, पांच कॉम्पिटिटर अगर कंपटीशन छोड़कर आपस में दोस्ती कर लेते हैं और पांचों के एयर फेयर
एक जैसे हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपस में कंपटीशन तो रहा ही नहीं, अब तो पांचों के एयरफेयर सेम है, अब तो दुश्मनी कहाँ है, अब तो दोस्ती हो गई। अगर पांचों कंप्यूटर में दुश्मनी के बजाय दोस्ती हो गई तो मतलब कंपटीशन तो खत्म हो गया। अगर पांचों के एयरफेयर सेम हो गए और फिर टाइम टू टाइम पांचों कंपनीज इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब दोस्ती है। तो वही हम कह रहे हैं कि इन चार एग्रीमेंट्स में क्या है, इंक्लूडिंग प्राइस कार्डल, वो जो CCI में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में जज साहब बैठे हैं, ऑनरेबल जज मिस्टर अशोक चावला, वो प्रिज्यूम कर लेंगे कि प्राइस कार्टल है, तो मतलब इसका मतलब कॉम्पिटिशन तो खत्म। लेकिन इसमें बर्डन टू प्रूफ इज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ऑन द सर्विस प्रोवाइडर, कि वो आए और वो प्रूव करके दिखाए कि कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब फुल एंड फाइनल वहां फुल स्टॉप है, यहां पर एक मौका दिया जा रहा है। क्या मौका दिया जा रहा है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टू द कॉम्पिटिटर्स, टू द सर्विस प्रोवाइडर्स, की आओ और प्रूव करके दिखाओ कि आपका कॉम्पिटिशन खत्म कैसे नहीं हुआ और अभी भी आप में कॉम्पिटिशन कैसे जिंदा है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं समझने के लिए, ध्यान से सुनेगा। कोक और पेप्सी प्राइसेज आर सेम, क्या इसका मतलब यह कि कोक और पेप्सी में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है इसलिए प्राइसेज सेम है? दुश्मनी की वजह से सेम है या दोस्ती की वजह से सेम है? सारी दुनिया को मालूम है कि कोक और पेप्सी में दुश्मनी है और दुश्मनी की वजह से दोनों के प्राइसेस सेम है, दोस्ती की वजह से नहीं है। अगर कोक अपना प्राइस बढ़ाती है, एल्यूमिनियम कैन का प्राइस अगर 2-3 रुपए बढ़ाया, तो कुछ दिन के बाद पेप्सी भी 2-3 दिन के बाद अपने प्राइस बढ़ा देती है, वो प्राइसेस सेम कर देती है। चलो कोक ने बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ा देते हैं, कॉम्पिटिटर ने बढ़ा दिया तो ठीक है। क्या ऐसे भी हो सकता है कि कॉम्पिटिटर देखा देखी एक दूसरे के प्राइस बढ़ा रहे हो? दोनों ने सेम डे से नहीं बढ़ाया, देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 10 डेज 15 डेज। लेकिन पहले एक कंपनी ने बढ़ाया, फिर कंपटीशन में दूसरी कंपनी ने भी बढ़ा दिया। क्या कैन वी से कि जरूरी थोड़े ना कि दोस्ती की वजह से सेम हो? अब कोक और पेप्सी पे अगर मैं आज कंप्लेंट फाइल कर देता हूं कि दोनों के प्राइसेस सेम है, प्राइस कार्टल, तो क्या प्राइस कार्टल है? आंसर इज नो। इनकी दुश्मनी तो मैं कहूंगा 125 साल से ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। एक टाइम आया था जब पेप्सी ने वेनेजुएला कंट्री में से कोक को एलिमिनेट करके खत्म कर दिया था, ऐसा भी हुआ हुआ हिस्ट्री में। कोक को बड़ी मुश्किल से वेनेजुएला में दोबारा से री एंट्री मिल पाई। तो इनकी दुश्मनी के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है, बाकी इंडिया में तो हमने एडवर्टाइजमेंट वार में देखा ही है। वो एक कंपनी की एड आती है, कोक की आती है, दैट वॉज ठंडा मतलब कोका कोला, और दूसरी तरफ पेप्सी ने एड दी, दैट इज बिजनेस ठंडा मतलब कोला कोला। पेप्सी की एड आती है जंगिस्तान, तो कोक उसकी कॉपी बनाता है जंगलिस्तान। तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट वॉर जो है वो मतलब इंडिया में पहले कभी हमने देखी नहीं थी। अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट्स कुछ 2-4 याद हैं जस्ट इन केस, तो वो स्प्राइट हो या ड्यू हो, दे कीप ऑन फाइटिंग। बट नाउ द पॉइंट इज, तो प्राइस कार्टल किसको कहेंगे? प्राइस कार्टल को डिफाइन कैसे करेंगे? प्राइसेस सेम हो जाना प्राइस कार्टल है या दोस्ती की वजह से प्राइस सेम हो जाना? मिली भगत और कॉल्यूजन, और मैं कहूंगा षड्यंत्र हो रहा है किसके अगेंस्ट? कंज्यूमर के अगेंस्ट। कॉन्स्पिरेसी फैक्टर है किसके अगेंस्ट? कंज्यूमर के अगेंस्ट, कि कंज्यूमर के ऊपर बर्डन डालना है, प्राइसेस सबके सेम और टाइम टू टाइम फिर इंक्रीज। तो प्राइस कार्टल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सबके प्राइसेस सेम है, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन, और दूसरा क्या है? कॉन्स्पिरेसी फैक्टर अगेंस्ट द कंज्यूमर, तो हम कहेंगे इट इज प्राइस कार्टल। इफ द प्राइसेस आर सेम ड्यू टू कॉम्पिटिशन, देन इट इज नॉट अ प्राइस कार्टल। अब वापस यहां पर आ जाते हैं, तो घूम फिर कर क्या है, चार केसेस में CCI कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रज्यूम करेगा कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन हो रहा है, बट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू द डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंडेंट टू प्रूव कि कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा। आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे ये सारी बातें लिखी हुई हैं कहीं ना कहीं। देन वी से फ्यू एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड टू हैव, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं ऑन द अदर साइड, और ये जो फ्यू एग्रीमेंट है ये है पांच एग्रीमेंट, यहां पर पांच एग्रीमेंट की लिस्ट है जिसके लिए कहते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड टू हैव द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इन इंडिया, जिसमें प्रूव करके दिखाना पड़ता है दैट दे आर हैविंग द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इंडिया। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन कंप्लेनेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन कंप्लेनेंट की वो कंप्लेनेंट अपने साथ जब कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो सबूत लेकर आए, एविडेंस लेकर आए कि कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। सीसीआई के जज डीम नहीं करेंगे, प्रज्यूम नहीं करेंगे कि कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। तो इन पांच केसेस में भाग दौड़ किसको करनी पड़ेगी? कंज्यूमर को, कंप्लेनेंट को, बेसिकली जो कंप्लेंट फाइल करेगा उसको भाग दौड़ करनी पड़ेगी कि सर मैं प्रूव करके दिखाता हूं कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है।
और अगर वो प्रूव कर देता है तो हम कहेंगे फिर वो एग्रीमेंट तो प्रोहिबिटेड है, और अगर आपने साइन कर लिया तो वॉइड है। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पर किसके ऊपर है? कंप्लेनेंट के ऊपर। जबकि पहले वाले केस में यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर है? डिफेंडेंट के ऊपर, कि वो प्रूफ करके दिखाएगी कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों तरफ? और इस केस में जहां डीम्ड है, यहां तो मैं कहूंगा कंप्लेनेंट आएगा, कंप्लेंट फाइल करेगा, सर प्राइस कार्टल है, मुझे नहीं पता कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो पांचों एयरलाइंस के एयर फेयर सेम है, आगे सोचना सीसीआई का काम है, आपका काम है। तो कंप्लेनेंट आएगा सीधा सीधा, प्राइस कार्टल की कंप्लेंट फाइल करेगा, साथ में एक वो मेक माई ट्रिप का प्रिंट आउट पकड़ा देगा, देखो सर सबके एयर फेयर सेम है, आगे सीसीआई के ऊपर छोड़ देगा। और फिर सीसीआई उस केस को अपने आप कैरी ऑन करेगा, टेक ओवर कर लेगा और उस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा, वो सीसीआई की हेडेक है। और सारी भागदौड़ उसके बाद सिर्फ डिफेंडेंट करेगा प्रूव करने के लिए वो पांचों एयरलाइन कंपनीज की, सर हमारा आपस में कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, कंपटीशन अभी भी जारी है। सारी भागदौड़ उनकी है, कंप्लेनेंट को कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वो प्राइस चार्ट पकड़ा देना है बस। तो इन चार केसेस में कंप्लेनेंट इज वेरी कंफर्टेबल दैट वे स्पीकिंग। तो सेक्शन 3 की कहानी है और टोटल 4+5 9 एग्रीमेंट है। अब इधर आ जाइए, सेक्शन 4 कहता है टू प्रोहिबिट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सेक्शन 4 के शब्द क्या है? वी प्रोहिबिट व्हाट? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन को प्रोहिबिट नहीं कर रहे, डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज को प्रोहिबिट कर रहे हैं, डोमिनेंट पोजीशन के मिसयूज को प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो मिसयूज ऑफ मोनोपोली इज नॉट अलाउड, मोनोपोली इज अलाउड। अगर यहां पर लिखा होता टू प्रोहिबिट डोमिनेंट पोजीशन तो मतलब फिर तो हम मोनोपोली को प्रोहिबिट कर रहे हैं, लेकिन हम मोनोपोली को तो प्रोहिबिट कर नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? वी प्रोहिबिट द मिसयूज ऑफ मोनोपोली, वी प्रोहिबिट द मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट करना अलाउड है, डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करना अलाउड है, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करना अलाउड नहीं है। ये डोमिनेंट पोजीशन होती क्या है, मतलब कितना मार्केट शेयर होगा तो डोमिनेंट पोजीशन हो जाएगी? कहेंगे कि एक मार्केट प्लेयर के पास, एक कॉम्पिटिटर के पास मार्केट में इतना शेयर है तो वो डोमिनेंट पोजीशन है। कब कहेंगे? अब मैं कहूंगा कॉम्पिटिशन एक्ट में कोई परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है ही नहीं। कॉम्पिटिशन एक्ट में मालूम है क्या क्या डिफाइन करते हैं? आगे आपको बता देता हूं, जहां आप सेक्शन 4 करेंगे जिस भी पेज पे, यू विल बी फाइंडिंग इट, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 ऑन द बॉटम एक्सप्लेनेशन ए, पेज नंबर 17 ऑन द बॉटम एक्सप्लेनेशन ए में डोमिनेंट पोजीशन की एक डेफिनेशन दी है। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। पेज नंबर 17 ऑन द बॉटम लिखा तो हुआ है, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब मेरी अंडरटेकिंग का साइज इतना बड़ा है, मेरी एंटरप्राइज का साइज इतना बड़ा है, पोजीशन इतनी बड़ी है कि अगर मेरी एंटरप्राइज अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज करती है तो जितने भी सारे कॉम्पिटिटर है मेरे आसपास उन सबको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है मेरी वजह से, दैट इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता, अगर वो जो चुन्नू मुन्नू कंप्यूटर मेरे आसपास बहुत सारे हैं वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज कर भी लेते हैं तो मुझे उनकी वजह से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा करवट बदलता हूं तो सब लोग हिल जाते हैं, सबके लिए अर्थक्वेक आ जाता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर थोड़ी सी भी करवट बदलती है तो सबके लिए अर्थक्वेक आ जाता है, सबको भागना दौड़ना शुरू करना पड़ता है बाकी सब लोग। और अगर मैं सो रहा हूं, मेरी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से चल रही है, बाकी लोग उछलते रहें कूदते रहें, मेरी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज डोमिनेंट पोजीशन। आई ऑपरेट इन द मार्केट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर मार्केट फोर्सेस, मुझे बाकी मार्केट फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, देन आई विल से आई एम हैविंग द डोमिनेंट पोजीशन। समझ में आ रही है डेफिनेशन क्या है? That is what we say is dominant position. Now, well, I'll say, to section 4, finally, section 4 kya kehta hai? Section 4 kehta hai, you have dominant position, but we prohibit that you cannot misuse or abuse the dominant position. Section 5, last mein, jab aata hai, to section 5 aur 6 ko, dono ko jod kar padte hai. Aap dhyan se suniyega yahan par. To control the mega size combination, to control the mega size takeover, कंट्रोल द मेगा साइज अमलगमेशन, कोई छोटा मोटा, मतलब बेसिकली टू कंट्रोल द मेगा साइज कॉम्बिनेशन, किसी छोटे कॉम्बिनेशन को तो हम कॉम्बिनेशन मानते ही नहीं, कुछ मेगा साइज होना चाहिए, बड़े लेवल का अमलगमेशन हो रहा है या टेक ओवर, जैसे आजकल बोल रहे हैं सन फार्मा इज डूइंग द टेक ओवर ऑफ रेनबैक्सी, तो इट इज मेगा लेवल टेक ओवर, बड़े लेवल का टेक ओवर चल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन। और पास्ट में भी बड़े बड़े टेक ओवर्स हुए ही हैं, दैट इज हैज बीन हैपनिंग, बड़े बड़े अमलगमेशन हुए हैं। अब मेगा साइज किसको बोलते हैं आज की तारीख में, ये लॉ मेकर ने टाइम टू टाइम अमेंड किया है, लिमिट्स चेंज होती रहती हैं।
अगर जो दो कंपनीज अमलगमेट हो रही हैं उन दोनों कंपनीज की ज्वाइंट एसेट्स मिलाकर 1500 करोड़ से ज्यादा है, 1500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर दोनों कंपनीज की ज्वाइंट सेल्स टर्नओवर मिलाकर 4500 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 4500 करोड़, तो हम कहते हैं दैट कॉम्बिनेशन इज मेगा कॉम्बिनेशन। और ये हम चेक कब कर लेते हैं, अमलगमेशन से पहले ही चेक कर लेते हैं दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट, दोनों कंपनीज का पीएनएल अकाउंट, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, लास्ट ईयर का पीएनएल अकाउंट उठाया और क्या चेक कर रहे हैं, दोनों कंपनीज की ज्वाइंट एसेट्स अमलगमेशन से पहले ही चेक कर लिया, टेक ओवर से पहले ही चेक कर लिया कि अगर दोनों की ज्वाइंट एसेट्स 1500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर दोनों की, या तो एसेट या फिर टर्नओवर, टर्नओवर 4500 करोड़ से ज्यादा है, तो हम कहेंगे इट इज मेगा अमलगमेशन, मेगा टेक ओवर हैपनिंग। और नीचे लिखा हुआ है सेक्शन 5 के नीचे यहां पर इसी चार्ट में, मेगा अमलगमेशन मेगा टेक ओवर करने के लिए यू नीड द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआर। तो जो क्राइटेरिया दिया गया है 1500 करोड़, 4500 करोड़, वो क्राइटेरिया दिया है सेक्शन 5 में, लेकिन उसका जो अप्रूवल लेना है वो सेक्शन 6 में। तो सेक्शन 5 और 6 को हमेशा जोड़कर पढ़ा जाएगा, इंडिविजुअली पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इंडिविजुअली दोनों की अपनी अपने आप में मतलब दोनों अधूरी कहानी है, कहानी को पूरा करना है तो सेक्शन 5 और 6 को जोड़ देते हैं तो वन सिंगल स्टोरी कम्स इनटू पिक्चर, तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो सेक्शन 5 में तो सिर्फ क्राइटेरिया दे दिया गया। अच्छा, अमलगमेशन में और टेकओवर में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में क्या डिफरेंस है। अमलगमेशन में अगर मैं कहता हूं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, मर्ज कर लिया, अमलगमेट कर लिया, और उसमें क्या होता है, टू कंपनीज बिकम वन, ऑल द एसेट्स ऑल द लायबिलिटीज ऑफ बी आर ट्रांसफर टू ए, and A issues fresh shares to the shareholders of B, and the shareholders of B, they become the shareholders of A, B limited goes out of existence, B limited wind up ho jati hai, dissolve ho jati hai, khatam ho jati hai, so when we say A plus B is equal to A, the two companies become one, jab main bolta hu takeover, to usme kya hota hai, ek acquirer company hai, ek target company hai, acquirer company ne target company ke 51% shares acquire kar liye, maybe 51% se zyada, and then they become the holding company and subsidiary company, lekin holding subsidiary relationship existence mein aane ke baad bhi they remain two separate legal entities, they remain two companies, the two companies remain two, they don't become one, aur holding company ka apna certificate of incorporation memorandum articles alag hai, business activity alag hai, aur subsidiary company ka apna MOA AOA certificate of incorporation alag hai aur business activity alag hai, are you getting that। to takeover mein kya hota hai, acquirer company टारगेट कंपनी, और जो सन फार्मा और रेनबैक्सी में चल रहा है आजकल, दैट इज टेक ओवर, दैट इज नॉट अमलगमेशन, कि सन फार्मा वांट्स टू परचेज 75% शेयर्स ऑफ रेनबैक्सी, और अगर परचेज कर लेते हैं 75% शेयर्स एंड दे बिकम द होल्डिंग सब्सी, बट दे डोंट बिकम वन, दे विल रिमेन टू कंपनीज, वो दो जो है वो दो ही रहेंगी, वो एक नहीं बनने वाली है, आई होप गेटिंग दैट। और मैं तो कहता हूं अगर एक कंपनी एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी के 100% शेयर भी खरीद लेती है तो हम कहेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, बट द टू कंपनीज विल स्टिल रिमेन टू सेपरेट लीगल एंटिटी, वो रहेंगी फिर भी अगर 100% भी खरीद लिया। अमलगमेशन में तो हाई कोर्ट अप्रूवल लेते हैं और दो कंपनीज को अमलगमेट करते हैं, एक बनाते हैं, दैट इज विद द हाई कोर्ट अप्रूवल, सेक्शन 391-394 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, द टू कंपनीज आर अमलगमेटेड एंड दे आर क्रिएटेड एज वन कंपनी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। और सोच के देखो, बड़े लेवल का अमलगमेशन कर रहे हैं, हाई कोर्ट अप्रूवल भी चाहिए कंपनीज एक्ट में, सीसीआई अप्रूवल भी चाहिए कंपटीशन एक्ट में, अमलगमेशन करना है एक लेकिन अप्रूवल चाहिए दो, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, सीसी एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, और दोनों लॉ कंप्लाई करने पड़ेंगे, गेटिंग दैट। छोटा अमलगमेशन कर रहे हैं 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 100-200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ तक का है, तो ओनली कंपनीज एक्ट सीसीआई अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, आने समझ में आ रही है, गेटिंग दैट। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 आई वंस अगेन से इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, चलो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है लेकिन मैं कहूंगा पूरे चैप्टर का बेस यही है, क्योंकि सेक्शन 3, 4, 5, 6 यही चार सेक्शन टेक्निकल है और इन चारों को सॉलिड ग्रिप करना है। इसके बाद आगे सेक्शन 7 की बात तो मालूम है क्या है, सेक्शन 7 की बात है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने जज होंगे, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, उनका टेन्योर क्या है, उनकी सैलरी क्या है, रिटायर होने के बाद रीअपॉइंट होंगे या रीअपॉइंट नहीं होंगे, फिर उसके बाद ये सारी बातें चल रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है उसके बाद, सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 65, छोटा नहीं है, सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 65 एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, और वो सारे एग्जाम में आते भी नहीं है और सारे सेक्शन तो खैर हमारे सिलेबस में भी नहीं है,
इट इज नॉट रियली कि सारे सेक्शन ही सिलेबस में है, सिलेक्टिव सेक्शन हमारे पास है, लेकिन आगे फिर सेक्शन 7 के आगे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट चल रहा है, जो दम वाला पार्ट है जिसमें दम लगाना है, दैट इज सेक्शन 3, 4, 5, 6। आगे जो मैं कह रहा हूँ लॉलीपॉप है, फिर तो पढ़ते जाओ, कहानी है बस, और कुछ नहीं है, दो चार छोटी छोटी टेक्निकल बातें कहीं आती है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहां पर, ऐसा नहीं कि सेक्शन 7 के बाद वाले सेक्शन एग्जाम में नहीं आते, आते हैं और बहुत बार आते हैं, और स्ट्रेट क्वेश्चन होगा, स्ट्रेट आंसर होगा, कभी मतलब उसमें कुछ कंफ्यूज करने वाला होता नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं, ये बात सच है, ट्रू। तो सेक्शन 3, 4 मतलब अल्टीमेटली तो करना तो सारा ही है, करना तो सारा ही है। शुरू में अब मैं कहूंगा कि एक कंपटीशन की एक जनरल डेफिनेशन यहां पर दी, और जो आपको यहां पर डेफिनेशन दिख रही है ना कंपटीशन की, ये कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये कॉमन मैन डेफिनेशन है, क्योंकि कंपटीशन एक्ट है तो कंपटीशन की परिभाषा थोड़ी सी पता होनी चाहिए, दैट्स ओनली थिंग। लेकिन ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए नहीं है, ओनली फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो हम कॉम्पिटिशन का मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस राइवलरी या पर्सनल राइवलरी, पर्सनल दुश्मनी? कॉम्पिटिशन मीन्स बिजनेस राइवलरी। इज इट पॉसिबल कि जो दो लोग बिजनेस राइवलरी में हैं एक्चुअली पर्सनल लाइफ में उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो? अब दो लड़के एक साथ सीए फाइनल का एग्जाम दिया, आगे पीछे बैठकर नकल भी मारी और दोनों पास भी हो गए। अब दोनों पास भी हो गए, दोनों के पास डिग्री भी है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन जॉब का मूड नहीं है, अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और पता चला कि कहीं मे बी एक अच्छी सी बिल्डिंग में, एक टॉवर में 7th फ्लोर के ऊपर आमने सामने अलग अलग अपना ऑफिस खोल लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप बट नॉट एज पार्टनर, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वैसे, लेकिन अपना अपना अलग अलग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और वो प्रैक्टिस अलग अलग कर रहे हैं, और बीच में से पता चलता है किसी कंपनी का चेयरमैन या एमडी पास हो रहा है, और दोनों का जो ग्लास डोर है, दोनों आमने सामने एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, और बीच में एमडी आकर खड़ा हो गया, सोच रहा है इसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं, और दोनों बुला रहे हैं, सर इधर आ जाओ, क्लाइंट इधर आ जाए। हाँ, शाम को पता चलेगा कि मूवी देखने के लिए एक साथ जा रहे हैं, और फैमिली डिनर भी एक साथ कर रहे हैं, पूरा फुल फैमिली डिनर भी चल रहा है, एवरीथिंग, लेकिन दिन में कंपटीशन में है। रतन टाटा और अनिल अंबानी की कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़े ना है, बट एक तरफ वो टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो, एक तरफ रिलायंस कम्युनिकेशन, बिजनेस राइवलरी तो है। क्या हो सकता है कि शाम को कभी गोल्फ एक साथ खेलते हो, कभी एक साथ क्लब में बैठकर कॉफी पीते हो? पॉसिबल? यस। कोई पर्सनल राइवलरी नहीं है, इट इज ओनली द बिजनेस राइवलरी। और कंपटीशन में कहते हैं कि हर किसी को हक है अपने आप को दूसरों से आगे ले जाने का, हर किसी का फंडामेंटल राइट है एक तरीके से अपने आप को, लेकिन वो जो भी करो कंपटीशन में आगे बढ़ो, जेन्युइन तरीके से करो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करते जाओ, अपनी सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करते जाओ, और प्राइस कम करो, डाउन करो, रीजनेबल रखो, अनरीजनेबल प्राइस इंक्रीज मत करो, और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। गलत तरीके से कंपटीशन करने का मतलब वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, वो गलत है। तो जेन्युइन कंपटीशन करने का हक सबको है, और जेन्युइनली अपनी क्वालिटी इंप्रूव करके, प्राइसेस रिड्यूस करके, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का हक सबको है, लेकिन गलत काम करने का हक किसी को नहीं है। आर यू गेटिंग दैट? और यही चीज मैं कहूंगा पेज नंबर 7.2 पे ऊपर भी लिखी है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट ना करें, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, पेज नंबर 7.2, पेज नंबर 7.2। और जो लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं तो फिर उनके साथ कहीं ना कहीं कंट्रोल फीचर भी काम करते हैं, दैट इज कंट्रोल फीचर भी है, अथॉरिटीज भी हैं, और अगर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट जाती है या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट जाती है तो क्या वहां पर काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी पास हो सकते हैं? आंसर इज यस, आंसर इज यस। अच्छा, जब हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, मतलब फुल इंडिया या एनी पार्ट ऑफ इंडिया? एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया तो मतलब पूरे इंडिया में, पूरी इंडियन मार्केट के लिए या एनी पार्ट ऑफ इंडिया? एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इन इंडिया एनीवेयर, एनी मार्केट इन इंडिया, इवन अ सिटी इन इंडिया, एनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, एनी सिटी इन इंडिया। ये नहीं कि आप पूरे इंडिया लेवल पे कुछ गड़बड़ करोगे तो ही गड़बड़ है। अगर आप एक सिटी लेवल पे भी मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो और उसका मिसयूज कर रहे हो, वो भी गलत है, वो भी गलत है। एमआरटीपी एक्ट 1969 में और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में थोड़ा सा बदलाव आया यहाँ पर, देख लीजिएगा। नाउ वी आर सेइंग दैट एमआरटीपी एक्ट 19, मिनिस्ट्री वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, वैसे पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स इज वाणिज्य, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और मिनिस्ट्री पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थी, मिनिस्ट्री अब भी वही के वही है, मिनिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये अथॉरिटी चेंज हो गई है, पहले होती थी एमआरडीपी कमीशन, अब हो गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, अथॉरिटी हैज चेंज एंड दिस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी बोला, टोटल आज की तारीख में 5 जजेस हैं, 1 चेयरपर्सन, ऑनरेबल मिस्टर अशोक चावला, ये मतलब चावला क्या होता है, कोई आपके मतलब घर में क्या वो कपड़े धोने आता है, अच्छा आपने इज्जत दी थी साथ में, तो ऑनरेबल चेयरपर्सन मिस्टर अशोक चावला जी, देन वी से अभी अब DGIR, देन टॉकिंग अबाउट दैट, एंड व्हेन आई एम दीपक गजरानी नहीं है, दीपक गजरानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन, लेकिन एक बात है अब यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन वाली पावर अब खत्म हो गई है, तो अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पावर है, तो डायरेक्टर जनरल आज भी है लेकिन ओनली इन्वेस्टिगेशन पावर, नो रजिस्ट्रेशन पावर, ये जो खत्म हो गया इसके बारे में बताऊंगा बाद में आगे कहीं ना कहीं, अभी सिर्फ इतना बोलूंगा डायरेक्टर जनरल इज हेल्पिंग हैंड ऑफ CCI, डायरेक्टर जनरल ऑफ CCI, जब CCI में कोई कंप्लेंट आती है और CCI उसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑफिस में जाना है, एयरलाइन कंपनी के ऑफिस में जाना है, अंदर घुसकर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो CCI का जज खुद नहीं जाएगा, किसको भेजेगा, डायरेक्टर जनरल को, डायरेक्टर जनरल इज द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑफिस के अंदर जाना है और एयरलाइन कंपनी के ऑफिस में अंदर जाकर सबूत इकट्ठे करके लाने हैं, वो काम किसका है, डायरेक्टर जनरल, तो कंप्लेनेंट ने तो कंप्लेंट फाइल कर दी, सर प्राइस कार्टल है, ये पकड़ो, मेक माई ट्रिप का चार्ट, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या कहानी है, आगे सारा काम कौन करेगा, CCI, और किससे, किसकी हेल्प से करेगा, डायरेक्टर जनरल, और डायरेक्टर जनरल के नीचे डिप्टी डायरेक्टर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर सारे हैं, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ऑल ऑफ देम आर देयर, पूरा टीम वर्क है, एंड दे आर द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इन द कॉम्पिटिशन एक्ट देयर, तो पेज नंबर 7.1 एंड पेज नंबर 7.2 एंड अ लिटल बिट अबाउट द इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 7.3, अब जो पेज नंबर 7.3 पे आप देख रहे हैं, आई लाइक टू से कि पेज नंबर 7.3 टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये टेबल पढ़कर ना ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि नया एक्ट आखिर क्या कर रहा है, ओल्ड एक्ट क्या था और नया एक्ट आखिर क्या कर रहा है, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट को सॉलिड बनाने के लिए टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस टेबल इज नॉट एट ऑल फॉर एग्जाम, एग्जाम में कोई नहीं कहेगा प्लीज गिव द डिफरेंस बिटवीन द MRTP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में क्या बदलाव आया, क्या बदल गया बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एक्ट, और WTO एग्रीमेंट की वजह से ये कॉम्पिटिशन एक्ट हमने बनाया है, और WTO एग्रीमेंट का मतलब बेसिकली फंडा क्या है कि WTO एग्रीमेंट जब इंडिया ने साइन किया तो इंडिया को 10 साल का टाइम मिला था कि 10 साल के अंदर अंदर ना अपने सारे लॉज को मॉडिफाई करो, चेंज करो एज पर द WTO एग्रीमेंट, इंडिया ने WTO एग्रीमेंट साइन किया था 1 जनवरी 2005, तो 1 जनवरी 2005 से फिर रादर हमें टाइम मिला, सॉरी 1 जनवरी 1995 और टाइम मिला अप टू 1 जनवरी 2005 कि 10 साल के अंदर सारे इंडियन लॉज को इंटरनली धीरे धीरे चेंज करो, मॉडिफाई करो, जो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की जरूरत है उसको थोड़ा बहुत करो, जिसको पूरा चेंज करने की जरूरत है तो पूरा चेंज करो एज पर द WTO एग्रीमेंट, तो हमने वो फेरा डिलीट किया, फेमा कर दिया, एंड देन आल से ये MRTP एक्ट डिलीट किया, कॉम्पिटिशन एक्ट कर दिया, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 डिलीट किया, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 कर दिया, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, पेटेंट एक्ट 1970 में मॉडिफिकेशन हो गई, ट्रेडमार्क एक्ट 1958 डिलीट किया, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बना दिया, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत बदला, बहुत चेंज किया बिकॉज ऑफ द WTO एग्रीमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम स्टोरी, WTO एग्रीमेंट हैज बिहेवियर थ्योरी, इंडिया में MRTP एक्ट था, इट वॉज साइज थ्योरी, तो साइज थ्योरी को छोड़कर बिहेवियर थ्योरी पे आ गए, वही साइज थ्योरी का मतलब बिग साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बैड, मोनोपोली इज बैड, अब कहते हैं बिग साइज इज नॉट बैड, बैड बिहेवियर इज बैड, बिग साइज इज नॉट बैड, बैड बिहेवियर इज बैड, मोनोपोली इज नॉट बैड, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड, तो ये जो बिहेवियर थ्योरी है ये कहां से आई, WTO एग्रीमेंट से आई, और क्या क्या चीजें हैं, वेल MRTP एक्ट में कंज्यूमर शब्द की कोई डेफिनेशन नहीं थी,
तो कंज्यूमर शब्द की डेफिनेशन चोरी करते थे या उठाते थे फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अभी क्या हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट में वी हैव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इन द कॉम्पिटिशन एक्ट, एंड दिस डेफिनेशन इज वाइडर देन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. दैट सीपीए इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो अब जो डेफिनेशन है दैट इज वाइडर देन द सीपीए 1986. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जितने कंज्यूमर हैं वो सारे तो यहां पर भी कंज्यूमर हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो वहां कंज्यूमर नहीं माने जाते लेकिन यहां कंज्यूमर माने जाते हैं. मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन के टाइम पे कि क्या कहानी है, एक्सप्लेन करूंगा मैं. एमआरटीपी एक्ट में पर्सन शब्द की कोई परिभाषा नहीं थी तो सीपीए से पिक करते थे, लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट में पर्सन शब्द डिफाइंड है और फैमा जैसा ही है कुछ. फैमा में देयर वर 7 कैटेगरीज, यहां पर 10 कैटेगरीज एंड डेफिनेशन इज स्टिल इंक्लूसिव. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया एमआरटीपी एक्ट में, कहते थे शेयर्स एंड स्टॉक आर गुड्स बिफोर अलॉटमेंट ऑल्सो एंड आफ्टर अलॉटमेंट ऑल्सो. कॉम्पिटिशन एक्ट में कहते हैं दे आर गुड्स ओनली आफ्टर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट से पहले गुड्स नहीं है, जब तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं आए तब तक गुड्स कैसे माने जाए. अलॉटमेंट होगी तो वो एग्जिस्टेंस में आएंगे तभी तो गुड्स बनेंगे. ओल्ड एक्ट में कहते थे दे आर गुड्स बिफोर अलॉटमेंट एज वेल एज आफ्टर अलॉटमेंट, दैट मे बी द शेयर्स मे बी द स्टॉक. अभी आज की तारीख में दे आर गुड्स बट ओनली 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 आफ्टर अलॉटमेंट. देन सेक्शन 36 ए एक कॉन्सेप्ट होता था यूटीपी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. झूठी एडवर्टाइजमेंट्स देना इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपनी सेल बढ़ाने के लिए. उसके अलावा होर्डिंग करके रखना, जमाखोरी करना, काला बाजारी, यू अंडरस्टैंड दैट, ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, फिर प्राइस बढ़ाकर बेचेंगे. तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, झूठी बार्गेन सेल अनाउंस करना एंड ऑल दैट. तो दैट इज आई से यूटीपी. लेकिन अब कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट अब खत्म ही हो गया, तो अबॉलिश हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आज की तारीख में वो काला बाजारी करना अलाउड है. एक्चुअली क्या हुआ, यूटीपी का कॉन्सेप्ट शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो यहां से अबॉलिश कर दिया, इट इज शिफ्टेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट हो गया है. तो कॉम्पिटिशन एक्ट में यूटीपी नहीं है, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. देन वी से सेक्शन 33, और अब यहां मैं कहूंगा बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट. ये जो अभी आप पेज नंबर 7.1 पे मेहनत करके आए हो, अब ये यहां थोड़ा सा रिपीट हो रही है, अच्छे तरीके से थोड़ा सा लिखा हुआ है. ओल्ड एक्ट में सेक्शन 33 में देर वॉज अ लिस्ट ऑफ 14 रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जिनको गलत माना जाता था और जिनके लिए हम कहते थे डीम्ड है. उन 14 के लिए क्या कहते थे, डीम्ड है कि दे आर हैविंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन और रिस्ट्रिक्टिव बाय नेचर. और इन 14 के 14 केसेस में, इन 14 की 14 आरटीपीस में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर था, डिफेंडेंट के ऊपर था, कि उसको आकर प्रूफ करना पड़ता था एमआरटीपी कमीशन में कि सर कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है और कंपटीशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ रही है, नहीं हो रही है. तो 14 केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ वॉज ऑलवेज ऑन डिफेंडेंट. अभी क्या किया, वो 14 आज भी हैं लेकिन ब्रेक कर दिया. सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में 4, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में 5 और सेक्शन 4 में 5 और है. तो 4 + 5 + 5 = 14. तो 14 पहले भी थे, 14 अब भी है, लेकिन अब फॉर्मेटिंग में क्या बदल गया है, क्या चेंज हो गया है. अब कहते हैं ये जो 4 हैं ये डीम्ड हैं टू बी हैविंग द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. अभी हमने पेज नंबर 7.1 पे देखा डीम्ड है, फिर और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, डिफेंडेंट के ऊपर है कि वो आए और प्रूफ करके दिखाए कि कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है. फिर जो 5 केसेस हैं इसमें डीम्ड नहीं है, दे आर नॉट डीम्ड. तो जज साहब डीम नहीं करेंगे, दे हैव टू बी प्रूव्ड, दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, कंप्लेनेंट के ऊपर है, आए और प्रूफ करके दिखाए कि गलत काम हो रहा है, कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल टाई अप सेल्स, अगर आपको एक प्रोडक्ट लेना है तो आपको दूसरा प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा. ऊपर जहां डीम्ड है यहां पर वो एग्जाम्पल प्राइस कार्टल, यहां पर एग्जाम्पल क्या है, प्राइस कार्टल, 1 example out of 4. और नीचे जो बात हो रही थी डीम्ड नहीं है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल तो है एक्सक्लूसिव शोरूम वाला और एक एग्जाम्पल है वो प्राइस कार्टल वाला, और रादर टाई अप सेल वाला, कि एक प्रोडक्ट लिया तो दूसरा प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा. इसमें जज साहब प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, कोई आए और प्रूव करके दिखाए कि कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है. और फिर सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ
5 RTPs over there. And now when I say 5 RTPs दी गई हैं, तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं deemed है. 5 RTPs में भी deemed है कि competition के ऊपर bad effects हो रहा है. और अगर deemed है तो फिर से burden of proof किसके ऊपर है? Defendant के ऊपर है कि prove करके दिखाओ कि bad effects नहीं हो रहा है. अब ये चीज हैरानी की बात है कि जब इधर 4 में भी deemed है और इधर 5 में भी, इन पांचों में भी डीम्ड है, तो इकट्ठा ही बना देते हैं. 9 को अलग क्यों किया? कारण 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 रीजन है, रीजन है. सेक्शन 4 अभी आपने पेज नंबर 7.1 पे पढ़ा, सिर्फ डोमिनेंट एंटरप्राइजेस के लिए है. मिसयूज ऑफ डोमिनेंट एंटरप्राइज, वेल पोजीशन नहीं करना, मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं करना, सिर्फ किसके लिए है? डोमिनेंट एंटरप्राइजेस के लिए है. जबकि सेक्शन 3 छोटी एंटरप्राइजेस के लिए भी और डोमिनेंट के लिए भी है, सबके लिए. सेक्शन 3 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, बिग एंटरप्राइजेस, डोमिनेंट एंटरप्राइजेस. तो जो डोमिनेंट एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए भी है, और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जो डोमिनेंट नहीं है उनके लिए भी है. सबको मना किया हुआ है. जबकि सेक्शन 4 में जो 5 चीजें मना कर रहे हैं वो सिर्फ डोमिनेंट वालों के लिए है. अगर कोई छोटी एंटरप्राइज सेक्शन 4 वाली प्रैक्टिस करती है तो उसको गलत नहीं माना जाएगा. कोई स्मॉल एंटरप्राइज सेक्शन 4 वाली जो 5 चीजें दी गई हैं वो कर भी लेती है तो उसको गलत नहीं माना जाएगा. डोमिनेंट एंटरप्राइज अगर वो सेक्शन 4 वाली गलत हरकतें करती है तो गलत है. छोटी एंटरप्राइज अगर सेक्शन 4 में कुछ कर भी लेती है जो 5 एक्टिविटीज दी हैं तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, उसको रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा. आई होप फर्क समझ में आ रहा है, ये फर्क कहां पर है. तो सेक्शन 3 स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी है और डोमिनेंट एंटरप्राइजेस के लिए भी है. जबकि सेक्शन 4 में जो 5 चीजें दी गई हैं वो सिर्फ डोमिनेंट एंटरप्राइजेस के लिए हैं. गेटिंग दैट? लेकिन अब एक चीज समझ में आ रही है, पहले 14 के 14 केसेस में क्या होता था? बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा डिफेंडेंट के ऊपर होता. कंप्लेनेंट तो आता था, कंप्लेंट फाइल करता था, मूंगफली खाता था, चने खाता था आराम से बैठकर. डिफेंडेंट बेचारा भाग दौड़ करता रहता था अपने बचाव में कि सर मैं सही हूं और मैंने कुछ गलत नहीं किया, या कॉम्पिटिशन के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा. अब कम से कम मैं कहूंगा कोर्ट रूम के अंदर का सीन थोड़ा सा चेंज हो गया है. 5 केसेस में सारी मेहनत किसको करनी है? कंप्लेनेंट को. प्रूफ करके दिखाना है कि कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है. और इन 5 केसेस में क्या होगा, इन 5 केसेस में, कि डिफेंडेंट को अब कुछ नहीं करना. डिफेंडर आएगा और खाली हाथ आराम से बैठेगा, चने खाएगा, मूंगफली खाएगा, व्हाटएवर. एंड कंप्लेनेंट अपने आप सारे एविडेंसेस इकट्ठे कर करके लाएगा कि सर गलत इफेक्ट हो रहा है, रॉन्ग इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन हो रहा है. तो कम से कम 5 केसेस में अब डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया कि उसको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. फर्क समझ में आ रहा है ओल्ड एक्ट न्यू एक्ट में फर्क कहां पर आया? आगे बाकी सेक्शन 3 करेंगे, सेक्शन 4 करेंगे, और सेक्शन 3 एग्जाम में आता रहता है. सेक्शन 4 भी एग्जाम में आया हुआ है, सेक्शन 5 भी आया हुआ है, खैर एग्जाम में तो सारे ही आए हुए कभी ना कभी. सेक्शन 35 व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सेक्शन 35 ऑफ द ओल्ड एक्ट, सेक्शन 35 ऑफ द ओल्ड एक्ट एक बड़ा अजीब सा फनी सा प्रोविजन था. और ये कहते थे कि ऑल ओवर इंडिया अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो जिसमें आरटीपी है तो उसको कंपल्सरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा डीजीआईआर के पास. नाम क्या था? डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. तो ऑल ओवर इंडिया कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर ऐसा एग्रीमेंट करता है जिस एग्रीमेंट में आरटीपी है तो फिर आपके लिए कंपलसरी है कि आपको अपने एग्रीमेंट को डीजीआईआर के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा. कितने टाइम में? विद इन मैक्सिमम 60 डेज ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट. और अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो 60 दिन खत्म होते ही 61st day, फिर उसके बाद जेल भी है, फाइन भी है, जेल फाइन पेनल्टी. अब होता क्या था, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लोग साइन करते थे रजिस्टर, और आरटीपी वाला क्लॉज है बीच में जिससे कॉम्पिटिशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है अपने आप को बढ़ाने के लिए, दूसरों को पीछे करने के लिए. लेकिन रजिस्टर करवाने के लिए कभी कोई जाता ही नहीं था. क्यों नहीं जाता था? सबको मालूम है कि हम गलत काम कर रहे हैं, और हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें आरटीपी क्लॉज है, गलत काम कर रहे हैं. और अगर रजिस्टर करवाने के लिए जाएंगे तो रजिस्टर तो क्या करेंगे, वो हाथ पकड़कर अपने पास ही बिठा लेंगे कि बड़ी मुश्किल से तो आए हो पकड़ में, आओ बैठो, अब उठकर जाने नहीं देंगे फिर. तो इसलिए रजिस्टर करवाने के लिए कोई जाता नहीं था. चाहे लॉ में लिखा था कि 60 डेज में रजिस्टर नहीं करवाया तो जेल भी है, फाइन भी है, पेनल्टी भी है, लेकिन सबको लगता था जब पकड़ में आएंगे तब की तब देखेंगे, रजिस्टर कौन करवाए. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा गुस्सा आया कि रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन रखा है, रजिस्टर करवाने तो कोई आता नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एबॉलिश्ड.
अब गुस्से में आकर एबॉलिश ही कर दिया, मतलब एबॉलिश कर दिया। अब तो कोई आज की तारीख में कोई रजिस्टर करवाने के लिए आएगा भी ना हमारी चौकेट पे, नाक भी रगड़ेगा, माथा भी टेकेगा, रजिस्टर कर दो, तो हम नहीं करेंगे। अरे भाई अगर इतना ही गुस्सा था तो पेनल्टी बढ़ा देनी चाहिए थी, जेल बढ़ा देनी चाहिए थी, फोर्स करना चाहिए था, लेकिन अब तो कहते हैं कॉन्सेप्ट इज एबॉलिश्ड, किसी को हमारे पास आने की जरूरत, आज तक कोई आया नहीं, आगे से आने की जरूरत भी नहीं है, और नो जेल नो फाइन नो पेनल्टी अगर रजिस्टर नहीं करवाते तो। तो गुस्से में आकर वो सिस्टम ही एबॉलिश कर दिया। तो डायरेक्टर जनरल के पास जहां दो पावर्स थी, इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन, आज की तारीख में सिर्फ एक पावर है, इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट इज एबॉलिश्ड। एक चीज ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, अब आगे बढ़ते हुए मैं बोलूंगा, और वो जो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया वो भी पहले ये था कि अगर मान लो ओल्ड एक्ट में अगर हम कोई एग्रीमेंट करते थे और उस एग्रीमेंट में आरटीपी क्लॉज होता था तो पूरा एग्रीमेंट वैलिड रहता था, सिर्फ वो जो आरटीपी क्लॉज होता था वो वॉइड हो जाता था। अब 100 पेज का डीलरशिप एग्रीमेंट है या फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, तो हमारी कंपनी ने फ्रेंचाइजी अपॉइंट किया और 100 पेज का फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है जिसमें एक पैरा सिर्फ गलत है, पेज नंबर 72 पे एक पैरा गलत है, तो पहले कहते थे ओल्ड एक्ट में वो पैरा वॉइड हो जाएगा, वो एक पैरा, बाकी पूरा एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। न्यू एक्ट में कहते हैं होल एग्रीमेंट इज वॉइड, न्यू एक्ट में कहते हैं होल एग्रीमेंट इज वॉइड। तो कहने से यहां पर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए अब, और आपका वो फ्रेंचाइजी खत्म, और आपने ऑल ओवर इंडिया 200 फ्रेंचाइजी अपॉइंट किए हैं तो 200 के 200 फ्रेंचाइजी खत्म जिस दिन आप पकड़ में आ गए, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया, पूरा फुल एग्रीमेंट ही वॉइड है। और फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हो, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, नया फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन करो जिसमें वो गलत क्लॉज ना हो, पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड है। पहले कहते थे सिर्फ वो क्लॉज वॉइड है, बाकी पूरा एग्रीमेंट वैलिड है। हाँ जी, एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन था ना, सेक्शन 35 ऑफ ओल्ड एक्ट में एग्रीमेंट को की कॉपी फाइल करो डीजीआईआर के पास, जो दोनों अब प्राइस कार्टल किया कुछ भी किया तो प्राइस कार्टल बनाया, जाओ एग्रीमेंट की कॉपी उनको दो, प्राइस कार्टल बनाया तो एग्रीमेंट की कॉपी उनको देंगे, वो वहीं पकड़ कर बिठा लेंगे, प्राइस कार्टल बनाया आओ बैठो, मतलब ये 14 आरटीपीज वाले जो एग्रीमेंट थे, तो आप जाओगे मतलब वो एग्रीमेंट की कॉपी डीजीआईआर के पास फाइल करनी मैंडेटरी थी विद इन 60 डेज, और कहते थे अगर ओरल एग्रीमेंट भी बनाया ना तो उसको विद इन 60 डेज राइटिंग में कन्वर्ट करके साइन करके डीजीआईआर के पास फाइल करो अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है। कौन जाए, कोई जाता ही नहीं था कोई। नाउ देन टॉकिंग अबाउट दैट, सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑफ एमटीपी आरटीपी था पहले, अब सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑफ एमटीपी आरटीपी नहीं है, अब दोनों को यूनिफाई कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़कर क्या बना दिया, सिंगल कॉन्सेप्ट, और उसका नाम क्या रखा, एग्रीमेंट हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया। नाम क्या दिया, बस ये शब्द याद रखना, एग्रीमेंट हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ओल्ड एक्ट में प्रेडेटरी प्राइसिंग का ओल्ड कॉन्सेप्ट था, न्यू एक्ट में प्रेडेटरी प्राइसिंग का न्यू कॉन्सेप्ट आया है, और ये प्रेडेटरी प्राइसिंग अभी May 14 एग्जाम्स में आया था, May 2014 एग्जाम्स इट केम। ये पेज नंबर 7.17 पे नीचे नीचे डेफिनेशन है प्रेडेटरी प्राइसिंग, दो लाइन तीन लाइन की छोटी सी डेफिनेशन है, पेज नंबर 7.17 ऑन द बॉटम, प्रेडेटरी प्राइस। पुराना कॉन्सेप्ट क्या था मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो सुन लो, सिर्फ दो फैक्टर दिमाग में रखना है, दो फैक्टर दिमाग में रखने हैं इस डेफिनेशन के लिए, सुन लो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रेडेटरी प्राइस क्या क्या कब बोलते हैं, जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद द मैलाफाइड इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन टू एलिमिनेट द अदर कॉम्पिटिटर्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रेडेटरी प्राइस। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन with the malified intention to eliminate the competitors. तो अगर आपका cost price या cost of production per unit ज्यादा है, आपका cost of production per unit ज्यादा है और आपका selling price per unit कम है, और obviously आप market में low price पे launch कर रहे हैं, and then with the malified intention to eliminate the other competitors, it is called as predatory pricing. Simple. But, अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल देकर पूछता हूँ, अगर मान लो अभी पिछले दिनों में हमने देखा श्रीनगर के अंदर बाढ़ आई, हाँ लास्ट ईयर, उससे पहले और उससे पिछले साल सुना कि उत्तराखंड में
भी केदारनाथ बद्रीनाथ वहां पर भी वो नेचुरल कैलामिटी और लैंडस्लाइड हैवी रेन्स, और यहाँ तक कि वो जो गंगा की साइड पे जो वहां पर होटल्स बने हुए थे छोटे छोटे बहुत सारे होटल्स है वो सारे रिवर गंगा में अंदर चले गए. एंड 80,000 पीपल सम स्टक अप ऑन द माउंटेन. 80 साल का बूढ़ा भी फंसा हुआ है, 6 साल का बच्चा भी है, खुले आसमान के नीचे कोई शेल्टर नहीं है और परेशान हो रहे हैं. और पूरे नॉर्थ इंडिया से कितने लोग वहां जाकर फंसे हुए थे इन द वेरी बैड कंडीशन. और वहां उस वक्त न्यूज में सुनने में आ रहा था कि एक एक आदमी अपने फादर के लिए, वेल एक समबडी एट द एज ऑफ 60 इयर्स एंड हिज फादर एट द एज ऑफ 85 इयर्स, अपने फादर के लिए एक रोटी खरीदने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है रोटी इज वर्थ रुपीज 250 रुपीज, 250 रुपए की एक रोटी मिल रही है. चावल की प्लेट लेने के लिए जाता है तो 300 रुपीज फॉर वन प्लेट ऑफ दैट राइस. और इतनी बुरी हालत में लोग थे कि वहां डस्टबिन में हाथ डालकर जो रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे उसके अंदर गंदे से वो भी निकाल निकाल कर लोग खा रहे थे, और खुले आसमान के नीचे बैठेंगे कोई सपोर्ट आ जाएगी कहीं से, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब लोग सपोर्ट भेजेंगे. क्या हम लोगों का भी फर्ज बनता था उन दिनों में सपोर्ट भेजना? अब उस वक्त अगर अब प्रॉब्लम क्या थी कि सारा का सारा लैंडस्लाइड की वजह से बीच में रोड जो है वो एलिमिनेट हो गई, तो अब ट्रांसपोर्टेशन बिकेम इम्पॉसिबल. तो ओनली थिंग पॉसिबल वाज हेलीकॉप्टर एंड चॉपर ड्रॉपिंग वाज पॉसिबल. तो उस वक्त अगर हम बात करें कि अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, अगर ब्रिटानिया अगर उस वक्त मान लो 1 रुपी पर ब्रेड के हिसाब से वहां पर ब्रेड सप्लाई करती है उस एरिया में, 1 रुपी पर ब्रेड दे आर चार्जिंग फॉर ईच ब्रेड, 1 फुल ब्रेड ओनली फॉर 1 रुपी, या वो जो फ्रूट केक ब्रेड होती है फ्रूट ब्रेड ओनली फॉर 1 रुपी जिसका अदरवाइज सेलिंग प्राइस में भी 45 रुपीज, बट दे आर चार्जिंग ओनली 1 रुपी, इज इट प्रीडेटरी प्राइसिंग? आंसर इज नो. क्या दूसरी कंपटीशन में जो कंपनीज हैं क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि ब्रिटानिया इज सेलिंग बिलो द कॉस्ट? आंसर इज नो. क्यों? इंटेंशन क्या है? वहां जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी हेल्प करना, टू हेल्प द सफरिंग पीपल, दैट इज द इंटेंशन, नॉट टू एलिमिनेट द कंपटीशन. बाकी पूरे इंडिया में प्राइस इज नॉर्मल, सिर्फ उस प्राइस उस एरिया के लिए प्राइस बिकम्स 1 रुपी पर ब्रेड. सो आई विल से, और अगर हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है तो बात ही खत्म हो गई. अगर उस वक्त ब्रिटानिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रेड सप्लाई करती है एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर ब्रेड टू ड्रॉप इट इन उत्तरकाशी, इन उत्तराखंड, तो भी नहीं है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाकर फ्री ड्रॉप कर रही है, फ्री ड्रॉपिंग, बट गवर्नमेंट ऑफ वेल ब्रिटानिया इज सप्लाइंग द ब्रेड 1 रुपी पर ब्रेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट टू कीप द अकाउंट. अकाउंट होता है ना कि चलो 1 रुपया जितने रुपए आए मतलब उतनी ब्रेड गई, जस्ट टू कीप और मेंटेन द अकाउंट की हमने कितना सप्लाई किया. तो उसको हम प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं कहेंगे. तो सेलिंग बिलो द कॉस्ट एवरी टाइम इज नॉट प्रीडेटरी प्राइसिंग. सेलिंग बिलो द कॉस्ट विद द मैलाफाइड इंटेंशन टू एलिमिनेट द अदर कॉम्पिटिटर्स इज प्रीडेटरी प्राइसिंग. और जब दूसरे कॉम्पिटिटर एलिमिनेट हो गए सारे और हमारा मार्केट शेयर 100% हो गया, फिर से प्राइस बढ़ा दो, दिस इज प्रीडेटरी प्राइसिंग. आई एम गेटिंग दैट. तो प्राइस, हाँ जी, फ्लिपकार्ट के ऊपर जो सिंगल डे, हाँ, वन सिंगल डे सेल इज 600 करोड़ ऑन वन सिंगल डे. ना क्या आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट कंपनी पहले महंगे में परचेज करती है प्रोडक्ट और फिर सस्ते में देती है, ऐसा लगता है आपको? यार पर्दे के पीछे ना बहुत कुछ हो रहा है जो आपको नहीं पता है. पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है. और एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एलिमिनेट कर देना यार रिकॉर्डिंग में से, यहाँ बताने के लिए बता देता हूँ, यहाँ क्लासरूम के अंदर बैठे हैं. तो आई विल से, एक छोटी सी चीज है, एक शॉपकीपर है करोल बाग में, ठीक है, जिसका शोरूम है इलेक्ट्रिकल गुड्स का शोरूम है. अब उसके पास क्या है, आज तक ब्लैक मनी बहुत एक्यूमुलेट हो गया उसके पास, कैश सेल्स में कैश बहुत एक्यूमुलेट हो गया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया उसने. घर में नोटों के बोरे भर कर रखे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा उस ब्लैक को व्हाइट कैसे करें. तो फ्लिपकार्ट से पहले से बातचीत कर ली ऑलरेडी कि भाई आपको वन डे सेल अनाउंस करनी है और इतना प्रोडक्ट तो मैं उठाऊंगा उस दिन, मतलब वन सिंगल डे आई विल बाय वर्थ समथिंग रुपीज 2 करोड़, 2 करोड़ का सामान मैं उठाऊंगा गोडाउन में रखने के लिए. और लेकिन ऑन पेपर मैं आपको 10 लाख पे करूंगा, 1 करोड़ 90 लाख मैं आपको एक दिन पहले दे जाऊंगा कैश. जिस दिन सेल अनाउंस हो रही है उससे एक दिन पहले 1 करोड़ 90 लाख कैश दे जाऊंगा, और जिस दिन सेल अनाउंस होगी उस दिन मेरे ऑर्डर सारे के सारे एक्सेप्ट होंगे, बाकी तो सिस्टम हैंग हो जाएगा दुनिया के लिए.
मेरे सारे ऑर्डर एक्सेप्ट होते रहेंगे, और उसके बाद वो 10 लाख का मैंने जो सामान उठाया आपसे वो ऑन ऑन द फेस ऑफ इट 10 लाख का उठाया, लेकिन 1 करोड़ 90 लाख रुपए में आपको पहले कैश पहुंचा गया, तो 2 करोड़ का सामान 2 करोड़ में ही उठा रहा हूं, ठीक है। अब वो जो 2 करोड़ का सामान 2 करोड़ में उठा लिया, फाइनली व्हाट हैपेंस, उसको अपने शोरूम में ले जाकर अब उसको प्रॉपर बिल के साथ बेचता हूं। और अगर वो 2 करोड़ का सामान अपने शोरूम में, अगर मान लो 2 करोड़ के बिल के साथ बेच रहा हूं या उसमें 2 पैसे ऐड करके या 4 पैसे ऐड करके अगर प्रॉपर बिलिंग के साथ बेच रहा हूं, तो नाउ द मनी बिकम्स व्हाइट मनी, आई हैव टू पे टैक्सेस, आई विल पे टैक्सेस। बुक्स में क्या दिखा रहा हूं, 10 लाख का सामान उठाया 2 करोड़ का बेचा, फ्लिपकार्ट का बिल लगा हुआ है, ठीक है, 10 लाख में उठाया, अब तो मैं बायर हूं, अब तो मैं शोरूम ओनर हूं, मैं बायर हूं, व्हाटएवर नाउ, बट वंस आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स, वंस आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स, अब मैं शोरूम में, अब मैं कितने का भी बेचूं, प्राइस टैग लगाकर, सेल लगाकर, क्रॉस लगाकर, कितने का भी बेचूं, अब तो मेरी गुड्स हो गई ना। मैं आप दिखा क्या रहा हूं, ये गुड्स मैंने कितने की खरीदी, 10 लाख की, अपनी बुक्स में क्या दिखा रहा हूं, 10 लाख की खरीदी, बेची कितने की, 2 करोड़ की, 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ 90 लाख की बेची, 1 करोड़ 80 लाख की बेची, वट एवर, बट नाउ द पॉइंट इज की ब्लैक बिकम्स व्हाइट। और फ्लिपकार्ट को वो 1 करोड़ 90 लाख रुपए किस लिए चाहिए थे, कहीं लैंड परचेज करनी है, गोडाउन बनानी है, वेयर हाउस बनाना है, लैंड की उनकी भी डील हुई पड़ी है कहीं किसी विलेज के अंदर, ऑलरेडी डील हुई है जहां पर उनको पेमेंट पहुंचानी है, जिस दिन सेल अनाउंस हो रही है उससे 1 दिन पहले पेमेंट पहुंच गई उस विलेज के अंदर, उस विलेजर के पास जिसकी लैंड उठा रहे हैं, पेमेंट ऑलरेडी पहुंच गई, और पैसा तो कहां से कहां चला गया पता ही नहीं, कहां से कहां पहुंचा, और पहले ही वो सेल जिस दिन हुई उससे पहले पहले सारी कहानी 1 दिन पहले खत्म हो चुकी, और लैंड ओनर तक पैसा 1 दिन पहले पहुंच गया। फ्लिपकार्ट भी अपने पास थोड़े ना रखकर बैठेगा इतना कैश, मुसीबत हो जाएगी, अपने पास रखकर बैठेंगे, तो ऑब्वियसली वो 1 दिन का तमाशा दिखाया, बाद में जब तक लोगों की समझ में आया कि हुआ क्या, जब तक अथॉरिटीज की समझ में आया तब तक तो लैंड अपनी हो गई, पेमेंट चली गई। और फ्लिपकार्ट भी वो जो लैंड परचेज कर रही है तो क्या दिखा रहे हैं, 10 लाख की लैंड परचेज की, जबकि एक्चुअल 2 करोड़ की पेमेंट गई है, ऑन पेपर क्या दिखा रहे हैं कि लैंड हमने 10 लाख की परचेज की, जबकि एक्चुअली लैंड ओनर को पेमेंट 2 करोड़ दी है या 1.5 करोड़ दी, जो भी दी, व्हाटएवर, लैंड हो गई, गोडाउंस हो गए, नेटवर्क बन गया ना, वेयर हाउसेस बन गए ऑल ओवर इंडिया। तो आपको जो सामने 1 रुपया दिखता है उस 1 रुपए के पीछे 99 रुपीज कुछ और हो रहा है, समथिंग एल्स हैपनिंग। तो अभी आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों की तरह देखते हो उसको, ओहो फ्लिपकार्ट, जब पीछे इंडियन इकॉनमी हिल रही होती है पूरी की पूरी, और इंडियन इकॉनमी में पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है उसके पीछे। तो इफ यू विल बिहेव लाइक कंज्यूमर, यू आर अ स्मॉल कंज्यूमर, इफ यू विल बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, तो वो देखने का तरीका, नजरिया बदल जाएगा चीजों को कि क्या हो रहा है। आज की तारीख में एक इंश्योरेंस एजेंट, आई टेल यू वन थिंग, लाला जी हैं दुकान है, लाला जी हैं दुकान है, और बहुत सारा ब्लैक मनी कमा कमा कर रखा हुआ है, व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करें समझ में नहीं आ रहा, तो वाइफ को इंश्योरेंस एजेंट बना दिया। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, वैसे आप बिगड़ जाओगे, रहने दो, छोड़ो, अभी ये पढ़ लो, प्रेडेटरी प्राइसिंग समझ में आ गया, और रहने दो यार, रहने दो, वो फिर चैप्टर से दूर चले जाएंगे, सुधरे हुए कब थे वो, तो पहले दिन से तुमने अपने वो सारे वो हाथ पैर दिखा दिए थे फ्रॉम डे वन। अच्छा तो लाला जी जो है चांदनी चौक में, चावड़ी बाजार में, कहीं भी दुकान है, कैश एक्यूमुलेशन बहुत है उनके पास, अब उसको ब्लैक को व्हाइट करना है, समझ में नहीं आता कैसे करें, तो वाइफ को इंश्योरेंस एजेंट बना दिया। अब जब वाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गई है तो अब हर जगह नाउ ऑब्वियसली लाला जी के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सबको बोल रहे हैं कि हमसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा लो, जितनी करवा रखी है वो कम है और करवा लो, अगर आपने पहले से भी इंश्योर्ड हो और करवा लो। फर्स्ट ईयर का जब प्रीमियम आता है 40% 30%, जितना भी इंश्योरेंस एजेंट का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, 30% 35%, तो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट प्रीमियम आता है उसमें से इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को 35% देती है। अब जो 35% इंश्योरेंस एजेंट को मिलता है वो, अब लाला जी अपने कस्टमर को क्या बोलते हैं, अगर आप हमारे थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी करवाओगे तो फर्स्ट ईयर के प्रीमियम में जितनी मेरी कमीशन है एज एजेंट 35%, आपने 50,000 का, आपने 1 लाख का चेक दिया प्रीमियम का, उसमें से 35,000 रुपए मेरी एज इंश्योरेंस एजेंट कमीशन है, 35,000 रुपए व्हाइट मनी गया वाइफ के अकाउंट में, इधर से लालाजी के पास जो 35,000 रुपए कैश पड़ा है वो दे दिया उस कस्टमर को कि मैं पहले साल की आपको
जो भी कमीशन है वो वापस देता हूँ। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 20 साल की पॉलिसी है, 20 ईयर पॉलिसी, तो आगे से तो जितनी कमीशन है सारी मेरी वाइट मनी इनकम है, लेकिन फर्स्ट ईयर की कमीशन मैं आपको 100% कैश में रिफंड कर देता हूँ। लाला जी का ब्लैक मनी उठ के चला गया, यूज हो गया, सर्कुलेट हो गया, और उधर बैंक अकाउंट में 35,000 रुपीज वाइट मनी आ गया। टैक्स पे करना है, कर देंगे, लेकिन वाइट मनी तो क्रिएट हो रहा है। रहने तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, मत बुलवाओ बहुत कुछ। मेरी तो सारी कंपनी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत कुछ बाहर निकल आएगा, अच्छी बात नहीं है, फिर मेरे क्लाइंट्स के लिए भी अच्छी बात नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, अभी इधर आ जाओ, नेक्स्ट वन। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर छोड़कर कहीं और किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल, एक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द PSUs, एक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द PSUs एज वेल एज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, एक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द PSUs एज वेल एज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, बट द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सोवरीन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंटल कैरेक्टर। नाउ व्हेन आई से द एक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द PSUs as well as private entrepreneur, इसका मतलब समझते हैं। PSU का मतलब public sector undertakings, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Jet Airways अगर कोई गलत काम करता है तो वो भी गलत है, और अगर Air India अगर कोई गलत काम करती है तो वो भी गलत है। अगर Competition Commission of India Jet Airways के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकता है, तो Competition Commission of India Air India के अगेंस्ट भी ऑर्डर पास कर सकता है। अगर एयरटेल वोडाफोन कुछ गलत करते हैं तो वो भी गलत है, और अगर MTNL BSNL और MTNL कुछ गलत करते हैं तो वो भी गलत है, और अगर ऑर्डर अगर वोडाफोन और एयरटेल के अगेंस्ट पास हो सकता है तो ऑर्डर फिर MTNL और BSNL के अगेंस्ट भी पास हो सकता है। तो एक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द PSUs एज वेल एज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, बट द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सोवरीन फंक्शन। अब सोवरीन फंक्शन बोले तो फॉर एग्जाम्पल पुलिस, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, फॉर एग्जाम्पल आर्मी नेवी एयर फोर्स, फॉर एग्जाम्पल स्पेस रिसर्च, मंगलयान, इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO, ऑल दैट। तो ये सब कुछ क्या है? सोवरीन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंटल कैरेक्टर, जिसमें CCI इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये बात सच है, अगर करेंसी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें गवर्नमेंट मोनोपोली होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फ्री कॉम्पिटिशन अलाउ कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हर कोई अपने घर में बैठकर करेंसी नोट छाप रहा होगा, और महात्मा गांधी की फोटो हटाकर महात्मा गांधी की फोटो की जगह अपनी फोटो लगा रहा होगा, तो पता ही नहीं चलेगा मेरा सिक्का चल रहा है, मेरा सिक्का चल रहा है, पता नहीं चलेगा फिर देश का सिक्का कौन सा है, हर कोई अपना सिक्का चला रहा है। और पुलिस डिपार्टमेंट भी है तो वो स्टेट मोनोपोली होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फ्री कॉम्पिटिशन दे दिया पुलिस डिपार्टमेंट में, हर कोई अपने घर में पुलिस खेल रहा है फिर, और फिर क्या है, पापा इंस्पेक्टर हैं, मम्मी सब इंस्पेक्टर हैं, दोनों बच्चे ठुल्ले हैं, हवलदार हैं, जो भी है, डंडा लेकर खड़े हैं, और फिर अड़ोसी, हर किसी की अपनी पुलिस यूनिफॉर्म अलग है, पड़ोसी के साथ छत पे बैठे हो ऊपर पुलिस खेल रहे हैं, तुम्हारी पुलिस में 4 लोग, हमारी पुलिस में 5, चलो जो भी है। तो ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोवरीन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो गवर्नमेंटल मोनोपोली होनी भी चाहिए और उसमें CCI इंटरफेयर नहीं करेगा। अदरवाइज मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दो प्रकार के हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सोवरीन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सोवरीन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो सोवरीन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो इस एक्ट में कवर्ड नहीं है, और जो सोवरीन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो इस एक्ट में कवर्ड हैं। और ओल्ड MRTP एक्ट और न्यू कॉम्पिटिशन एक्ट द कॉन्सेप्ट इज सेम, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है। तो ये डिफरेंस टेबल में पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, ये पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है, तो दोनों में ये कॉन्सेप्ट सेम है। और अभी रीसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कोल इंडिया लिमिटेड को एक जबरदस्त फाइन का थप्पड़ लगाया CCI ने। कोल इंडिया लिमिटेड ने पिछले 8 साल में कोल प्राइसेस इंक्रीज किए, और कोल प्राइसेस इंक्रीज करने से क्या हुआ, NTPC को जो कोल मिल रहा था उसकी जब प्राइस बढ़ जाएगा तो जो प्रोडक्शन कहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और NTPC वही इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में BSES यमुना पावर को या BSES राजधानी को या फिर टाटा पावर को सप्लाई करती है। और ये जो दिल्ली में BSES यमुना पावर है या टाटा पावर है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं नहीं, पीछे से जो बनी बनाई मिलती है NTPC से या पावर ग्रिड से उसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बीच में अपना कमीशन या प्रॉफिट मार्जिन बीच में अपना रखते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उधर कोल इंडिया लिमिटेड ने पिछले 8 साल से क्या किया हुआ था,
उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ द कोल इंक्रीज करते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया में मोनोपोली है. अब जब कोल इंडिया लिमिटेड अब सेलिंग प्राइस ऑफ कोल इंक्रीज करती जा रही है और 95% ऑफ कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ओनली 5% आर दैट यू कैन से अदर प्राइवेट कोल माइन ओनर्स और व्हाटएवर. 95% ऑफ कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय कोल इंडिया. और उस वक्त अगर वो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं 8 साल में, तो अल्टीमेटली एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी अपना प्राइस पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं. जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोल इंडिया की बात कर रहा हूं, कोल इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है. तो अल्टीमेटली उसका बर्डन घूम फिर कर किसके ऊपर आएगा? एनटीपीसी पावर ग्रिड पे बर्डन आया, उन्होंने पास ऑन कर दिया बीएसईएस यमुना पावर बीएसईएस राजधानी के ऊपर और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स. दिल्ली में अपना खुद का कोई प्रोडक्शन तो है नहीं, बाहर से ही आ रहा है सारा, पावर ग्रिड से आ रहा है, एनटीपीसी से आ रहा है. तो अल्टीमेटली दिल्ली में वो जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी रेट्स ऊपर हुए, उसके पीछे जो मेन कल्प्रिट है, जो कहते हैं जड़ है, जो जड़ है वो है कोल इंडिया. कंप्लेंट फाइल हुई और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कुछ 1000 करोड़ का फाइन उनके ऊपर लगाया गया. मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है मुझे, लेकिन कुछ 1000 करोड़ का फाइन कोल इंडिया के ऊपर लगाया गया. और जब वो फाइन लगाया गया तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो फाइन चार्ज किया. लेकिन अब मुझे दुख की बात ये लग रही है यार, अब अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी फाइन चार्ज कर लिया है तो घूम फिर कर जाएगा तो सरकारी खजाने में. कोल इंडिया लिमिटेड भी डिविडेंड डिक्लेयर करती तो कहां जाएगा? शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कोल इंडिया लिमिटेड में भी मेजॉरिटी स्टेक, मोर देन 90% स्टेक इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इधर से भी कहां गया पैसा? सरकारी खजाने में. तो उधर से भी सरकारी खजाने में, इधर से भी सरकारी खजाने में. जिस कंज्यूमर ने हायर इलेक्ट्रिसिटी रेट पे किया उसको तो कोई फायदा हुआ नहीं. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि और अच्छा होता कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसी जजमेंट देता कि दिल्ली में 1 साल तक सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री. मतलब सीसीआई को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि हमने 8 साल से हाई प्राइसेस पे किए हैं, 8 साल हो गए हमें हाई प्राइसेस पे करते हुए, तो 1 साल तो फ्री कर दो कम से कम. और मिसयूज होने लगेगा पता नहीं, जो भी है उसके लिए लॉ बना दो कि रात को आपको इतने बजे के बाद लाइट नहीं चलानी या आपके घर में अगर एक से ज्यादा एसी है तो हम सारे एसी उतार के ले जा रहे हैं, एक एसी आपके घर में छोड़ेंगे बस. Whatever, but now the point is कि मतलब अल्टीमेटली जिस कंज्यूमर ने हाई प्राइस पे किया उसको तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं. 20% ही ऑफ दे दो, मतलब मंथली बिल में सबको 20% ऑफ कर दो, 1 साल तक सबका मंथली बिल में 20% ऑफ, कुछ तो वापस मिले ना. ओल्ड कॉन्सेप्ट हुआ करते थे डोमिनेंट और इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स, नाउ वी हैव द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमिनेंट एंड इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स. कुछ कॉन्सेप्ट पहले थे ही नहीं, कॉम्बिनेशन वगैरह, और अब वो नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं. कॉम्बिनेशन है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट है, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट है. आगे इस चैप्टर में डेफिनेशन पार्ट में देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं. तो ये कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं हुआ करते थे. और फाइनली पेज नंबर 7.4 पे, द लास्ट थिंग आई लाइक टू से, पेज नंबर 7.4 इज नॉट फॉर सिलेबस, नॉट फॉर एग्जाम, लेकिन सिर्फ दो लाइनों में सुन लो, पढ़ना नहीं है और एग्जाम के लिए भी नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ. मैंने कहीं वेबसाइट पे देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे, तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आई केप्ट इन योर नोट्स आल्सो. नहीं तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट नहीं है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये कॉन्सेप्ट है भी नहीं. यहाँ पर एक बेसिक फंडा है और वो ये है कि जब कॉम्पिटिशन एक्ट लिखा गया तो एक्ट बाद में लिखा गया, उसकी फिलॉसफी पहले लिखी गई. और एक होती है एक्ट की फिलॉसफी और एक होती है हर सेक्शन की फिलॉसफी. सेक्शन 3 लिखने से पहले सेक्शन 3 की फिलॉसफी, ये जो सेक्शन लिखेंगे उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा और क्या गलत काम हो रहा है जो रुक जाएगा. सेक्शन 4 लिखा तो उसमें भी पहले सोचा कि सेक्शन 4 लिखने से सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा और कौन से गलत काम रुकेंगे. तो हर सेक्शन को लिखने से पहले, एक होता है पूरे एक्ट की एक फिलॉसफी है, एक होता है हर सेक्शन की एक फिलॉसफी है. तो लॉ मेकर ने जब एक एक सेक्शन लिखा तो हर सेक्शन को लिखने से पहले उसकी फिलॉसफी लिखी, फिर वो सेक्शन लिखा. और सिर्फ कंपटीशन एक्ट में ऐसा नहीं होता, अब जीएसटी बन रहा है, जीएसटी में भी क्या कोई फिलॉसफी होगी? जीएसटी क्यों बना रहे हैं जब ऑलरेडी हमारे पास सारे एक्ट्स हैं, तो फिर जीएसटी की क्या जरूरत है? तो क्या जीएसटी भी जब लिखा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लिख रही है, तो क्या एक एक सेक्शन लिखने से पहले हर सेक्शन की फिलॉसफी लिखते होंगे?
एक है पूरे एक्ट की फिलॉसफी और एक है हर सेक्शन की अपनी इंडिविजुअल फिलॉसफी। तो लॉ मेकर जब भी लॉ लिखता है, ये बात सच है कि हर सेक्शन को लिखने से पहले उसकी फिलॉसफी पहले लिखते हैं और फिर उसका उसके बेस पे सेक्शन लिखा जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। और मतलब कहना चाहिए इट इज अ प्री कंडीशन एक्ट को लिखने से पहले, इट इज अ प्री कंडीशन टू हैव अ फिलॉसफी, क्योंकि बिना फिलॉसफी के कभी कोई एक्ट नहीं लिखा जा सकता, चाहे वो कॉम्पिटिशन एक्ट हो, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी एक्ट हो, सिर्फ इंडिया नहीं मैं कहूंगा इस दुनिया का कोई भी एक्ट हो, तो पहले हमेशा एक्ट को लिखने से पहले उसकी फिलॉसफी बनाता है लॉ मेकर, फिर उस फिलॉसफी के बेसिस पे एक्ट बनाता है। तो हैविंग अ फिलॉसफी इज अ प्री कंडीशन बिफोर राइटिंग द एक्ट। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर लॉ मेकर सिर्फ फिलॉसफी लिखकर छोड़ देता है और उसके बेसिस पे एक्ट नहीं बनाता, तो वो फिलॉसफी इज ऑफ नो यूज, फिर आप उसको डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि जब तक उसको आप एनफोर्स नहीं करोगे एक्ट बनाकर, स्टैट्यूट बनाकर, तब तक उस फिलॉसफी को कोई मानेगा नहीं। तो अगर आपको फिलॉसफी को एनफोर्स करना है तो उसके लिए एक्ट चाहिए। तो दो चीजें साथ साथ चलती हैं, फिलॉसफी और एक्ट, फिलॉसफी को एनफोर्स करने के लिए एक्ट। तो एक्ट लिखने से पहले फिलॉसफी लिखना इज अ प्री कंडीशन, और फिलॉसफी लिखने के बाद एक्ट लिखना इज अ कंपल्सरी कंडीशन, देन ओनली द फिलॉसफी कैन बी इंप्लीमेंटेड, अदरवाइज द फिलॉसफी कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। सेम थिंग हैपेंड इन द कॉम्पिटिशन एक्ट एंड सेम थिंग हैपेंस विद एवरी न्यू एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट 2013 भी लिखा था, उसमें कुछ ना कुछ फिलॉसफी लिखी होगी कि हम जेल बढ़ा रहे हैं, हम इंप्रिजनमेंट बढ़ा रहे हैं, फाइन बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े स्कैम्स इंडिया में हो चुके थे, या ओपीसी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो क्यों ला रहे हैं? तो क्या हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ पहले फिलॉसफी तैयार की होगी? ऑब्वियसली। तो पेज नंबर 7.4 पर आकर एक चीज बोलूंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर, और पेज नंबर 7.5 से पार्ट टू ऑफ द चैप्टर डेफिनेशन पार्ट। पेज नंबर 7.5 को कहूंगा पार्ट टू ऑफ द चैप्टर इज डेफिनेशन पार्ट, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक ले रहा हूं आपको बता रहा हूं, चैप्टर को चार पार्ट्स में तोड़कर पढ़ना, और जब रिवीजन के लिए बैठोगे तो भी चार पार्ट्स में डिवाइड करके रिवाइज करना। तो फर्स्ट पार्ट इंट्रो, पेज नंबर 7.1-3.4, सेकंड पार्ट डेफिनेशन, पेज नंबर 7.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पेज नंबर 11 तक जा रहा है, और पेज नंबर 12 को कहूंगा पार्ट थ्री ऑफ द चैप्टर, जिसमें आपको चार मेन सेक्शन करने हैं। कौन से चार मेन सेक्शन करने हैं? सेक्शन 3, 4, 5, 6। तो ये पार्ट थ्री ऑफ द चैप्टर है। तो पहले जो चार पेज हैं वो पार्ट वन है, इंट्रोडक्शन, जो अब आपने खत्म कर लिया। पेज नंबर 5-11 इज डेफिनेशन पार्ट, एंड पेज नंबर 12 ऑनवर्ड्स, पेज नंबर 12 से सेक्शन 3, 4, 5, 6 जहां तक जा रहा है वो आपका फिर दैट इज थर्ड पार्ट, और सेक्शन 7 जहां आएगा वो आपका फोर्थ पार्ट है, सेक्शन 7। पेज नंबर 7.24 ये है पार्ट फोर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, पेज नंबर 7.24 एंड दिस इज पार्ट फोर ऑफ द चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, एडमिन पार्ट और द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। तो चैप्टर को चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, कंपलसरी है। आई एम गेटिंग दैट, दैट इज हाउ द थिंग्स आर। और अभी मैं कहूंगा एक पार्ट कंप्लीट हो गया एंड द सेकेंड पार्ट इज नाउ डेफिनेशन पार्ट। छोटा ब्रेक लेते हैं।
हाँ जी शुरू करें। पेज नंबर 7.5 द डेफिनेशन ऑफ चेयरपर्सन टू स्टार्ट विथ। सबसे पहले द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। और चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई कौन? ऑनरेबल जज मिस्टर अशोक चावला। एग्जाम में लिख नहीं आना लेकिन चेयरपर्सन मींस अ चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई अपॉइंटेड इन द सेक्शन 8। एंड देन वी से उसके अलावा चेयरपर्सन के अलावा और कौन कौन है यहाँ पर? डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल मींस द डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एंड इंक्लूड्स उसके नीचे जो नीचे है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर दैट सेक्शन सेक्शन 16। तो डायरेक्टर जनरल अकेला नहीं है, उसके साथ चार और भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, चार डायरेक्टर और भी हैं। देन वी से मेंबर कौन? मेंबर मींस अ मेंबर ऑफ सीसीआई, मेंबर मींस अ मेंबर ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, या सिंपली मैं कहूंगा अदर जजेस ऑफ सीसीआई। चेयरपर्सन के अलावा जो आज की तारीख में चार जज और हैं, वो चार जज जो हैं दे आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ सीसीआई। फिर पर्सन की डेफिनेशन है। अब पर्सन में मैं कहूंगा बहुत सारे पर्सन है। पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? दोनों। सो पर्सन इंक्लूड्स सबसे पहले कौन है पर्सन? एन इंडिविजुअल। फिर कौन है? अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। फिर कौन है? अ कंपनी। देन पार्टनरशिप फर्म AOP BOI। देन वी से कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द सेंट्रल एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एक्ट मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मे बी प्रोविंशियल एक्ट जो आजादी से पहले बनते थे जब इंडिया प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो हो सकता है उस जमाने का कोई आज भी एक्ट चला आ रहा हो एंड अकॉर्डिंगली। देन वी आर सेइंग आल्सो इंक्लूड्स अ गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 617 के बजाय आज कहूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां आपको चेंज करना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपको मालूम है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच 51% paid up capital is held either by CG or by SG, partly by CG, partly by SG, whatever. Then we say, point number 7, a body corporate incorporated outside India. But body corporate incorporated outside India and doing the business in India, agar wo India mein business kar rahi hai, to kya unka Indian business CCI ke control mein hai? तो एक फॉरेन कंपनी इज डूइंग द बिजनेस इन इंडिया, तो उनका जो इंडियन बिजनेस है वो तो सीसीआई के कंट्रोल में है। जो उनका जो फॉरेन कंट्री में बिजनेस चल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडियन बिजनेस तो हमारे कंट्रोल में है। अगर गूगल या फेसबुक इंडिया में कुछ गलत ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं तो क्या सीसीआई उनके ऊपर भी कॉम्पनसेशन का ऑर्डर दे सकता है या फाइन का ऑर्डर दे सकता है? आंसर इज यस। तो चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, अगर इंडिया में आकर कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं तो सीसीआई हैज द पावर, सीसीआई गूगल के ऊपर भी फाइन इम्पोज कर सकता है। देन वी से कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, लोकल अथॉरिटी इंक्लूडिंग द दिल्ली जल बोर्ड और NDMC और MCD व्हाटएवर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, PWD दैट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो भी है, तो वो भी इस एक्ट में कवर्ड हैं अगर वो कहीं कोई गलत प्रैक्टिस करते हैं। सोवरीन फंक्शन कर रहे हैं तो एक्ट में कवर्ड नहीं है, लेकिन सोवरीन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन कर रहे हैं तो एक्ट में कवर्ड है। अगर ये लोग भी कोई टॉल रोड बनाकर अगर ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें मिस यूज ऑफ मोनोपोली टाइप कर रहे हैं तो वेल ऑब्वियसली सीसीआई में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और सुनने में आता है कि कभी पहले किसी रोड पे टॉल था, अब टॉल हट गया है, तो जब दिल्ली गुड़गांव ट्रेवल करते थे पहले तो टॉल देते थे, अब दिल्ली गुड़गांव ट्रेवल करने के लिए अब टॉल नहीं देना पड़ता। तो क्या सीसीआई भी ऑर्डर पास करके वो टॉल हटवा सकता है? या आपने बहुत कमा लिया, रोड की जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी उससे 10 गुना निकाल लिया आपने और कितना टॉल कमाओगे? एंड नाउ द रोड इज फ्री रोड फॉर भारत की आम जनता। एवरी आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन, इसमें कहूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इज आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन।
ICSI, ICWAI, IIMs Ahmedabad, IIMs Bangalore, Bar Council of India, University of Delhi, all the universities all over India, IGNU, Artificial Judicial Person. तो सारे हैं और कहीं भी कोई भी गड़बड़ दिखती है तो CCI सबको कंट्रोल कर सकता है. पूरे एक्ट में कहीं प्रिस्क्राइब वर्ड आता है तो प्रिस्क्राइब का एक ही मतलब है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, रूल्स मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. लेकिन ये रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्ट है, लेकिन एक्ट के पीछे छुपे हुए रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है. CCI की वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, www.cci.gov.in, अगर रूल्स देखने हैं. तो आपको जो मिल रही है वो आधी नॉलेज है, तो रूल्स आपको नहीं पढ़ने हैं, रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है. हैप्पी और सैड, अगर लगता है वर्कलोड कम हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा जो नॉलेज मिल रही है सेक्शन 3, 4, 5, 6 की वो अधूरी नॉलेज है. एक्ट वाली नॉलेज है, उसके पीछे छुपी हुई जो रूल्स वाली नॉलेज है वो नहीं है. बाकी अगर आपको लगता है जब प्रैक्टिस में पहुंचेंगे प्रोफेशनल लाइफ में तब पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है. इन दैट केस मुझे कई बार लगता है नंबर ऑफ चैप्टर्स कम करके ना चैप्टर्स की डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए. चैप्टर इतने सारे कर दिए, एक्ट इतने सारे कर दिए और डेप्थ जो है वो कम कम कर दी है. फेमा पढ़ो आधा अधूरा, कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ो आधा अधूरा, एवरीथिंग इज मतलब टच किया छोड़ दिया, टच किया छोड़ दिया. और किसी भी चीज में जो मतलब दो चैप्टर रखो लेकिन फुल डेप्थ में हो, सिर्फ दो एक्ट हो या तीन एक्ट हो लेकिन प्रॉपर डेप्थ में होगी, प्रॉपर अच्छे से पता तो होगी हाँ हमने फुल डिटेल में पढ़ लिया. नौ मतलब एक तरफ वो डायरेक्टर पढ़ते हैं तो एक एक लाइन एक एक कॉमा एनालाइज कर रहे हैं, रूल्स एनालाइज कर रहे हैं, पढ़कर लगता तो है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर पाएंगे, देन वी हैव दैट कॉन्फिडेंस. तो पढ़ने का मजा आता है. अभी क्या है हर एक्ट थोड़ा थोड़ा देखते जाओ. तो वही लगता है सिलेबस में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि नंबर ऑफ एक्ट्स कम हो जाए, नंबर ऑफ चैप्टर कम हो जाए और डेप्थ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए. खैर एनी हाउस अब सिलेबस तो हमारे हाथ में नहीं है, जो है वही करना है. एक्विजिशन मीन्स डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर, या तो एक्वायर कर चुके या एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया, एग्रीमेंट टू एक्वायर. पांच चीजें हैं नीचे जो आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 दिख रहे हैं ना, इसको 2 पॉइंट मत मानना, इसको 5 पॉइंट मानना. क्या एक्वायर कर रहे हैं? नंबर 1 शेयर्स, नंबर 2 वोटिंग राइट्स, नंबर 3 एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज, नंबर 4 कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, नंबर 5 कंट्रोल ओवर एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज. ये जो एनी एंटरप्राइज है इसको मैं कहूंगा टारगेट कंपनी, इसको मैं अपने शब्दों में नाम दे रहा हूं. क्या नाम दे रहा हूं? टारगेट कंपनी. जहां पर भी लिखा ना एनी एंटरप्राइज टारगेट कंपनी, पॉइंट 1 में भी और पॉइंट 2 में भी एनी एंटरप्राइज इज टारगेट कंपनी. एक्विजिशन करने वाला जो व्यक्ति है उसको मैं नाम दे रहा हूं एक्वायरर, और वो एक्वायरर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो एक्वायरर कोई कंपनी भी हो सकती है. सिंपल वर्ड्स में सन फार्मा इज एक्वायरर कंपनी एंड रेनबैक्सी इज टारगेट कंपनी एंड सन फार्मा इज एक्वायरिंग 75% शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स ऑफ सन फार्मा, सॉरी दिस रेनबैक्सी. तो सन फार्मा इज एक्वायरिंग 75% शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स ऑफ रेनबैक्सी. तो वो एक्विजिशन है, टेक ओवर है. एक्विजिशन को दूसरे शब्दों में कहूंगा टेक ओवर, एक्विजिशन को ही दूसरे शब्दों में कहूंगा टेक ओवर. और इसके लिए जो सेक्शन आ गया आप फुल डिटेल में पढ़ोगे, सेक्शन 5, जिसमें हम कह रहे थे ना कि छोटा टेक ओवर नहीं बड़ा टेक ओवर. और दोनों कंपनीज की एसेट्स मिलाकर कितनी होनी चाहिए? 1500 करोड़ से ज्यादा, एग्जैक्ट 1500 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ से ज्यादा. या फिर दोनों कंपनीज की टर्नओवर मिलाकर कितनी होनी चाहिए? 4500 करोड़ से ज्यादा. सो दैट इज देयर. देन टॉकिंग अबाउट दैट, वेल आई विल से तो सेक्शन 5 व्हेन आई टॉक अबाउट दिस. एंड देन तो बस इतना याद रखना कि एक्वायरर जो है वो टारगेट कंपनी में क्या क्या एक्वायर कर रहा है. नंबर 1 शेयर्स, नंबर 2 वोटिंग राइट्स, नंबर 3 एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज ऑफ द टारगेट कंपनी, नंबर 4 कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड नंबर 5 कंट्रोल ओवर एसेट्स. अब एक चीज बताइए, ऊपर भी एसेट्स है एक्वायर कर रहे हैं और नीचे भी कंट्रोल ओवर एसेट्स है, फर्क क्या है? वेरी गुड. तो पॉइंट नंबर 1 में ओनरशिप, पॉइंट नंबर 1 में परचेज कर रहा है, एसेट परचेज कर रहा है, ओनरशिप आ रही है. जबकि पॉइंट नंबर 2 में परचेज नहीं कर रहा है, ओनरशिप एक्वायर नहीं कर रहा है, सिर्फ कंट्रोल एक्वायर कर रहा है एसेट का, नॉट द ओनरशिप. लेकिन मतलब कुल मिलाकर वो कह रहे हैं आप एक्विजिशन बहुत तरीके से कर सकते हो हमें मालूम है. और उसके बाद भी वो साथ में लिख दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब हो सकता है आप घुमा फिराकर किसी और तरीके से एक्वायर कर रहे हो. इज इट पॉसिबल कि एक इंडियन कंपनी ने एक फॉरेन कंपनी का टेक ओवर किया और फिर वो फॉरेन कंपनी जो है ऑलरेडी पेरेंट कंपनी है किसी इंडियन कंपनी की?
इंडियन कंपनी ने टेक ओवर किया इंडिया के बाहर, या एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी का टेक ओवर किया, और वो जो दूसरी फॉरेन कंपनी है उसकी एक बेबी कंपनी इंडिया में ऑलरेडी है, तो डायरेक्ट टेक ओवर नहीं किया इंडियन कंपनी का, इनडायरेक्ट टेक ओवर कर लिया। एक एक यूरोपियन कंपनी दूसरी यूरोपियन कंपनी का टेक ओवर कर रही है, और जो दूसरी यूरोपियन कंपनी है उसकी बेबी कंपनी इंडिया में ऑलरेडी है। अगर मैं कहूं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हिंदुस्तान या यूनिलीवर यूके का टेक ओवर कर रही है, जस्ट इन केस प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूनिलीवर यूके का अगर टेक ओवर करती है और यूनिलीवर यूके की सब्सिडरी हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी इंडिया में है, तो अल्टीमेटली घूम फिर कर तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का टेक ओवर हो गया, मैनेजमेंट तो चेंज हो ही गई, गेटिंग दैट, टॉप लेवल मैनेजमेंट तो फिर चेंज हो ही जाएगी, डायरेक्टर्स को रिमूव करके नए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जो भी है। तो टेक ओवर दोनों तरीके से है, डायरेक्ट टेक ओवर भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फेसबुक ने भी टेक ओवर किया, व्हाट्सएप 19 बिलियन तो सारी दुनिया को मालूम है, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। फेसबुक ने बेंगलोर में एक कंपनी का टेक ओवर किया, छोटी सी कंपनी लिटिल आई लैब्स, लिटिल आई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इन बेंगलोर, अ स्मॉल कंपनी, एंड फेसबुक डिड द टेक ओवर इन इंडिया ऑल्सो। तो फेसबुक इंडिया में अपनी जड़ें बना रहा है, फैला रहा है, और उसको कहते हैं FDI इंडिया में आ रहा है, FDI इंडिया में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं एग्रीमेंट के बारे में, समथिंग इंटरेस्टिंग, और एग्जाम में दो बार आया, May 4 एग्जाम्स, November 7 एग्जाम्स, दो बार एग्जाम में आया एग्रीमेंट की परिभाषा क्या है। अब एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और एनी अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट, अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट। जब मैं वर्ड यूज करता हूं अंडरस्टैंडिंग, कैन आई से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या ये ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, क्या ओरल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जरूरी नहीं कि रिटन एग्रीमेंट हो, इट कैन बी ओरल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 5 एयरलाइन कंपनीज और 10 सीमेंट कंपनीज और व्हाटएवर। तो एग्रीमेंट मींस दैट इज नंबर वन एनी अरेंजमेंट और नंबर टू एनी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब ग्रुप, कॉन्सर्ट का मतलब ग्रुप। जब कहते हैं फिल्म स्टार्स का कॉन्सर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ फिल्म स्टार्स एक साथ मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं। So that is concert means group. अब जो भी agreement है, arrangement है, understanding है, action concert है, उसके लिए आगे कहते हैं whether or not, हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, क्या such arrangement, such agreement or understanding or action may be formal or may not be formal, हो सकता है formal हो और हो सकता है formal ना हो, और हो सकता है writing में हो और हो सकता है writing में ना हो। अब इसमें मैं कहूंगा तीन चार बातें आ गई, यहां पर तीन बातें आ गई सीधा सीधा, हो सकता है वो एग्रीमेंट फॉर्मल हो और फॉर्मल ना हो। फॉर्मल का मतलब कहने से ऑन स्टैम्प पेपर खरीदा 100 रुपए का और उसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस खरीदी, सबने साइन किया, रबर स्टैंप लगाई, फॉर्मल एग्रीमेंट है। इनफॉर्मल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन किया ऑन व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर के ऊपर लिखा सब कुछ, स्टैम्प पेपर के ऊपर नहीं लिखा, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ फॉलो करेंगे, साइन भी छोटे शॉर्टकट कर दिए कि आपस की पहचान के लिए हो, ऐसे साइन है जो दुनिया की समझ में ना आए, बट कर दिया बस, और स्टैम्प की कोई जरूरत भी नहीं है, रबर स्टैम्प की, बस हो गया। वो आमने सामने बैठे 5 एयरलाइन कंपनीज के चेयरपर्सन और पांचों के साइन ऐसे हैं जो पांचों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमने साइन किया, लेकिन वो सिग्नेचर दुनिया के दिखाने वाले अलग हैं, ये अपने अलग हैं, एंड नो स्टैम्प पेपर, ओनली द व्हाइट पेपर। और तीसरा कह रहे हैं वेदर और नॉट इन राइटिंग, हो सकता है राइटिंग में भी ना हो, वेदर और नॉट इन द राइटिंग, हो सकता है ओरल हो। तो मैं कहूंगा आप एग्रीमेंट तीन प्रकार का हो सकता है, मे बी नंबर वन ओरल एग्रीमेंट, नंबर टू व्हाइट पेपर एग्रीमेंट, नंबर थ्री स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट। तो अब फॉर्मल एग्रीमेंट ऑन द स्टैम्प पेपर और मे बी इनफॉर्मल ऑन द व्हाइट पेपर, मे बी सिंपली द ओरल एग्रीमेंट। तो कह रहे हैं एग्रीमेंट तो तीन प्रकार से हो सकता है, और क्या हम तीनों ही केसेस में, क्या हम उन 5 एयरलाइन कंपनीज के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं अगर हमें प्राइस कार्टल सामने दिख रहा है, मेक माई ट्रिप या ट्रेवल ओ सिटी पे सामने नजर आ रहा है चार्ट में, तो चाहे एग्रीमेंट उनके बीच में कैसा भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो वो चार्ट के अंदर नजर आ रहा है कि सबके एयर फेयर सेम है, तो वी कैन फाइल द एग्रीमेंट, वेल फाइल द कंप्लेंट टू द CCI अगेंस्ट द एग्रीमेंट। और क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी एनफोर्सिएबल बाय लीगल प्रोसीडिंग, हो सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स में इंटेंशन हो, एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग्स, आगे लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, थ्रू द कोर्ट। एनफोर्सेबल का मतलब यही है, थ्रू द कोर्ट, मैं लिखूं या ना लिखूं
इंटेंशन यही है थ्रू द कोर्ट. वेदर और नॉट, हो सकता है हो और हो सकता है ना हो. पार्टीज जो एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, हो सकता है उनकी इंटेंशन हो और हो सकता है इंटेंशन ना हो, टू एनफोर्स द एग्रीमेंट अगेंस्ट ईच अदर, आपस में अगेंस्ट ईच अदर बाय लीगल प्रोसीडिंग्स थ्रू द कोर्ट. एग्रीमेंट लिखा और एग्रीमेंट में साथ साथ लिख दिया कि हम पांचों कंपनीज एग्री करती हैं कि हम पांचों कंपनीज के पास फुल फ्रीडम है, कोई भी कंपनी कभी भी ब्रीच कर कर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जा सकती है, और जो पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जाएगी बाकी चार पार्टीज या चार कंपनीज उसके ऊपर कोई सूट फाइल नहीं कर सकते. तो एवरी पार्टी, फाइव कंपनीज आर साइनिंग द एग्रीमेंट एंड एवरी कंपनी हैज द फुल फ्रीडम टू कमिट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जाएगा उसके ऊपर कोई सूट फाइल नहीं होगा, उसके अगेंस्ट कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांगा जाएगा. एग्रीमेंट में लिखी है ये बात, इट इज मेंशन इन देयर, चलेगा. एवरीबडी इज फ्री टू कमिट द ब्रीच, और ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट के थ्रू एनफोर्सेबल नहीं है. कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं करेगा, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल नहीं करेगा, कोई कॉम्पनसेशन का सूट फाइल नहीं करेगा. ये सारी बातें एग्रीमेंट में लिखी हैं. एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? एक चीज बताओ, प्राइस कार्टल का एग्रीमेंट बनाया वैसे ही इलीगल है, और फिर कह रहे हैं जब जो चाहे प्राइस कार्टल तोड़कर जा सकता है. जो जा रहा है वो तो मैं कहूंगा सबसे शरीफ आदमी है, और बाकी चारों उसके ऊपर सूट फाइल करते हैं कोर्ट में कि ये प्राइस कार्टल तोड़कर जा रहा है, तो कोर्ट उन चारों को थप्पड़ लगाएगा, बदतमीज तुम क्यों प्राइस कार्टल में बैठे हो, तुम भी तोड़ो, तुम भी अलग करो. अच्छा, एक तो इलीगल एग्रीमेंट साइन किया था प्राइस कार्टल, वैसे ही एग्रीमेंट वॉइड है, इश्यू है. और जो एग्रीमेंट वॉइड है अगर कोई उसका ब्रीच करके जा रहा, मतलब एग्रीमेंट वॉइड है तो उसका ब्रीच कैसे हो सकता है? जब एग्रीमेंट ही वॉइड है तो उसका ब्रीच कैसे हो सकता है? गेटिंग द पॉइंट? तो चाहे हमने उसमें लिखा है कि वो लीगली एनफोर्सेबल है, मैं तो कहूंगा फिर भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है. एग्रीमेंट है ही वॉइड, देन यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, तो एग्रीमेंट वैसे ही वॉइड है. कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, एग्रीमेंट अल्टीमेटली, ये जो परिभाषा अभी पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन अभी पढ़ रहे हैं, यूज कहां करेंगे इसको? सेक्शन 3 में ऊपर, क्योंकि एग्रीमेंट हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया कहां पर है? सेक्शन 3 में. तो डेफिनेशन पढ़ अभी रहे हैं, लेकिन यूज कहां होगी? तो इसके साथ लिखना तो लिख लीजिएगा, यूजफुल इन द सेक्शन 3. ऊपर जो एक्विजिशन पढ़ रहे थे, दैट इज यूजफुल इन सेक्शन 5, जहां वो मेगा टेकओवर पढ़ेंगे. तो हर डेफिनेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन में यूज होती है, कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है. सो वी से दैट इज एक्विजिशन एंड देन ऑब्वियसली द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट की कनेक्टिविटी डायरेक्टली गोज टू सेक्शन 3 एंड समवट ऑल्सो गोज टू सेक्शन 4 ऑल्सो. सेक्शन 4 में जहां एग्रीमेंट की यूज आता है. अपेलेट ट्राइबल नीचे आ जाइए. अपेलेट ट्राइबल में हम बोल रहे हैं, अपेलेट ट्राइबल मीन्स वॉट? अपेलेट ट्राइबल मीन्स CAT, कैट. कैट माने कॉम्पिटिशन अपेलेट ट्राइब्यूनल. तो CAT कैट एंड कैट माने कॉम्पिटिशन अपेलेट ट्राइब्यूनल, एंड दैट इज सेक्शन 53A. पुरानी डेफिनेशंस वो दिमाग में अच्छे से सेट है. नहीं, कार्टल, कार्टल की जो डेफिनेशन पेज नंबर 7.5 पे लिखी है, उसी का डायग्राम पेज नंबर 7.6 पे बना हुआ है. तो डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. व्हेन आई टॉक अबाउट द कार्टल, अभी तक सिर्फ प्राइस कार्टल की बातें हो रही थी, लेकिन कार्टल बड़े अलग अलग टाइप्स के हैं. प्राइस कार्टल, मार्केट कार्टल, कोटा कार्टल एंड स्पेशलाइज्ड कार्टल. और कार्टल का मतलब वो ऊपर लिखा ही हुआ है, कार्टल मींस ग्रुप एक्शन. और जो सबसे पहला कार्टल है वो आपको मालूम है, प्राइस कार्टल. प्राइस कार्टल का ही दूसरा नाम है कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन. लेकिन इसमें दो फैक्टर हैं. पहला फैक्टर, प्राइसेस आर सेम, कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्राइसेस सेम कर लिए. और दूसरा फैक्टर है कॉन्स्पिरेसी फैक्टर. कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में षड्यंत्र, षड्यंत्र कर रहे हैं. किसके अगेंस्ट? कंज्यूमर के अगेंस्ट. तो षड्यंत्र कर रहे हैं कंज्यूमर के अगेंस्ट. हाउ टू राइट दैट षड्यंत्र? ऐसे लिखेंगे शायद. हाँ, सही लिखा मैंने. ये है क्या?
मुझे नहीं मालूम सही लिखा या गलत लिखा, चलो जो भी होता है। अब हिंदी का टेस्ट नहीं दे रहा मैं आपको, जितना थोड़ा बहुत आता था। काम चला लो, अब मुझे नहीं मालूम। बट षड्यंत्र किसके अगेंस्ट है? कंज्यूमर्स के अगेंस्ट है, उपभोक्ता के अगेंस्ट है। और फाइनल फंडा क्या है कि ऑब्वियसली पांचों कॉम्पिटिटर्स ने कंपटीशन छोड़ दिया है, आपस में मिल गए हैं, प्राइसेस सेम कर लिए हैं, और साथ में कॉन्स्पिरेसी फैक्टर भी है। लेकिन फिर से एक बार फिर से कहूंगा, एक्सेप्शन पेप्सी एंड कोक। एक्सेप्शन क्या है इसकी? पेप्सी एंड कोक आर एक्सेप्शन, प्राइसेस आर सेम बट नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। दोस्ती नहीं है आपस में, दुश्मनी है। तो अगर, और कॉन्स्पिरेसी फैक्टर का मतलब तो यह है कि सारे कॉम्पिटिटर्स में आपस में मिली भगत हो गई। कॉन्स्पिरेसी का मतलब तो यह है कि सारे कॉम्पिटिटर्स में आपस में मिली भगत हो गई, कॉल्यूजन हो गया, और सबने मिलकर प्राइसेस सेम कर लिए। लेकिन पेप्सी और कोक में आपस में कोई कॉल्यूजन नहीं है, दोस्ती की वजह से प्राइसेस सेम नहीं है, दुश्मनी की वजह से है, तो उसको कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन या प्राइस कार्टल नहीं कहेंगे। देन वी से अगला जो है हमारे पास नंबर टू, दैट इज मार्केट कार्टल। अब मार्केट कार्टल में हम कहते हैं ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मार्केट। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं कि मैं साउथ इंडिया में पैदा हुआ नहीं हूँ, मतलब मान लेते हैं सिर्फ एक मिनट के लिए, साउथ इंडिया में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साउथ इंडिया में, और आपकी, आप नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉर्थ इंडिया में है। जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है वही प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है। आई एम हैविंग मोनोपोली इन दैट केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, सीमांध्रा, उड़ीसा। आपके पास मोनोपोली इन द नॉर्दर्न इंडिया, सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए मेरी कंपनी बनाती है, प्रोडक्ट ए आपकी कंपनी बनाती है, और हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साइन एक कर लेते हैं कि मैं कभी आपकी मार्केट में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं कभी नॉर्थ इंडिया नहीं आऊंगा आपकी मार्केट में, और आप कभी साउथ इंडिया नहीं आएंगे मेरी मार्केट में। मध्य प्रदेश तक आपका, गुजरात तक आपका, लेकिन महाराष्ट्र और उसके नीचे आंध्र प्रदेश वो सब मेरा। आप अपनी मोनोपोली एंजॉय करो नॉर्थ इंडिया में, मैं अपनी मोनोपोली एंजॉय कर रहा हूँ साउथ इंडिया में। यू आर हैविंग 70,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, आई एम ऑल्सो हैविंग सम सिमिलर नंबर ऑफ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इन साउथ इंडिया। कैन वी हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हम एक दूसरे की मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेंगे? यस yes. उसके बाद होगा क्या? यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होगी। उसके बाद आप अपनी मार्केट में अपनी मर्जी से अपने प्राइसेस बढ़ाओगे, मैं भी अपनी मार्केट में अपनी मर्जी से प्राइसेस बढ़ाऊंगा। अगर एक दूसरे की मार्केट में इंटरफेयर करते हैं और मैं भी पूरे इंडिया पे अगर कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, आप भी पूरे इंडिया पे, और दोनों की मार्केट ऑल ओवर इंडिया होती और दुश्मनी होती, तो कहने से तो प्राइसेस रीजनेबल हो सकते थे उस केस में। बट नाउ द पॉइंट इज कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि मैं साउथ इंडिया में रहूंगा, आप नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, क्या अगर कोई सीसीआई में जाकर कंप्लेंट फाइल कर भी देता है, कहता हूँ आज की तारीख में, तो क्या उस केस में सीसीआई क्या मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेरा प्रोडक्ट नॉर्थ इंडिया में मुझसे सेल करवा सकते हैं? नहीं। क्या आपका प्रोडक्ट जबरदस्ती आपका हाथ पकड़कर साउथ इंडिया में सेल करवा सकते हैं? नहीं। आपने मार्केट बनाई ही नॉर्थ इंडिया में है, आप साउथ इंडियन टेरिटरी में एंटर करना ही नहीं चाहते, आपने इधर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया नहीं, और आप कह सकते हो सर हमें तो कभी किसी ने अप्रोच किया नहीं, वाई शुड वी एंटर, हमें, हमारे पास कोई मांगने भी नहीं आया कि हमें डीलरशिप दे दो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो, और कोई दो चार आते भी हैं तो मना कर दिया कि दो चार डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने का क्या फायदा। सो नाउ आई विल से इन दैट केस कंप्लेंट तो फाइल हो जाएगी, लेकिन मार्केट कार्टल को तोड़ेंगे कैसे? मतलब मुझे लगता है सीसीआई हर चीज को ठीक नहीं कर सकता, और मार्केट कार्टल है तो है, मैं नहीं आता नॉर्थ इंडिया, आप नहीं आते साउथ इंडिया, तो बात खत्म हो गई। हाउ कैन सीसीआई रियली ब्रेक एवरी कार्टल? मतलब कुछ चीजें सीसीआई की बस की बात भी नहीं है, आई पर्सनली फील दैट वे। एक चीज है कि मैं अपने हाथ से कुछ गलत काम कर रहा हूँ और सीसीआई मेरा हाथ पकड़ लेता है कि ये गलत काम नहीं करना है। एक है कि मैं अपना कोई काम कर ही नहीं रहा हूँ, पॉकेट में हाथ रखकर बैठा हूँ, कोई मेरा हाथ बाहर निकलवा कर मुझसे जबरदस्ती काम कैसे करवा सकता है? कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे रोक दिया जाए कि नहीं करना, वो तो समझ में आता है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा हूँ जबरदस्ती मुझसे वो काम कैसे करवाया जा सकता है? हाउ कैन समबडी डू दैट? कोटा कार्टल नेक्स्ट वन दैट वी हैव, ध्यान से पढ़िए। अभी कोटा कार्टल में कह रहे हैं कॉम्पिटिटर्स फिक्स परसेंटेज मार्केट शेयर इन द सेम ज्योग्राफिकल मार्केट, दे फिक्स द परसेंटेज मार्केट शेयर इन द सेम ज्योग्राफिकल मार्केट ओवर हेयर। और मान लेते हैं, प्रज्यूम करते हैं कि मेरी कंपनी भी जो प्रोडक्ट बनाती है ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करती है, आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो भी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करती है, सेम प्रोडक्ट, और पूरे इंडिया में हम दो कॉम्पिटिटर हैं जो एक दूसरे के साथ दुश्मनी में है, बिजनेस में है, व्हाटएवर। नाउ इन दैट केस हो क्या रहा है
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि ऑल ओवर इंडिया मान लीजिए कि एनुअल डिमांड इज 100 यूनिट पर एनम, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं एनुअल डिमांड इज 100 यूनिट पर एनम, माय कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 70 यूनिट्स पर एनम, योर कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स पर एनम, टोटल प्रोडक्शन 120 यूनिट पर एनम, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 20 यूनिट पर एनम जो वेस्टेज है, और उसको बेचने के चक्कर में क्या करना पड़ता है, सेल सेल सेल, 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, प्रोडक्शन भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और उसके बाद लो प्राइस पे भी बेचते हैं और परेशान भी होते हैं। तो आमने सामने बैठकर एक दिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना ले कि मेरी कंपनी भी प्रोडक्शन कम करेगी, आपकी कंपनी भी प्रोडक्शन कम करेगी, 10 यूनिट्स बोथ कंपनीज, माय कंपनी विल कम फ्रॉम 70 यूनिट टू 60 यूनिट, योर कंपनी विल कम डाउन फ्रॉम 50 यूनिट टू 40 यूनिट पर एनम, तो 60 एंड 40, मेरा मार्केट शेयर 60%, आपका मार्केट शेयर 40%, और आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिटन और ओरल हो गया। अब 100 यूनिट्स पर एनम डिमांड, 100 यूनिट्स पर एनम सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई आर सेम इक्वल, और कहानी यहां खत्म नहीं होगी, अब हम बढ़ाएंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सिर्फ यहां पर खत्म नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और हर महीने हर दो महीने बाद बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट एलिमेंट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, सरदर्दी कम और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, और बाद में तो ये भी डिसाइड करते हैं कि चलो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, पॉसिबल, और 10-10 यूनिट कम करते हैं, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, प्राइसेस और बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रॉफिट्स ज्यादा कमाएंगे, पॉसिबल। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, बट अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, मार्केट कार्टल और कोटा कार्टल दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? मार्केट कार्टल में हमने मार्केट डिवाइड की थी, मार्केट डिवाइड की थी, मैं साउथ इंडिया में, आप नॉर्थ इंडिया में, और बीच में से लाइन ड्रॉ करती थी, टेरिटरी दोनों की अलग अलग थी, जबकि यहां पर दोनों सेम टेरिटरी में हैं। अब यहां दोनों सेम टेरिटरी में, लेकिन दोनों का परसेंटेज मार्केट शेयर वो डिसाइड कर लिया, 60% और 40%, बट वी आर इन द सेम टेरिटरी, दैट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर इन द सेम टेरिटरी, हालांकि हमारा परसेंटेज शेयर डिसाइडेड है आपस में, और यहां हम डिफरेंट टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं। देन वी से स्पेशलाइज्ड कार्टल, स्पेशलाइज्ड कार्टल का मतलब स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशलाइज्ड कार्टल इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, एक्टिविटी के एंगल से बात कर रहे हैं। पार्टीज टू द कार्टल अब क्या डिसाइड कर रहे हैं, ध्यान से पड़ेगा, पार्टीज टू द कार्टल दे एग्री टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स, कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, टू देयर ओन रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू देयर ओन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज, विदाउट इंटरफेयरिंग इन द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टीज इन द कार्टल, हम एक दूसरे की एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। टेकिंग वन एग्जाम्पल, मेरी कंपनी प्रोडक्ट एक्स बनाती है, आपकी कंपनी प्रोडक्ट वाई बनाती है, मेरी भी 10 फैक्ट्रीज हैं ऑल ओवर इंडिया, आपकी भी 10 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं ऑल ओवर इंडिया, फैक्ट्रीज में डबल शिफ्ट काम होता है और थर्ड शिफ्ट में फैक्ट्री खाली पड़ी रहती है, वैसे तो फैक्ट्री में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, एक दिन में 24 घंटे में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, लेकिन दिन में 2 घंटे मतलब 2 शिफ्ट में काम होता है 8-8 घंटे और थर्ड शिफ्ट में फैक्ट्री खाली पड़ी है। मेरी एक्सपर्टीज, मेरा स्पेशलाइजेशन इज प्रोडक्ट एक्स, और इंटरनेशनल क्वालिटी बनाते हैं, विच इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपकी एक्सपर्टीज, आपका स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट वाई, वही इंटरनेशनल क्वालिटी है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन मार्केट में भी और एक्सपोर्ट मार्केट में भी फेमस है, थर्ड शिफ्ट में फैक्ट्री खाली पड़ी है, जितना मार्केट में डिमांड है फिलहाल हमारे पास उतनी सप्लाई हम दे रहे हैं, थर्ड शिफ्ट में फैक्ट्री बेकार पड़ी है। अब मेरे दिमाग में आता है कि मैं प्रोडक्ट एक्स बनाते बनाते प्रोडक्ट वाई भी बनाना शुरू कर दूं, और उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, वो जो थर्ड शिफ्ट में फैक्ट्री जब खाली पड़ी है तो मुझे प्रोडक्ट वाई का रॉ मटेरियल चाहिए, और सिर्फ क्या करना है, वो जो इतनी बड़ी प्लांट मशीनरी जमीन के ऊपर इंस्टॉल्ड है उसके फेस पे एक डाई है जिसपे प्रोडक्ट एक्स का शेप बना हुआ है, वो डाई अनस्क्रू करके उतारनी है, उसकी जगह प्रोडक्ट वाई की डाई लगानी है, यू अंडरस्टैंड, डाई तो जिसमें वो प्रोडक्ट की शेप आ जाती है, मोल्डिंग जो डाई होती है, तो बस कुछ नहीं करना, वो अनस्क्रू और स्क्रू करना है, प्रोडक्ट एक्स की डाई को अनस्क्रू करना है और प्रोडक्ट वाई की डाई को स्क्रू करना है, थर्ड शिफ्ट के लिए रॉ मटेरियल अरेंज कर लेता हूँ, लेबर मेरे पास है, फैक्ट्री है, लैंड है, फैक्ट्री है, सब कुछ तो पैसा लगा हुआ है, और प्रोडक्ट वाई बनाना शुरू करता हूँ, लेकिन समझ में आता है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है मेरी जितनी अच्छी क्वालिटी आप बना रहे हो, क्योंकि आपका
स्पेशलाइजेशन है, परफेक्शन है, और मेरा अभी नया नया एक्सपीरियंस है. अब प्रोडक्ट की क्वालिटी क्योंकि डाउन है, क्वालिटी इन्फीरियर क्वालिटी दे रहा हूँ तो इसलिए सेलिंग प्राइस भी लोअर साइड पे रख दिया. और मार्केट में प्रोडक्ट वाई लॉन्च कर देता हूँ आपकी कॉम्पिटिशन में एट द लोअर प्राइस, एट द इन्फीरियर क्वालिटी. नाउ आपका कुछ कस्टमर टूटकर मेरे पास आना शुरू हो जाता है जो लोअर क्वालिटी लेकर खुश है अगर प्राइस कम है. क्या मार्केट में ऐसा कस्टमर है? हर टाइप का कस्टमर होता है. अगर उसको लो प्राइस मिलता है तो वो कहेगा चल क्वालिटी 19-20 कम है या 18-20 कम है तो मैं ले लूंगा, बट प्राइस तो कम है. और वो कस्टमर जो है वो मेरी तरफ ड्रिफ्ट होकर आ जाता है. आपका मार्केट शेयर अब टूटना शुरू हो जाता है. आप भी रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए भाई काम करते हो. अपनी अपनी फैक्ट्री में थर्ड शिफ्ट में प्रोडक्ट वाई हटाते हो, उसका अनस्क्रू करते हो और प्रोडक्ट एक्स की डाई लगाते हो और प्रोडक्ट बनाते हो. लोअर क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी एट द लो प्राइस. मेरा कस्टमर आपके पास टूटकर, कुछ कस्टमर आप ले जाते हो. फिर मुझे लगता है यार गलती तो मेरे से ही हुई, पहले शुरुआत तो मैंने ही की थी. देन फिर मैं अब हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ कि भाई आई एम सॉरी, और आगे से अब ध्यान रखूंगा, दोबारा नहीं करूंगा. और आपसे भी मैं एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप भी नहीं करोगे. तो मैं आज से प्रोडक्ट वाई बनाना बंद कर देता हूँ, आप आज से प्रोडक्ट एक्स बनाना बंद कर दो. लेट अस हैव ओरल एग्रीमेंट, ओरल अंडरस्टैंडिंग मे नॉट बी रिटन ओवर देयर. एंड देन आल से फाइनली स्पेशलाइज्ड कार्टल बन जाता है कि मैं आपकी एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करूंगा, आप मेरी एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, चाहे फैक्ट्री थर्ड शिफ्ट में खाली है खाली पड़ी रहे. बट हम वो जो पीस ऑफ माइंड था, मेरे पास प्रोडक्ट एक्स की मोनोपोली थी, आपके पास प्रोडक्ट वाई की मोनोपोली थी, वो पीस ऑफ माइंड वापस आ जाएगा. एक दूसरे की मोनोपोली को खराब ना करें. कैन वी हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग? यस. और अगर बन जाती है, और मैं कहता हूँ इस केस में अगर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर भी देता है सीसीआई में, तो क्या फिर वो कंप्लेन, वेल क्या वो सीसीआई हमें ऑर्डर दे सकता है कि मुझे प्रोडक्ट वाई बनाना पड़ेगा थर्ड शिफ्ट में? नहीं. अरे भाई मुझसे नहीं बनता, मैंने कोशिश भी की थी लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही, क्वालिटी नहीं आ रही, मुझसे नहीं बनता, मैं नहीं बनाता. और आपसे एक्स की क्वालिटी नहीं आ रही, प्रोडक्ट एक्स की तो आप नहीं बनाते, उसमें सीसीआई क्या कर लेगा? सी प्राइसेस कंट्रोल करना सीसीआई के हाथ में फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत. उसमें सीसीआई धमकी दे सकता है कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे या आपकी फैक्ट्री बंद करवा देंगे. सीसीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास पावर्स है कि अगर हम वो लाइसेंस सेक्टर में है तो जहां लाइसेंस के बिना काम होता नहीं है. कुछ नौ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस तो चाहिए ही होता है, बिना लाइसेंस के आप वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिक प्रोडक्ट, फैक्ट्री लगानी है तो लाइसेंस तो चाहिए. बिना लाइसेंस के हर कोई अपने घर में बना रहा होगा तो मार्केट में पता नहीं कैसी कैसी बॉटल्स आ रही होंगी. आर्म्स एमिनेशन, टोबैको प्रोडक्ट्स, एंड देर आर सो. टेक्सटाइल के लिए नहीं है, वेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का नहीं है वो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का अलग से है, बट नॉट रियली ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स कुछ नौ आइटम्स के लिए लाइसेंस देता है तो ही वो आइटम आप बना सकते हैं, वरना वो आइटम्स नहीं बना सकते हैं. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, हजार्डियस केमिकल्स, तो है कुछ चीजें जिसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है. तो वहां तक तो मैं कहूंगा सीसीआई की पावर है कि भाई आप अगर हमारा ऑर्डर नहीं मानोगे, प्राइसेस कम करो, कॉस्ट शीट मंगवा लेंगे, कॉस्ट शीट से एनालाइज कर लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और सेलिंग प्राइस आपने अननेसेसरी बढ़ाया है, जबकि कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही थी लेकिन सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो सेलिंग प्राइस वापस डिक्रीज करवा देंगे. लेकिन मेरा हाथ पकड़कर मुझसे प्रोडक्ट वाई तो नहीं बनवा सकते ना, और आपका हाथ पकड़कर आपसे प्रोडक्ट एक्स नहीं बनवा सकते. तो स्पेशलाइज कार्टल है तो है, वो चलता रहेगा. फिर से ये कहूंगा सीसीआई हर चीज को इम्प्रूव नहीं कर सकता. नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मतलब नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, ये आप मेरे साथ कॉम्पिटिशन में नहीं आओगे. सी एक चीज बोलूंगा, सेबी ने तो एक टाइम में अलाउ किया ही हुआ, लीगली भी अलाउ किया हुआ है. अब आपने नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट उठाया तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा. इसी में वही यूनाइटेड ब्रेवरीज और शॉ वेलेस की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जब विजय माल्या साहब ने टेक ओवर किया था फ्रॉम छाबड़ियास, एंड जब वो कहना चाहिए लिकर बिजनेस लिया था, रॉयल चैलेंज एंड वाइट मिस चीफ डायरेक्टर स्पेशल, तो विजय माल्या साहब ने डबल पेमेंट दी थी छाबड़िया फैमिली को. एक तो ये था कि आपसे शॉ वेलेस कंपनी के 54% शेयर ले रहे हैं, उसकी पेमेंट दी थी 678 करोड़. और दूसरा एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन किया था छाबड़िया फैमिली के साथ, उनको बोला था 5 साल तक आप लिकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, आपका लिकर बिजनेस मैं आपसे खरीद रहा हूँ और आपकी लिकर कंपनी के 54% शेयर फैमिली स्टेक आपसे खरीद रहा हूँ,
और साथ में आपको 169 करोड़ अलग से दे रहा हूं इस बात का कि आप लिकर बिजनेस में दोबारा हाथ नहीं डालोगे 5 साल, और वो तो ओपनली सबके सामने हुआ एग्रीमेंट, सारी दुनिया को बताया कि विजय माल्या ने 169 करोड़ सिर्फ इस बात के दिए थे छाबड़िया फैमिली को कि वो दोबारा से लिकर बिजनेस में हाथ नहीं डालेंगे 5 साल, लीगली अलाउड है, होते हैं दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स। तो दैट वॉज किशोर छाबड़िया एंड फैमिली, विजय माल्या पेड 169 करोड़ टू किशोर छाबड़िया एंड फैमिली इन दैट केस, या कह लीजिए यूनाइटेड ब्रेवरीज पेड 169 करोड़ टू किशोर छाबड़िया एंड फैमिली कि आपसे शॉवलेस कंपनी ले रहे हैं और आपको इतना मोटा पेमेंट दे रहे हैं 678 करोड़, इतना कैश हाथ में आने के बाद हो सकता है आपका दोबारा मोड बन जाए लेकर बिजनेस स्टार्ट करने का, तो 169 करोड़ और लो लेकिन 5 साल तक लेकर बिजनेस में एंटर नहीं करना, क्योंकि 5 साल तो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को हमें अपना बनाने में लगेंगे, अपनी न्यू पॉलिसीज के हिसाब से उनको एडजस्ट करने में इट विल टेक अस 5 ईयर्स। पता चला आप दोबारा बिजनेस में हाथ डालते हो लेकर बिजनेस और अपने पुराने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और रॉ मटेरियल सप्लायर तोड़ कर ले जाते हो तो फिर बिजनेस एक्वायर करने का हमें क्या फायदा हुआ, इट हैपेंड। तो अभी और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन ये बात सच है कि नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट करना अलाउड है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग आफ्टर दिस कार्टल दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की एक डेफिनेशन है हमारे पास, कंज्यूमर कौन, हमारे दिमाग में एक तो कमीशन की डेफिनेशन है, कमीशन मींस ब्रोकरेज नहीं है, कमीशन मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कहीं सोचो कमीशन इज ब्रोकरेज, तो कमीशन मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस पूरे चैप्टर में कभी कमीशन लिखा होगा तो कमीशन का मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंज्यूमर की डेफिनेशन जो इस पेज पे लिखी है, एक्चुअली इसका नेक्स्ट पेज पे चार्ट बना हुआ है तो चार्ट में पूरा कवर हो जाता है, आपको डेफिनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पेज चार्ट। कंज्यूमर की डेफिनेशन है, अब कंज्यूमर मींस गेटिंग स्टार्टेड, कंज्यूमर मींस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 7.7, पेज नंबर 7.7, एक्चुअली पेज नंबर 7.8 पे भी एक चार्ट है लेकिन वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है, MRTP एक्ट में रिलेवेंट था, तो पेज नंबर 7.8 हमारे लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, पेज नंबर 7.7 इज इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 7.7 हमारे लिए रेलिवेंट है, और पेज नंबर 7.7 पे जो चार्ट है वो देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स और हु हायर्स द सर्विसेज, तो जो गुड्स खरीदता है या फिर जो सर्विसेज हायर करता है वो कंज्यूमर। Now when I say any person who hires, buys a goods, person कौन, natural person या artificial person? दोनों, दोनों, person में भी natural person में भी artificial person, who buys the goods or who hires the services, और उसके नीचे goods के नीचे लिखा and includes any lawful user of such goods who uses the goods with the permission of buyer। हाँ जी, तो क्या बात हुई इसमें, मतलब जो purchase करता है वो भी consumer, जो परचेज करता है वो बायस द गुड्स वो भी कंज्यूमर, और जो उसको यूज करता है लॉफुल यूजर वो भी कंज्यूमर। तो पापा ने बच्चे को, बेटे को, बेटी को 18th बर्थडे पे बाइक या स्कूटी परचेज करके दिया, तो पापा बायर हैं वो भी कंज्यूमर, और जो बेटा या बेटी उसको चला रहा है लॉफुल यूजर वो भी कंज्यूमर, लेकिन जो चोर बाइक चोरी करके ले गया वो कंज्यूमर नहीं है, वो लॉफुल यूजर नहीं है, वो अनलॉफुल यूजर है। तो अभी 4 दिन हुए थे बाइक खरीदे और चोर चोरी करके ले गया और वो कह रहा है जी बड़ी मेहनत से चोरी की है, वो कंज्यूमर नहीं है, अनलॉफुल यूजर इज नॉट कंज्यूमर। हस्बैंड ने कॉम्पैक्ट खरीद कर वाइफ को दिया वैलेंटाइंस डे गिफ्ट, वाइफ ने यूज किया, स्किन पे लगाया तो पूरे स्किन पे रेड रैशेज आ गए और हो गया हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब पता चला कि वो लैक में नहीं था, लाइक मी था, वो उस पे जो ब्रांड था इट वॉज नॉट लैक्मे, इट वॉज लाइक मी, लेकिन लिखा उसी स्टाइल से था जैसे लैक्मे लिखा होता है, वाइफ ने 2 लगाए हस्बैंड को घर जाकर की बदतमीज क्या लेकर आया ये, और सब गड़बड़ हो गई। नाउ नाउ हस्बैंड, वाइफ ने फेस देखा अपना शीशे में तो वो चिल्लाई, हस्बैंड ने वाइफ को देखा वो चिल्लाया ये क्या हो गया। बट स्पूरियस गुड्स मिलती है मार्केट में, नहीं मिलती है, इस टाइप की प्रोडक्ट्स मिलते ही हैं मार्केट में, गड़बड़ हो जाती है, और किसी लोकल शॉप से लिया था तो हो गई गड़बड़। बट क्या दोनों कंज्यूमर हैं, आर बोथ ऑफ देम कंज्यूमर्स, आंसर इज यस, बोथ ऑफ देम आर कंज्यूमर्स। तो
A person who is hiring the service is also a consumer, and the person who is beneficiary of service is also a consumer. एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ अपने लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और मैं इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम देता हूँ, तो मैं कंज्यूमर हूँ, आई एम हायरिंग द इंश्योरेंस सर्विस, और मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बाद जो लीगल हायर्स को क्लेम मिलेगा वो उस पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं, वो भी कंज्यूमर हैं। तो जिसने पॉलिसी ली और प्रीमियम दिया वो भी कंज्यूमर, और उसकी डेथ के बाद जो लीगल हायर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो उस पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं, दे आर ऑल्सो कंज्यूमर। पेरेंट्स ने नर्सिंग होम में बेटे को एडमिट करवाया और नर्सिंग होम की पेमेंट दे रहे हैं, वायरल फीवर है उसको, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं वो नर्सिंग होम की सर्विस हायर कर रहे हैं, वो भी कंज्यूमर, और जो बेटा जो बेनिफिशियरी है उस मेडिकल सर्विस का, वो भी कंज्यूमर। गेटिंग दैट? या एक फादर ने अपनी बेटी के लिए रेलवे टिकट खरीद कर उसको दिया समर कैंप में जाने के लिए शिमला, तो फादर ने रेलवे टिकट परचेज की, वो भी कंज्यूमर, और बेटी वो ट्रेवल कर रही है बाय ट्रेन, शी इज ऑल्सो कंज्यूमर, शी इज बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस। That is clear to everybody. लेकिन साथ में अब मैं कहूँगा, this is very interesting. ये अब बड़ा interesting सा point है, whether such goods or whether such person buys the goods for personal purpose, domestic purpose, अपने घरेलू use के लिए, or he is buying the goods for resale, बेचने के लिए, और मतलब उसको खरीदा और फिर बेचेगा, shopkeeper है, trader, shopkeeper, retailer, whatever, wholesaler, retailer, या फिर whether the goods are bought for commercial purpose. कॉमर्शियल पर्पज के लिए, बिजनेस यूज के लिए। अब एक चीज यहां पर बोलना चाहता हूं, ये कॉमर्शियल पर्पज और रीसेल, ये जो दो शब्द हैं, ये यहां पर तो हैं, कंपटीशन एक्ट में तो हैं, हमें पढ़ने हैं, ऑब्वियसली एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहते हैं, द पर्सन हु बायस द गुड्स फॉर पर्सनल पर्पज इज कंज्यूमर, द अदर टू आर नॉट कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में वहां कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लिए गुड्स खरीदता है पर्सनल पर्पस के लिए वो कंज्यूमर होता है, और जो रिटेल रीसेल के लिए खरीदता है वो कंज्यूमर नहीं है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदता है वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन यहां पर कहते हैं कंपटीशन एक्ट में कि सब लोग कंज्यूमर हैं, ऑल थ्री आर कंज्यूमर, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए खरीदे, चाहे वो रीसेल करने के लिए खरीदे दोबारा बेचने के लिए, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदे, तीनों कंज्यूमर है। तो यहां तो मैं कहूंगा तीनों ही कंज्यूमर है, ऑल थ्री आर कंज्यूमर। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझने के लिए, यहाँ पर वन एग्जाम्पल बट फिटिंग इन थ्री केसेस। क्रॉकरी परचेज करते हैं, मैं अपने घर के लिए एक डिनर सेट परचेज करता हूँ वर्थ 35,000 रुपीज, 35,000 रुपीज का एक डिनर सेट है, बिल है मेरे पास, अब खरीद के लाता हूँ घर में, अब जाकर जब वो डिनर सेट खोला तो देखा उसमें कुछ डिफेक्टिव पीसेज हैं, क्या मैं कंज्यूमर हूँ? आई एम ऑब्वियसली आई एम बाइंग द गुड्स फॉर पर्सनल पर्पज, आई एम कंज्यूमर। अगर मेरी करोल बाग में या दिल्ली में कहीं एक शॉप है जिसमें हम क्रॉकरी बेचते हैं, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से क्रॉकरी खरीदता हूँ, डिनर सेट खरीदता हूँ दोबारा रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने वो जो जितने भी बॉक्सेस आए, ट्रक आया सप्लाई देने के लिए, बॉक्सेस उतरवा के रखवा लिए अपनी शॉप के अंदर, कभी खोल कर भी नहीं देखा कि कहीं कुछ टूट फूट तो नहीं है, लेकिन मेरा पर्पज क्या है? रीसेल। क्या मैं भी कंज्यूमर हूँ? यस। जबकि मैं उस क्रॉकरी को यूज ना कर रहा हूँ, ना करने का इरादा है, मेरा तो इरादा उस बॉक्स को बेचने का है। और तीसरा प्रज्यूम कि मेरा एक 5-स्टार होटल है मौर्य शेरेटन, माता रानी करे हो कभी, बट नाउ लेट अस से अगर मेरे पास एक 5-स्टार होटल है और मैं 50,00,000 रुपए की क्रॉकरी खरीदता हूँ उस 5-स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में यूज करने के लिए, रेस्टोरेंट में गेस्ट को खाना देने के लिए, या फिर हाउसकीपिंग में, या कह लीजिए वो रूम सर्विस में वेल इन हाउस जो भी है रूम के अंदर खाना भेजने के लिए, 50,00,000 की क्रॉकरी खरीदी, अब वो 5-स्टार होटल ने क्रॉकरी परचेज की है, नाउ इन दैट केस क्या कॉमर्शियल पर्पस है? क्रॉकरी इज बीइंग बॉट, 5-स्टार होटल ने क्रॉकरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से क्रॉकरी खरीदी 50,00,000 रुपए की फॉर कॉमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस, तो क्या वो 5-स्टार होटल भी कंज्यूमर है? जबकि उस क्रॉकरी को वो कोई पर्सनल डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, दे आर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पज, कॉमर्शियल पर्पज, दैट इज ऑल्सो कंज्यूमर। तो यहां तो हम कहेंगे ऑल थ्री आर कंज्यूमर, पर्सनल पर्पज है तो भी कंज्यूमर, रीसेल है तो भी कंज्यूमर, और 5-स्टार होटल है कॉमर्शियल पर्पज है तो भी कंज्यूमर। जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ओनली पर्सनल पर्पज, यू आर कंज्यूमर। और सोच के देखो, मेरे पास आज एक क्लाइंट आता है और पूछता है कि सर मैं कंज्यूमर हूं या नहीं हूं, अगर रीसेल कॉमर्शियल पर्पज के लिए परचेज किया तो मैं कहता हूँ सर इधर तो आप कंज्यूमर हो कॉम्पिटिशन एक्ट में, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप कंज्यूमर नहीं हो। और वो कहते हैं सर मैं तो मैं ही हूँ, वो जवाब मुझे क्या देते हैं, सर मैं तो मैं ही हूँ, इधर कह रहे हो कंज्यूमर हूँ, उधर कह रहे हो नहीं हूँ, ये क्या मतलब ऊटपटांग लॉ है?
लेकिन जो लॉ है तो लॉ है, क्या कर सकते हैं कि आप इधर कंज्यूमर हो और आप उधर कंज्यूमर नहीं हो। लेकिन एक चीज बोलना चाहता हूं यहां पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक्ट का पर्पज ही कुछ और है और यहां एक्ट का पर्पज कुछ और है। एक्ट अलग अलग एरिया में ऑपरेट करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंज्यूमर को जो रेमेडी मिलती है, 12-13 रेमेडीज की एक छोटी छोटी लिस्ट है, आपकी गुड्स खराब हो गई हैं, डिफेक्टिव हैं, हम चेंज करवा देते हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, हम ठीक करवा देते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ क्या है, कंज्यूमर कंप्लेंट ये नहीं फाइल कर रहा कि मेरी गुड्स चेंज करवा दो या मुझे कॉम्पनसेशन दे दो। यहाँ तो वगैरह एग्रीमेंट हो रहा है, हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इन इंडिया, उसको स्टॉप करवा दो। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन हो रहा है, उसको स्टॉप करवा दो। यहाँ पर कंज्यूमर इस एक्ट में कहीं एक पैसा भी कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो कहता है मेरी गुड्स खराब हैं, चेंज करवा दो या इसके बदले में मुझे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिलवा दो। तो फर्क समझ में आ रहा है, उस एक्ट का पर्पज कुछ और है और यहाँ पर एक्ट का पर्पज कुछ और है, इसलिए डेफिनेशंस को अलग तरीके से डिफाइन किया है। और दूसरी तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कंज्यूमर ऑल्सो इंक्लूड्स, कंज्यूमर ऑल्सो इंक्लूड्स वॉट, एनीबडी हु इज हायरिंग द सर्विसेज फॉर पर्सनल पर्पज और हु इज हायरिंग द सर्विसेज फॉर कॉमर्शियल पर्पज, चाहे सर्विस किसी भी काम के लिए हायर की है। और फिर से कहूंगा एक ही चीज है लेकिन दो छोटे छोटे एग्जाम्पल है। अगर मैं यहाँ दिल्ली से अपना घर पूरा शिफ्ट करके जयपुर जा रहा हूँ और अपनी सारी हाउस होल्ड आइटम्स किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी, यू नो दैट पैकर एंड मूवर, उसके थ्रू मैं यहाँ से दिल्ली से वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जो भी घर में सोफा है और डबल बेड है या जो भी फर्नीचर आइटम्स है, डाइनिंग है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, प्लस किचनवेयर है, प्लस बुक्स है, सब कुछ वो आते हैं, वो अलग अलग पैकिंग करते हैं और ले जाते हैं। मैं सर्विसेज हायर कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कंपनी की फॉर पर्सनल पर्पस, मैं भी कंज्यूमर हूँ। और दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर गुड़गांव में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है, और उनका कंसाइनमेंट हर हफ्ते एक मुंबई जाता है और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विसेज हायर करती है अपना कंसाइनमेंट मुंबई भेजने के लिए, हायरिंग द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर कॉमर्शियल पर्पस, क्या वो भी कंज्यूमर है? एंड द आंसर इज यस, वो भी कंज्यूमर है, दोनों कंज्यूमर है। तो लेकिन फिर से कहूंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस हायर करते हैं तो कंज्यूमर है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं तो कंज्यूमर नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आता ही आता है। और यहाँ तो मैं कहूंगा, अब अगर मैं बॉटम पे देखता हूँ, 5 boxes हैं, ऑल 5 आर कंज्यूमर्स, जो 5 boxes हैं ऑल 5 आर कंज्यूमर्स इन दिस एक्ट। लेकिन कंज्यूमर एक्ट में कहते हैं वहां पर सिर्फ पर्सनल पर्पस वाले 2 कंज्यूमर हैं, बाकी कंज्यूमर नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? देन आई से लेकिन एक चीज कॉमन है, यहां हो या वहां हो, कंज्यूमर वो जो फ्री में नहीं लेता, कंसिडरेशन पे करता है। एंड कंसिडरेशन के लिए 4 points लिखे हैं। सो कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु बाइज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, एंड दैट कंसिडरेशन में बी पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड, पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब तो सेलफोन भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीद लेते हैं, सो यू आर बाइंग द स्मार्टफोन्स ऑन द डेफर्ड सिस्टम बेसिस और व्हाटएवर। लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए, जिसने फ्री में लिया है वो कंज्यूमर नहीं है, जिसने फ्री में लिया है वो कंज्यूमर नहीं है, कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए। और मैं कहूंगा नेक्स्ट पेज पे जो मैं कह रहा था, पेज नंबर 7.8 नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वो बेसिकली वही MRTP एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो चलता है ना वो वही है। और यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा कंज्यूमर में कौन नहीं आता, पहले MRTP एक्ट में चलता था या CPA में चलता था, कौन नहीं आता, डज नॉट इंक्लूड क्या, डज नॉट इंक्लूड क्या, जो रीसेल के लिए खरीदता है वो भी नहीं और जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए खरीदता है वो भी नहीं। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट नहीं है। और डज नॉट इंक्लूड में फिर से वो जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए सर्विस हायर करता है वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन कंज्यूमर कॉम्पिटिशन एक्ट में ऑल 5 आर कंज्यूमर्स, वहां सोचना पड़ता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कब कंज्यूमर है और कब कंज्यूमर नहीं है। कॉम्पिटिशन एक्ट में तो सोचना ही नहीं है, ऑल 5 आर कंज्यूमर्स, दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन द टू। से एंटरप्राइज की डेफिनेशन बिना पढ़े हो चुकी, May 6 एग्जाम्स में आई थी, लेकिन एंटरप्राइज की डेफिनेशन फिर से कहूंगा बिना पढ़े ऑलरेडी हो चुकी। और वो कैसे हो चुकी, नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज। अभी आपने जो ये नेक्स्ट पेज पे ना ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी थोड़ी सी कि आप लिख लोगे अपने आप, मुझे लगा कि मतलब
काफी देर से खाली बैठे हैं ना, हाथ चल नहीं रहे, हाथ नहीं चल रहे ना बड़ी देर से। ऐसा नहीं लग रहा हाथों में जान कम हो गई है, एकदम से हाथ चलाने के लिए कुछ मिला। एक चीज बोलूं, ये बिना पढ़े और बिना ये पूरा चार्ट किए ऑलरेडी हो चुका ये चार्ट, कि कैसे हो चुका, कहां पहले हो चुका। पेज नंबर 7.3 पे जो आपने डिफरेंस टेबल पढ़ी थी ना, उसमें पढ़ा था कि एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आल्सो एंड पीएसयू आल्सो, बट पीएसयूज अब दो प्रकार के हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द सोवरेन फंक्शन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विच आर नॉट इन द सोवरेन फंक्शन। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोवरेन फंक्शन में है तो एक्ट अप्लाई नहीं होता, सोवरेन फंक्शन में नहीं है तो एक्ट अप्लाई होता है। वही बात हो रही है यहाँ पर, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एनी पर्सन में भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, और पर्सन में तो आपने 10% देखे थे, पर्सन में तो आपने अभी डेफिनेशन में 10 टाइप के पर्सन देखे आपने, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, लोकल अथॉरिटी एंड सो ऑन। एनी पर्सन और साथ में क्या आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। वैसे तो मैं कहूंगा ये यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है। लॉ मेकर ने लिखा है तो मैं भी लिख रहा हूं, अदरवाइज एंटरप्राइज की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, विच इज एंगेज्ड इन व्हाट, विच इज एंगेज्ड इन, हाँ जी, विच इज एंगेज्ड इन नंबर वन गुड्स, और नंबर टू सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। मैं तो कहूँ शेयर्स और सिक्योरिटी भी गुड्स होते हैं। आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में पढ़ा है ना, गुड्स मीन्स व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कैश एक्शनेबल क्लेम, पढ़ा हुआ है ना। बट गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर्स एंड स्टॉक, गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स द क्रॉप द ग्रास ग्रोन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेवरेंस। सीपीटी में किया था ना आपने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस में आता है। सवाल से तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं शेयर्स भी गुड्स ही है, और जो अदर सिक्योरिटीज है वो भी गुड्स हैं, लेकिन अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट से पहले नहीं। एंड देन वी आर सेइंग नंबर थ्री, यू आर डीलिंग इन व्हाट, एंटरप्राइज इज डीलिंग इन द सर्विस। तो एंटरप्राइज या जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, वो तीन चीजों में डील कर रहा है, एक तरफ गुड्स, एक तरफ सर्विसेज, और बीच में शेयर्स और स्टॉक। और जो गुड्स में डील करता है, वो गुड्स में किस प्रकार से डील करता है, या तो गुड्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग करता है, खरीदता है और फिर हाई प्राइस पे बेचता है। सो मे बी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और मे बी की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग का बिजनेस है। एंड देन वी से, और अगर सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का काम है, शेयर्स का काम है, तो फिर मैं कहूंगा वो इन्वेस्टमेंट कंपनी, और इन्वेस्टमेंट कंपनी को तो हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, रजिस्टर्ड विद आरबीआई, रजिस्टर्ड विद आरबीआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो कहानी बड़ी सीधी सीधी है, एंटरप्राइज बिजनेस करती है, बिजनेस किस में, या तो गुड्स में, या सर्विसेज में, या शेयर्स में और स्टॉक में, सिक्योरिटीज में। गुड्स में बिजनेस है तो या तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी है। और अब ये जो भी बिजनेस हो रहा है, चाहे गुड्स है, चाहे शेयर्स है, चाहे सर्विसेज है, ये सारा बिजनेस सिर्फ एक जगह से होगा या मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, मे बी ओनली वन प्लेस और मे बी मल्टीपल ब्रांचेस, दोनों बातें हैं। एंड द एंटरप्राइज कैरीज ऑन द बिजनेस थ्रू, थ्रू व्हाट, थ्रू वन यूनिट और मोर यूनिट्स। तो हो सकता है एक ब्रांच हो, और हो सकता है मल्टीपल ब्रांचेस हो, और डिविजन्स, और मे बी थ्रू सब्सिडरी कंपनीज, एंड ऑल ऑफ देम, सारी ब्रांचेस मे बी एट सेम प्लेस, और मे बी द ब्रांचेज आर एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सिटीज। हो सकता है सारी ब्रांचेस सेम प्लेस पे हों, और हो सकता है सारी ब्रांचेस अलग अलग प्लेस में हों, अलग अलग सिटीज में हों।
getting this? इन साथ में एक चीज जो बॉटम पर है ना वो बड़ा क्लियर क्लियर है. एंटरप्राइज में किसको नहीं लेना? एंटरप्राइज डज नॉट इंक्लूड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सोवरीन फंक्शन. तो एंटरप्राइज में किसको नहीं लेना? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सोवरीन फंक्शन. और फिर से बोलेंगे सोवरीन फंक्शन में क्या क्या? पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड देन वी से करेंसी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, करेंसी एंड कॉइनेज डिपार्टमेंट, देन जेल डिपार्टमेंट, करेंसी एंड कॉइनेज डिपार्टमेंट. Then space research, all of them are sovereign functions. तो वो सब कुछ यहाँ पर covered नहीं है. और competition commission of India के पास sovereign functions में interfere करने की power नहीं है. अच्छा, अभी break में मुझसे पूछा गया सर railway sovereign function है या नहीं है. मैं कहूँगा एक तरफ ministry of railway है और एक तरफ IRCTC company है. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited is a company in the Companies Act. और एक तरफ वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है. अब जो रेलवे फेयर है वो IRCTC लिमिटेड कंपनी डिसाइड नहीं करती अपने आप, रेल मंत्री डिसाइड करते हैं. रेलवे बजट आता है, मालूम है ना सबको. एक आपका एनुअल बजट, यूनियन बजट एक अलग है, जो वित्त मंत्री देते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, इस बार अरुण जेटली साहब देंगे. और एक रेलवे बजट अलग आता है, रेल बजट अलग से आता है. तो जो रेल बजट आता है वो IRCTC लिमिटेड देती है या जो रेल मंत्रालय है वो देता है? अगर रेल मंत्रालय कुछ करता है तो वो तो सोवरीन फंक्शन है. मिनिस्ट्री के लेवल पे अगर कुछ हो रहा है तो वो तो सोवरीन फंक्शन है. तो अगर आप कहते हैं जी रेलवे ना अपना फेयर टाइम टू टाइम बढ़ाती जा रही है, हमें लूट रहे हैं, तो IRCTC लिमिटेड तो रेलवे फेयर फिक्स करती नहीं है. चलो जब भी बढ़ाया है, नाउ द पॉइंट इज कि अगर 10 साल बाद बढ़ाया है तो अब अच्छे दिन आ गए हैं. तो कुल मिलाकर कहानी ये है, जो भी किया है तो कुल मिलाकर कहानी अभी ये है, मतलब रेलवेज सोवरीन फंक्शन है या नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो भी करती है वो सोवरीन फंक्शन है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो सोवरीन फंक्शन कर रही है. और महंगाई पहले से कम हो ही गई है, पिछले एक साल में महंगाई तो कम हुई है नहीं. पेट्रोल इसलिए सस्ता हो गया क्योंकि ओपेक ने सस्ता कर दिया ना, वो 11 देशों ने मिलकर पेट्रोल सस्ता कर दिया, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया. हाँ, वो ओपेक इज इंटरनेशनल कार्टल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और आई से इनफेक्ट दैट फिलीपींस टुगेदर. तो मतलब वही ओपेक इज वन कार्टल ऑफ 11 कंट्रीज, जो अलग अलग वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के कार्टल बने हुए हैं. अमेरिका ने तो अपने मोस्ट ऑफ द ऑयल वेल आज तक बंद रखे हुए हैं. अमेरिका तो इंतजार कर रहा है कि जब ये गल्फ कंट्रीज का ऑयल खत्म हो जाएगा ना, तब हम अमेरिका के अपने ऑयल वेल खोलेंगे. अमेरिका तो इंतजार में बैठा है, बिकॉज अमेरिका इज हैविंग ह्यूज रिजर्वायर ऑफ पेट्रोल. और उस वक्त जब सारा पेट्रोल अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा टू ऑल ओवर वर्ल्ड, इमेजिन कि क्या होने वाला है, प्राइस में डोमिनेट करेंगे. और फिर बदले में मालूम है क्या मांगेंगे? डॉलर, यूरो नहीं मांगेंगे. और वो डॉलर देने के लिए पहले हमें डॉलर कमाना पड़ेगा, और वो डॉलर कमाने के लिए पहले हमें गुड्स बना बनाकर मैन्युफैक्चर कर करके अमेरिका को देनी पड़ेगी, ताकि वहां से डॉलर पेमेंट आएगी, तो फिर हम डॉलर देकर पेट्रोल लेंगे. तो इस दुनिया को गोल्ड नहीं चलाता, इस दुनिया को पेट्रोल चलाता है, डीजल चलाता है, अभी भी चला रहा है, आगे भी चलाएगा. तो ये दुनिया जो आजकल इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है वो गोल्ड से नहीं चलती है, वर्ल्ड इकोनॉमी पेट्रोल से चलती है और ऑयल से चलती है. जापान बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने आप को ऑयल फ्री इकोनॉमी बना ले, और सारे जो व्हीकल्स हैं सोलर एनर्जी से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या विंड एनर्जी से चलें, एंड शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन पेट्रोल एंड ऑल दैट, ताकि अमेरिका के क्लच से और पेट्रोल के क्लच से बाहर निकल आए. तो जो इकॉनमी अपने आप को पेट्रोल से फ्री कर लेगी, पेट्रोलियम प्रेशर से, वो सक्सेसफुल हो जाएगी लॉन्ग टर्म में. दैट इज समथिंग हैपनिंग. यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको, डेफिनेशंस व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटरप्राइज ओवर देयर.
बाकी डेफिनेशन अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें. सो हेयर वी टेक फाइनल ऑफ एंड देन वी रिवर्ट बैक इन द नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट संडे ऑल्सो द कॉम्पिटिशन एक्ट कॉन्टिन्यूज. थैंक यू सो मच. जय माता दी.